एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड गोशेंगनन को देखते हैं, जो कि एक शेफ असिस्टेंट है और होटल में काम करती है, लेकिन वो अपने काम पर लेट पहुंचती है, इसीलिए उसे थोड़ी डांट पड़ जाती है। इसके बाद हेड शेफ सभी को बताता है कि आज इस होटल में बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं, वो हमारे होटल के फाइनेंसर और नए बॉस भी होने वाले हैं, इसीलिए हम में से किसी को भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना है। फिर जब शेंगनन पोटैटोस पील कर रही होती है, तभी उसके पास उसका फ्रेंड ट्रम्पेट आता है, जो उसे फिंगर लिकिंग फ्राइड राइस बनाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके जैसा फ्राइड राइस कोई भी नहीं बनाता था। लेकिन शेंगनन मना कर देती है, पर जब एक और शेफ उसे बनाने के लिए बोलता है तो शेंगनन मान जाती है और स्टोर रूम में जाकर फ्राइड राइस बनाने लगती है। और हम देख पाते हैं कि उसके खाना बनाने की कितनी अच्छी स्किल्स है, और वो जो कुछ भी बनाती है वो दिल से बनाती है। फ्राइड राइस बनते ही ट्रम्पेट उसे खाने के लिए आ जाता है, लेकिन शेंगनन उसे मना करती है क्योंकि उसमें अभी एक सीजनिंग डालना बाकी था। इसीलिए वो उस सीजनिंग को लेने के लिए जाती है और ट्रम्पेट को वहीं पर रुकने को बोलती है, पर ट्रम्पेट को उसके घर से कॉल आ जाता है और क्योंकि स्टोर रूम में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। इसी बीच वहां पर आग लग जाती है। शेंगनन जब वापस आती है तो स्टोर रूम को जलता हुआ देखकर आग बुझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब इस सब से कोई फायदा नहीं होता तो वो अपने चेहरे को स्कार्फ से ढककर बाहर पानी लेने के लिए जाती है। इसी बीच हमारे ड्रामा की मेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम लूचेन है, और वो होटल में आ चुका है। जब वो स्टोर रूम के बाहर से गुजर रहा था, तभी वो वहाँ पर आग लगी हुई देखकर इमरजेंसी फायर अलार्म सिस्टम को ऑन करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर शेंगनन आती है, जो कि उसे ऐसा करता हुआ देख लेती है और सोचने लगती है कि अगर फायर अलार्म बच गया तो पक्का उसकी नौकरी तो चली ही जाएगी, और क्या इसी पर्सन की वजह से आग लगी है। ये सब सोचकर वो उसके ऊपर ही पानी फेंक देती है और उसे बोलती है कि यह तुम्हारे स्मोकिंग करने की वजह से यहाँ पर आग लगी है। लूचेन उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे उसके पास बुलाकर उसे बाउल मांगता है और फिर फायर अलार्म सिस्टम को ऑन कर देता है, जिससे सीलिंग से पानी टपकने लगता है और आग बुझ जाती है। और फायर अलार्म की आवाज सुनकर बाकी सारे शेफ्स भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ट्रम्पेट शेंगनन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस एक्सीडेंट में उसका नाम ना इन्वॉल्व करे, इसीलिए शेंगनन सारे इल्जाम खुद पर ले लेती है, और क्योंकि उसने काफी नुकसान पहुंचाया था इसलिए मैनेजर शेन उससे काफी नाराज होता है और उसके बिना कोई भी बात सुने उसे जॉब से निकाल देता है। फिर हम लूचेन को देखते हैं, जिसे इस होटल का वीआईपी रूम अलॉट किया गया था, जिसका नंबर था 1123। लूचेन का असिस्टेंट, जिसका नाम मेंशन है, वो मैनेजर से बोलता है कि तुम्हारे होटल में जितनी भी स्पेशल डिशेज है वो सारी लूचेन के लिए लेकर आओ। और जब लूचेन उन सभी डिशेज को ट्राई करता है तो उसे एक भी डिश पसंद नहीं आती और वो एक के बाद एक सबको रिजेक्ट करता रहता है। ये सब देखकर मैनेजर शेन के भी पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि अगर लूचेन नाराज हो गया तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। दूसरी तरफ ये बात जब शेफ्स को पता चलती है कि उनकी सारी डिशेज रिजेक्ट हो गई हैं, तो वो अपना गुस्सा लूचेन पर निकालने लगते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। पर मैनेजर शेन उसे समझाता है कि वो इस होटल को एक्वायर करने आया है, इसलिए हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। हेड शेफ लियू बताता है कि अब उनके पास कोई भी डिशेज नहीं बची है, इसलिए अब वो क्या करे। तभी ट्रम्पेट आकर सभी को बताता है कि उसके पास एक डिश है, और अब वो शेंगनन का बनाया हुआ फिंगर लिकिंग फ्राइड राइस लूचेन को सर्व करने के लिए जाता है, जो पहले तो लूचेन खाने से मना कर देता है क्योंकि वो इस होटल की बेकार डिशेज ट्राई कर करके परेशान हो गया था। लेकिन फिर वो काफी रिक्वेस्ट करने पर उस डिश को ट्राई करता है, जिसका एक बाइट लेते ही उसे वो काफी पसंद आती है और वो उसे खाते खाते इमेजिन करने लगता है कि उसे शेंगनन ने कैसे प्रिपेयर किया होगा, और वो एक एक इंग्रेडिएंट का टेस्ट फील कर पा रहा था। वो डिश उसे इतनी पसंद आती है कि वो पूरा खा जाता है और प्लेट में एक दाना भी नहीं छोड़ता। लूचेन बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे होटल में एक इतना अच्छा शेफ भी हो सकता है और मुझे इस शेफ से मिलना है, पर मैनेजर झूठ बोल देता है कि वो शेफ तो एनुअल लीव में चली गई है और अब आप उससे नहीं मिल सकते। जो सुनकर लूचेन कहता है कि अरे ये तो बड़ी अजीब बात है, इस डिश को बनाने के बाद ही वो सीधा एनुअल लीव पे चली गई और तुम्हारे होटल के लिए भी ये बहुत दुख की बात है। जो सुनकर मैनेजर कुछ समझ नहीं पाता, तो मेंशन बताता है कि अब होटल का एक्वायरिंग प्राइस कम कर दिया जाएगा। जो सुनकर मैनेजर हड़बड़ा जाता है और बोलता है कि मैं अभी उस शेफ की लीव कैंसिल कर देता हूँ। जिसके बाद हम शेंगनन को देखते हैं, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड जाउदी के कहने पर एक पार्किंग लॉट में जाती है और वहाँ पर किसी पर्सन की कार को आटा डालकर स्पॉइल करने लगती है, जिसकी ये सारी हरकतें बहुत ही फनी थी। पर तभी जाउदी उसे कॉल करके फिर से कार का नंबर बताती है, जो सुनकर शेंगनन हैरान हो जाती है क्योंकि उसने गलत कार को खराब कर दिया था। अब इससे पहले कि वो बेचारी यहाँ से जा पाती, तभी वहाँ पर इस कार का ओनर आ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि लूचेन था, जिसे देखकर वो घबराने लगती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसे पहचान न ले। लेकिन लूचेन उसे नहीं पहचान पाता। अब वो उसे वापस से कार में बिठाकर फिर से वही सब करने के लिए कहता है जो कि वो उसके आने से पहले कर रही थी, और उसका वीडियो बनाने लगता है। तो शेंगनन उसे माफी मांगती है और बोलती है
कि मैं इसका कंपनसेशन पे कर दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। पर लोचिंग उसकी बात नहीं मानता और उसे पुलिस की धमकी देता है, इसलिए शेंगनेना फिर से वैसी हरकतें करने लगती है। शेंगनेना अब उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि मैं कुछ भी करके कंपनसेशन पे कर दूंगी। तो लोचिन उसे अपना फोन नंबर देने के लिए पेपर ढूंढने लगता है, पर जब उसे कोई भी पेपर नहीं मिलता तो शेंगनेना उसका फॉरवर्ड उसके आगे कर बोलती है कि यहाँ पर लिख दो। और जब लोचिन उसे अपने पास इस तरह से देखता है तो वो उसे कुछ देर के लिए तो देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर वो वापस से अपने सेंसेस में आता है और उसके बैग पर अपना नंबर लिखकर उसे 30 मिनट्स में उसे कॉल बैक करने के लिए बोलता है, नहीं तो वो पुलिस में उसकी कंप्लेंट कर देगा। अब बेचारी शेंगनेन परेशान होकर सबसे पहले तो अपनी फ्रेंड जाओदी के पास जाती है उसे कंपनसेशन के पैसे मांगने, क्योंकि उसके कहने पर ही उसने कार को स्पॉइल किया था। हालांकि गलती तो यहाँ पर उसी की थी कि उसने गलत कार को स्पॉइल कर दिया था, इसीलिए जाओदी उसे पैसे देने से मना कर देती है और वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। फिर शेंगनेन अपने अंकल के पास जाकर उनसे भी पैसे मांगने के लिए जाती है, लेकिन वो भी उसे मना करके बाहर भेज देते हैं। रात में हम लोचिन को देखते हैं जिसे उसकी मॉम का कॉल आता है, तो वो उनसे बात करने लगता है और यहाँ उसकी मॉम उससे बिजनेस रिलेटेड बात करके कॉल रख देती है, जो देखकर लोचिन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है क्योंकि रात 12 बजे से उसका बर्थडे शुरू हो गया था लेकिन उसकी मॉम ने उसे विश नहीं किया था, इसीलिए वो अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगता है और अपने लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाता है। पर तभी मैंगशिन उसे उसका बर्थडे विश करने के लिए आता है और उसे एक अजीब सा गिफ्ट भी देता है। फिर लोचिन कुछ खाने के लिए बाहर जाता है। दूसरी तरफ हम शेंगनेन के ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि अपना एक छोटा सा खाने का स्टोर चलाते हैं, जहाँ जब वो अपने ग्रैंडपा से मिलने जाती है तो उन्हें पता चल जाता है कि शेंगनेन की नौकरी फिर से चली गई है और वो जॉब ढूंढ रही है। तो शेंगनेन उन्हें बोलती है कि आप मेरे लिए परेशान मत होइए, मैं कोई ना कोई जॉब जरूर ढूंढ लूंगी क्योंकि मैं एक बहुत ही टैलेंटेड शेफ हूँ। फिर वो उसे कुछ पैसे देते हैं तो शेंगनेन ने उन्हें से मना कर देती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आई हूँ। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे है इसीलिए मैं तुम्हें इन पैसों को दे रहा हूँ, और अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके बाद मेरे फ्यूनरल का खर्चा भी तो तुम्हें ही उठाना है। जो सुनकर शेंगनेन उन्हें बकवास बातें करने से मना करती है। अब ग्रैंडपा उसे पैसे देकर वॉशरूम चले जाते हैं, तभी वहाँ पर एक गेस्ट आकर कुछ ऑर्डर करता है, इसीलिए शेंगनेन उस ऑर्डर को बनाने के लिए किचन में चली जाती है और बहुत ही अच्छे से खाना बनाने लगती है। इसी बीच हम लोचिन को देखते हैं, जो कि कुछ खाने के लिए इसी रेस्टोरेंट में आता है क्योंकि इतनी रात को और जगह खुली नहीं थी, और वेटर भी गलती से वो ऑर्डर लोचिन के सामने ही रख देता है। तो लोचिन उसे खाने लगता है और जैसे ही वो खाना शुरू करता है तो वो पूरा खत्म करने के बाद ही रुकता है, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाता और शेफ से मिलने के लिए किचन में चला जाता है, जहाँ वो शेंगनेन को पीछे से काम करते हुए देख रहा था, जो कि स्पून को अपने बालों में लगाती है, पर वो उसका चेहरा देख पाता उससे पहले ही वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, जिनकी आवाज सुनकर शेंगनेन वहाँ से चुपकी से भाग जाती है और उसका स्पून वहीं पर गिर जाता है, जिसे लोचिन उठा लेता है। ग्रैंडपा अब लोचिन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो लोचिन बोलता है कि मैं तो उस फीमेल शेफ से मिलना चाहता हूँ जो कि अभी यहाँ पर काम कर रही थी। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि यहाँ पर कोई फीमेल शेफ काम नहीं करती, इसीलिए लोचिन वहाँ से चला जाता है और ग्रैंडपा देखते हैं कि शेंगनेन उनके लिए एक नोट लिखकर वो पैसे भी यहीं पर छोड़कर चली गई है। सुबह हम लोचिन को देखते हैं, जिसने कि उस स्पून को एकदम संभाल कर रखा हुआ था, जिसके बाद हम शेंगनेन को देखते हैं, जो कि जब अपने घर पर होती है, तभी ट्रम्पेट उसके पास आता है, जिसे देखकर वो अपने घर का दरवाजा बंद करने वाली होती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और बोलता है कि प्लीज तुम सभी शेफ की नौकरी बचा लो। और फिर वो उसे पूरी कहानी बताता है कि कैसे रूम नंबर 1123 में जो गेस्ट है उसको हमने तुम्हारे फिंगर लिकिंग फ्राइड राइस खिला दिए थे और अब वो सिर्फ तुम्हारे हाथ का खाना खाएगा और उसे हमारी कोई भी डिशेस पसंद नहीं आई। अगले सीन में हम लोचिन को उसके खाने का वेट करता हुआ देखते हैं, तभी फाइनली काफी इंतजार के बाद उसका खाना आ जाता है और ये डिश भी उसे काफी पसंद आती है, इसलिए वो उसे सारा का सारा खा जाता है। जिसके बाद शेंगनेन मैनेजर के पास जाती है, तो मैनेजर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, अब तुम्हें फिर से हायर तो कर लिया है। तो शेंगनेन बोलती है कि मैं तो आपसे नेगोशिएट करने के लिए आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा प्रमोशन कर दो और मेरी सैलरी भी बढ़ा दो, पर मैनेजर ऐसा करने से मना कर देता है। तो शेंगनेन वहाँ से जाने लगती है और अब क्योंकि सिर्फ शेंगनेन ही एक ऐसी शेफ थी जो कि लोचिन को सेटिस्फाई कर सकती थी, इसलिए मैनेजर उसे रोकता है। तो शेंगनेन खुश होकर उसे बोलती है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे भी बाकी शेफ की जितनी सैलरी चाहिए और एक ऑफिशियल शेफ का टाइटल, जो सुनकर बेचारे मैनेजर को मानना ही पड़ता है। अब शेंगनेन बहुत ही खुश हो जाती है और एक ऑफिशियल शेफ की तरह ड्रेसअप होकर किचन में आती है, जहाँ वो ऑर्डर लिस्ट को पढ़ने लगती है, लेकिन मैनेजर वहाँ पर आकर ऑर्डर लिस्ट उससे लेकर दूसरे शेफ को दे देता है और उसे बोलता है कि अब से तुम सिर्फ 1123 में जो गेस्ट है उसी के लिए खाना बनाओगी।
जो सुनकर शेंगनन कहती है कि वो तो ज्यादा कुछ ऑर्डर नहीं करता। तो मैनेजर कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम रेस्ट कर सकती हो, लेकिन जब भी उसका ऑर्डर आए तो चाहे तुम कहीं पर भी हो तुम्हें आकर उसका ऑर्डर बनाना होगा। जो सुनकर शेंगनन काफी खुशी से मान जाती है। अब शेंगनन ऑफिशियल शेफ बनने की खुशी में अपनी फ्रेंड और अंकल को पार्टी देती है और वो लोग पार्टी करने के लिए उसी होटल का रूम बुक कर देते हैं जिसमें शेंगनन जॉब करती है। जो देखकर शेंगनन बोलती है कि अभी मैंने इतने पैसे जमा नहीं किए हैं कि मैं उस फरारी के ओनर को पे कर सकूं, इसलिए मैं इस होटल का पैसा नहीं देने वाली, चलो कहीं और जाकर पार्टी करते हैं। पर वो लोग उसे किसी तरह से यहीं पर पार्टी करने के लिए मना देते हैं और अब शेंगनन भी उनके साथ शामिल होकर बहुत ही ड्रिंक करती है और बहुत शोर मचाते हुए पार्टी करने लगती है। जिनके शोर की आवाज से लूचिंग काफी परेशान हो रहा था क्योंकि वो इनके बगल वाले रूम में था। अब ड्रिंक कर वो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि शेंगनन को रूम नंबर 1123 में जो गेस्ट है उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से उसे प्रमोशन और पे रेज दोनों मिला है। शेंगनन अब काफी ड्रंक होने के बाद सो जाती है तो साउदी और अंकल उसे छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जब शेंगनन की आंख खुलती है तो उसके फ्रेंड्स वहां से जा चुके थे और अब वो रूम नंबर 1123 में जो गेस्ट था उसे थैंक यू बोलने के लिए कुछ इस तरह से जाती है बालकनी कूदकर। लूजिन को अपनी बालकनी में कुछ गिरने की आवाज आती है, इसलिए जब वो दरवाजा ओपन करके देखता है तभी शेंगनन उसे आकर हक कर लेती है और थैंक यू बोलती है। पर जैसे ही लूजिन उसका चेहरा देखता है तो वो उसे पहचान लेता है और शेंगनन भी उसका चेहरा देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसने गलती से वाइन भी लूजिन के कपड़ों पर गिरा दी थी। लूजिन अब उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन शेंगनन नहीं उठती। लूजिन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो बहुत ही मुश्किल से शेंगनन को किसी तरह से उठाकर बेड पर लेटाता है। फिर वो अपने असिस्टेंट मिंगशन को कॉल करने लगता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, इसलिए वो वॉशरूम में जाकर अपनी शर्ट चेंज करने लगता है। दूसरी तरफ हम जाउदी को एक क्लब में देखते हैं जिसे मेंशन भी वहां पर नोटिस करता है और उसके पास जाकर उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है जहां दोनों एक दूसरे को अपना अलग अलग नाम बताते हैं। अब ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी मेंशन को लूजिन का कॉल आता है, इसलिए वो जाउदी को बाद में मिलने का बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं लूजिन जब वॉशरूम में होता है तब उसे बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो बाहर आकर देखता है तो शेंगनन बेड से नीचे गिर गई थी, इसलिए वो उसे किसी तरह दोबारा से उठाकर बेड पर लेटाता है और बेड के साइड में पिलो रख देता है ताकि शेंगनन अब फिर से नीचे गिरे तो उसे चोट ना लगे। तभी वहां पर मेंशन आ जाता है जो कि शेंगनन को रूम में देखकर हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि अरे बॉस आप तो बहुत ही आगे निकले, मेरे जाते ही लड़की को रूम में ले आए। लेकिन लूजिन उसे बकवास बातें करने से मना करता है और उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगता है कि वही ये लड़की है जिसने मेरी फरारी खराब की थी। तो मेंशन अब उसे कंपनसेशन के लिए बात करने के लिए रूम में जाता है लेकिन तब तक शेंगनन वहां से जा चुकी थी। अगली सुबह शेंगनन जाउदी को सारी बातें बताने लगती है कि कैसे वो रात में रूम नंबर 1123 में स्टे कर रहे गेस्ट के रूम में चली गई थी, जहां जाकर उसे पता चला कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही है जिसकी उसने फरारी खराब की थी। जो देखकर उसने बेहोश होने का नाटक किया, इसलिए उसने मुझे बेड पर लेटा दिया और खुद जाकर किसी को कॉल करने लगा। जो देखकर शेंगनन को लगता है कि आज तो उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश में बेड से नीचे गिर जाती है तो लूजिन उसे फिर से बेड पर लेटा देता है। और जब दूसरा पर्सन वहां पर आता है तो वो दोनों बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं, इसलिए मौका देखकर मैं वहां से भाग आई और उसने लूजिन का एक जूता भी चुरा लिया था क्योंकि वो एक जूता पहनकर ही उसके रूम में आई थी। जो सब सुनकर जाउदी कहती है कि अरे ये सब तुमने क्या कर दिया, अब तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो शेंगनन बोलती है कि उस पर्सन को सिर्फ यही पता है कि मैं वो हूँ जिसने उसकी फरारी खराब की थी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं इस होटल की शेफ भी हूँ, इसलिए जब तक मैं उसे छुपी रहूंगी तब तक मैं बच जाऊंगी। इसके बाद जब शेंगनन होटल के किचन में होती है तभी लूजिन खाना ऑर्डर करता है और इस बार वो उसे टास्क देता है कि उसे रेड वाइन से कुछ डिशेस बनानी होगी, इसलिए वो बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर लूजिन के रूम में भेज देती है जिन्हें खाकर तो लूजिन उसका फैन ही बन जाता है। और सब खत्म करने के बाद वो बोलता है कि मैं इस शेफ से मिलना चाहता हूँ। मैनेजर जब शेंगनन को लूजिन से मिलने के लिए बोलता है तो शेंगनन मना कर देती है, पर मैनेजर उसे यहाँ पर बहुत फोर्स करता है और उसे लूजिन से मिलने के लिए कहता है। तब बेचारी शेंगनन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब जब लूजिन उस फीमेल शेफ का वेट कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर ट्रम्पेट उसकी जगह पर आता है। जो देखकर लूजिन पूछता है कि शेफ क्यों नहीं आई तो ट्रम्पेट बोलता है कि शेफ को लगता है कि उनके लोग साहब को अनकंफर्टेबल फील कर देंगे क्योंकि वो बहुत ही अगली दिखती है। जो सुनकर लूजिन कहता है कि अब तो मुझे उससे मिलने को और भी ज्यादा दिल कर रहा है। फिर वो ट्रम्पेट से पूछता है कि तुम इसमें क्या लेकर आए हो, और जैसे ही ट्रम्पेट उसे दिखाता है तो उसके अंदर एक पानी का ग्लास और एक अंडा था। जो देखकर लू बोलते हैं कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंडा टेस्टी लगे तो ये किस मुर्गी ने दिया है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिस पर ट्रम्पेट हाँ बोलता है। ये सुनकर लूजिन कहता है कि अब तो मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा और मैं उससे मिलकर ही रहूंगा, ये बोलकर वो बाहर की तरफ जाने लगता है। तो ट्रम्पेट अब शेंगनन को लूजिन के बारे में इन्फॉर्म कर देता है कि वो उससे मिलने के लिए आ रहा है, इसलिए वो भी किचन से जाने लगती है। पर उसे अपने सामने लूजिन आते हुए दिखता है
इसलिए वो उसे देखते ही वहाँ से भाग जाती है और उसका स्कार्फ वहीं पर गिर जाता है। लुजन उस स्कार्फ को उठा लेता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि शेंगनन ने अब अपनी ड्रेस चेंज कर मास्क लगाकर वहाँ से बाहर निकल रही होती है और लुजन के सामने से गुजर जाती है, लेकिन लुजन उसे नोटिस नहीं कर पाता। पर तभी वो उसे रुकने के लिए बोलता है। लुजन अब उसके पास आता है और उसे मुड़ने के लिए बोलता है। जैसे ही शेंगनन मुड़ती है तो वो थोड़ी देर तक उसे ही देखता रहता है और फिर बोलता है कि लगता है मैंने आपको गलत इंसान समझ लिया। इसीलिए अब शेंगनन यहाँ से जाने लगती है, लेकिन लुजन अब उसे फिर से रोककर उसका स्कार्फ देता है और बोलता है कि शायद ये आप ही ने गिराया था। तो शेंगनन उस स्कार्फ को ले लेती है और लुजन को ये पता लग जाता है कि ये वही लड़की है जो फायर इंसिडेंट वाले दिन उसे स्टोर रूम में मिली थी। जिसके बाद हम शेंगनन को काफी कंफ्यूज देखते हैं, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि लुजन ने उसे पहचान लिया या फिर नहीं। तभी मैनेजर वहाँ पर लुजन का ऑर्डर लेकर आता है और शेंगनन को बताता है कि तुम्हें पोटैटो से 10 डिशेस बनाकर सर्व करनी है, जिसके लिए जब वो दूसरे शेफ्स की हेल्प लेने लगती है तो मैनेजर उसे मना कर देता है और बोलता है कि इस गेस्ट का खाना तुम्हें अकेले ही बनाना है। जो सुनकर शेंगनन थोड़ी सी वरिड हो जाती है, लेकिन फिर वो बहुत सारे अच्छे अच्छे डिशेज बनाकर लुजन को सर्व कर देती है, जो खाकर तो लुजन उसका फैन ही हो जाता है। और फिर से वो उसे परेशान करने के लिए और उसकी स्किल्स सीखने के लिए उसे फिर से डिशेज की एक लिस्ट भेजता है, जिसमें उसे फिर से हर एक इंग्रेडिएंट पर 10-10 डिशेज बनानी थी। इसीलिए वो अकेले ही सब कुछ प्रिपेयर करने लग जाती है और बहुत ही मेहनत और अच्छे तरीके से सब कुछ बनाकर भेज देती है। वहीं लुजन और मेंशन उन डिशेज को काफी इंजॉय कर रहे थे। अब शेंगनन इतना सारा खाना बनाकर काफी थक जाती है और रात में वो किचन में ही सो जाती है। सुबह सुबह उसके पास मैनेजर आता है और उसे उठने के लिए बोलता है, लेकिन जब शेंगनन अभी भी स्लीपी फील कर रही थी तो मैनेजर उसे बाहर की हवा खाने को बोलता है ताकि वो नींद से जाग सके। बाहर हम लुजन को देखते हैं जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी वहाँ पर शेंगनन आती है जो कि एयर डॉल से खेलने लगती है, और जब वो एक और डॉल में हवा भरने के लिए मशीन ऑन करती है तो वो डॉल जाकर सीधा लुजन के सर से टकराती है और वो पूल में गिर जाता है। और अब बेचारी शेंगनन परेशान हो जाती है। फिर वो अपनी गलती के लिए मैनेजर शेन के साथ जाकर लुजन के असिस्टेंट से माफी मांगती है, क्योंकि लुजन को थोड़ा फीवर हो गया था इसलिए वो आराम कर रहा था। तो मेंशन बताता है कि वो अब ठीक है, इसलिए आप लोग बुके रख कर चले जाइए। और यहाँ मेंशन शेंगनन को पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है जिसने बॉस की कार खराब की थी। अंदर जाकर मेंशन बोलता है कि पता नहीं लड़की क्या चाहती है, जब से आई है आपकी लाइफ में ट्रबल ही ट्रबल क्रिएट की जा रही है, क्या वो आपको पसंद करती है? लुजन कुछ सोचकर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो शायद मुझसे बदला ले रही है। तो मेंशन यहाँ से बोलते हुए चला जाता है कि हाँ वो आपसे शायद बदला ले रही है और वो आपको इतना पसंद करती है कि वो आपको जान से मारना चाहती है। रात में लुजन विचिस ब्रू ऑर्डर करता है। वहीं किचन में सारे शेफ्स काम कर जा रहे होते हैं। तभी शेंगनन को लुजन का ऑर्डर मिलता है, जिसको जब वो पढ़ती है तो उसमें उसने विचिस ब्रू ऑर्डर किया हुआ था, जो देखकर शेंगनन बोलती है कि क्या उसे पता भी है ये क्या होता है, मैं तो सिर्फ मशरूम सूप बनाऊंगी। जो सुनकर ट्रम्पेट कहता है कि तुम भला उसके लिए विचिस ब्रू क्यों नहीं बनाऊंगी। तो शेंगनन उसे बताती है कि उसकी कोई पर्टिकुलर रेसिपी नहीं है, बल्कि उसमें तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं जो कि किसी के लवर को पसंद होते हैं और फिर उन्हें रेड वाइन के साथ मिलाया जाता है, इसीलिए इसे रेसिपी ऑफ लवर्स भी कहा जाता है। जो सुनकर ट्रम्पेट बोलता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि रूम नंबर 1123 वाला गेस्ट तुम्हें लाइक करता है? जो सुनकर शेंगनन ट्रम्पेट को गुस्से से देखती है और उसे काम करने को बोलती है, लेकिन उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और फिर शेंगनन सूप बनाने लगती है। दूसरी तरफ हम लुजन को देखते हैं जो कि काफी देर से अपनी सूप का वेट कर रहा था, लेकिन जब बहुत देर इंतजार करने के बाद भी उसका ऑर्डर नहीं आता तो रिसेप्शन पर कॉल करता है, पर जब वहाँ कोई फोन नहीं उठाता तो वो खुद ही किचन में चेक करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर उसे कोई भी शेफ नहीं मिलता। इसलिए वो आवाज देकर पूछने लगता है कि मेरा सूप अभी तक क्यों नहीं आया, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। तभी वो देखता है कि उसका सूप पक रहा है, जो देखकर वो उसे स्मेल करता है और उसकी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही थी, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाता और उसे टेस्ट करता है, जो कि उसे काफी अच्छा लगता है। इसलिए वो सूप में से एक मशरूम निकालकर खा जाता है, जो खाते ही उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी वहाँ पर शेंगनन आती है, जो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो लुजन उसके ऊपर ही गिर जाता है। ये देखकर शेंगनन काफी घबरा जाती है और बोलती है कि प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हारी कार के पैसे दे दूंगी। पर तभी लुजन नीचे गिर जाता है। ये देखकर शेंगनन को लगता है कि शायद वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो हाथ ऊपर करके बोलती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो सूप का ढक्कन खुला हुआ देखती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि उसने सूप पिया है, इसलिए वो भागकर जाकर पानी में थोड़ी सी सूप डालकर लेकर आती है और उसे लुजन को पिला देती है। फिर वो उसे थप्पड़ मारने लगती है ताकि उसे वॉमिटिंग हो जाए और उसे उठाकर वॉमिटिंग कराती है। वॉमिटिंग करने के बाद शेंगनन लुजन को पूछती है कि क्या तुम ठीक फील कर रहे हो, और हम यहाँ उसे उसकी गोद में देख पाते हैं,
पर तभी लूजन के मुंह से बबल्स निकालने लगते हैं, जो देखकर शेंगनेन हंसने लगती है और उन बबल्स के साथ खेलने लगती है। अगली सुबह लूजन बेड पर लेटा हुआ होता है, जहां वो अपने फोन पर कल रात हुए इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था और उस वीडियो को वहां की सिक्योरिटी ने ग्रुप में वायरल कर दिया था, क्योंकि वो सच्चाई का पता लगाना चाहते थे कि आखिर असल में क्या हुआ था। जिस बात से लूजन काफी एम्बैरस फील कर रहा था, तभी मेंशन उसके पास आता है और बोलता है कि आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो, बस डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन तक आपको सिर्फ हल्का खाना खाना है और आप उस इंसिडेंट की वजह से एम्बैरस फील मत करो। मैं आपको कई बार कुछ अच्छा खाने के लिए लेकर जाता हूँ, जिससे आपका मूड भी ठीक हो जाएगा और आप सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए अब लूजन जैसे ही तैयार होकर बाहर आता है, जहाँ मैनेजर शेन अपने पूरे स्टाफ के साथ उसे माफी मांगने के लिए आया हुआ था, जो देखकर लूजन एम्बैरस होकर अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन कार्ड अंदर ही रह गया था। तभी सभी एम्प्लॉयज के बीच में से शेंगनेन निकल कर आती है और लूजन को सॉरी बोलती है, तो लूजन बोलता है कि मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, मैं एम्बैरस नहीं हूँ, और हाँ तुम जीत गई हो, अब से मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगा, ना ही मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। ये सब बोलकर वो फिर से रूम के अंदर जाने की कोशिश करता है, तो मैनेजर शेंगनेन को दूसरा कार्ड देता है, जिससे शेंगनेन उसके रूम का दरवाजा ओपन करती है और लूजन रूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है, और ये सीन काफी फनी होता है, जिसके बाद मैनेजर शेंगनेन को बुलाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। यहाँ शेंगनेन उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोलता है कि तुमने तो आज लूजन को ऑलमोस्ट जहरी दे दिया था। तो शेंगनेन बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो सूप ठीक से पका नहीं था, और लूजन खुद ही किचन में आकर उसे खाने लग गया, पर मैनेजर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे जॉब से निकाल देता है। दूसरी तरफ हम लूजन को देखते हैं, जो किसी होटल में जाकर खाना खाता है, लेकिन वहाँ की कोई भी डिश उसे पसंद नहीं आती और वो सोचने लगता है कि उसका टेस्ट अब शायद अपग्रेड हो गया है। दूसरी तरफ हम शेंगनेन को देखते हैं, जो कि जॉब के लिए कई होटल्स में अपना रिज्यूम भेजती है, पर उसे किसी से भी कॉल नहीं आता, और जैसे ही उसे एक कॉल आता है तो वो अपनी सारी डिटेल्स बताने लगती है, लेकिन वो तो मेंशन का कॉल था, जो उसे कार के कंपनसेशन के पैसे देने के लिए बोलता है और कहता है कि आज फाइनल डे है, पर शेंगनेन उसे मना करने लगती है, इसीलिए वो बोलता है कि ठीक है तो अब हम कोर्ट में मिलेंगे, जो सुनकर शेंगनेन डर जाती है और रोने की एक्टिंग करने लगती है। वहीं हम जाऊदी को देखते हैं, जो कि एक टैक्सी का वेट कर रही होती है, तभी मेंशन उसके पास आता है और उसे राइड ऑफर करता है, जिसके लिए वो मान जाती है, लेकिन तभी उसे शेंगनेन का वॉइस नोट मिलता है, जिसमें वो बोलती है कि मैं ग्रैंडपा से कंपनसेशन के पैसे मांगने के लिए जा रही हूँ, लेकिन अगर उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की तो तुम मुझे जेल में जाते हुए देखना, जिसकी ऐसी बातें सुनकर मेंशन समझ जाता है कि जाऊदी शेंगनेन की दोस्त है, और जाऊदी को भी पता चल जाता है कि मेंशन का बॉस लूजन है। फिर हम शेंगनेन को उसके ग्रैंडपा के पास देखते हैं, जहां वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कुछ पैसे दे दे, लेकिन वो उसे पैसे देने से मना कर देते हैं, तो शेंगनेन उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम लूजन को देखते हैं, जो मेंशन से कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो वो कुछ खाना ऑर्डर करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि शेंगनेन को तो काम से निकाल दिया गया है, जो बात वो लूजन को बताता है, तो वो बोलता है कि ये किसने किया। मेंशन बताता है कि मैनेजर ने उसे काम से निकाल दिया है और उसने कहा था कि मिस्टर लू को उसने अपसेट किया है, इसलिए वो उसे काम पर नहीं रखेगा, जो सुनकर लूजन कहता है कि हाँ बिल्कुल वो यही डिजर्व करती है। वहीं शेंगनेन अपने ग्रैंडपा से बहुत रिक्वेस्ट करती है, तो वो उसे बोलते हैं कि जब तक तुम्हारे पास जॉब नहीं है तब तक तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम कर सकती हो, तो शेंगनेन इसके लिए मान जाती है और डेली वेज पर उन्हें पैसा देने को बोलती है, जिस पर ग्रैंडपा भी मान जाते हैं। इसके बाद हम फिर से लूजन को देखते हैं, जो कि मेंशन के साथ कई सारे रेस्टोरेंट के चक्कर लगा रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी रेस्टोरेंट पसंद नहीं आता, इसीलिए वो आखिर में ग्रैंडपा के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। इसी बीच हम शेंगनेन को देखते हैं, जब ग्रैंडपा वॉशरूम जाते हैं तो वो किचन में खाना बनाने लगती है, और जैसे ही ग्रैंडपा वापस आते हैं तो उसे डांटते हैं कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में किचन में मत आया करो। वो उसे वहां से भगा देते हैं और उसकी डिश को फेंकने वाले थे, लेकिन उसी वक्त लूजन वहां पर आकर उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। अब जैसे ही लूजन उस डिश को खाने ही वाला था, तभी शेंगनेन उसे आकर रोक देती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो लूजन बहाना करने लगता है कि मुझे थोड़ी पता था कि ये जगह तुम्हारी है। उसी वक्त ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि शेंगनेन को कस्टमर से रूड बर्ताव करने के लिए डांटते हैं और उसे जाकर और काम करने को बोलते हैं, इसलिए शेंगनेन उसे चॉपस्टिक्स वापस दे देती है, लेकिन डिश को वहां से ले जाने लगती है, पर किसी तरह लूजन उससे उस डिश को छीन लेता है। इसी बीच एक कस्टमर शराब पीकर पैसे नहीं दे रहा होता, तो शेंगनेन उससे लड़ने के लिए जाती है। इतने शोर में भी लूजन सब कुछ इग्नोर करके बस खाना खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी शेंगनेन की फेंकी हुई एक वाइन बॉटल सीधा लूजन के सर में आकर लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जो देखकर शेंगनेन तो अपना सामान वगैरह पैक कर घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मेंशन उसे पकड़ लेता है और लूजन के पास ले जाने लगता है। इसी बीच हम लूजन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर उसके पास आकर उसे बताता है कि उसे सिर्फ एक स्क्रैच आया है और ये कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं है, और वो बेहोश इसीलिए हुआ था क्योंकि उसने काफी देर तक कुछ खाया नहीं था। ये सब बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। तभी मेंशन शेंगनेन को लेकर आता है
तो लोचन मिंगशन को अपना फोन निकालने के लिए बोलता है और उसमें कार क्लीनिंग एक्सपेंस, हॉस्पिटलाइजेशन का बिल, फिर मेडिकेशन का बिल, ये सारी चीजें ऐड कर टोटल होता है 130,000 युआन। तो ये सारे पैसे उसे पे करने के लिए बोलता है, जो सुनकर शेंगनेन हैरान हो जाती है और बोलती है कि अभी भी मैंने डॉक्टर को कहते हुए सुना था कि ज्यादा सीरियस नहीं है, इसलिए अब तुम मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। लोजेन बोलता है कि मेरे पास तुमसे लड़ाई करने की एनर्जी नहीं है, इसलिए अब मेरा लॉयर ही तुमसे बात करेगा। जो सुनकर शेंगनेन घबरा जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे पैसे पे कर दूंगी लेकिन इंस्टॉलमेंट में। मेंगशन उसे बोलता है कि हमारे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। तो शेंगनेन कहती है कि नहीं नहीं, मैं अपनी किडनी नहीं बेचने वाली। मेंगशन बोलता है कि हमें तुम्हारी किडनी की कोई जरूरत नहीं है और उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए देता है, जिसके अकॉर्डिंग जब तक लोजन के पैसे नहीं उतर जाते तब तक उसे लोजन के लिए खाना बनाना होगा, और कोई चारा ना होने पर शेंगनेन उस पर साइन कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शेंगनेन अपने ग्रैंडपा के स्टोर से कुछ फिशेज वगैरह चुरा कर ले जाती है और लोजन के लिए डिशेस प्रिपेयर करने लगती है, जिसके बाद हम लोजन को देखते हैं जो कि शेंगनेन के घर की तरफ लंच करने के लिए आ रहा था, और शेंगनेन के घर तक पहुंचने में उसे काफी परेशानी होती है क्योंकि आज तक वो कभी ऐसे एरिया में मिडिल क्लास लोगों के बीच में गया ही नहीं था। अब वो किसी न किसी तरीके से शेंगनेन के घर पर पहुंच जाता है, जहां शेंगनेन उसका एक वेट्रेस की तरह वेलकम करती है, जिसके बाद वो लोजन को खाना सर्व करती है। दूसरी तरफ हम मिंगशन को देखते हैं जो कि जाउदी के साथ एक अच्छी जगह पर लंच पर जाता है, लेकिन वो उसमें अब अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी जब से उसे पता चला था कि वो तो सिर्फ लोजन का ड्राइवर है, पर फिर भी मिंगशन उसे बटाने की बहुत कोशिश कर रहा था। वही खाना खाने के बाद जब शेंगनेन बिल लेकर आती है तो उसका टोटल अमाउंट था 2600 युआन, जो देखकर लोजन तो शॉक हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव था। शेंगनेन अब यहाँ उसे एक्सप्लेन करती है कि खाने का तो सिर्फ 500 युआन हुआ और बाकी का सर्विस चार्ज और क्रॉकरी चार्ज। अब लोजन उस बिल पर साइन कर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम शेंगनेन को उसके अंकल और जाउदी के साथ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उन दोनों का ही आइडिया था ताकि वो अपने डेड को जल्दी पे कर सके। अगली सुबह लोजन फिर से शेंगनेन के घर पर खाना खाने के लिए जाता है, जहाँ वो इस बार अपने साथ मेंगशन को भी लेकर आया था और वही उसके लिए वाइन सर्व करता है, जो देखकर शेंगनेन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि अब वो लोजन से ज्यादा टैक्स चार्ज नहीं कर सकती थी। इसलिए अब शेंगनेन वापस से अपने अंकल के पास जाती है और ट्रिक्स पूछने के लिए कि वो कैसे अपने डेट को जल्दी खत्म कर सके। अगले सीन में हम लोजन को फिर से शेंगनेन के घर पर खाना खाते हुए देखते हैं, और जैसे ही वो अपने सामने शेंगनेन को देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफी खूबसूरत लग रही थी। शेंगनेन उसे बताती है कि आपका आज का बिल 3800 युआन का हुआ है, जिसमें से 2000 इस डिजर्ट का है जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो लोजन बोलता है कि ठीक है, मैं इसे खाऊंगा। अब जैसे ही वो उसे खाने वाला होता है तभी शेंगनेन उसके एकदम क्लोज आ जाती है और बोलती है कि क्या इतना महंगा डिजर्ट खाना वर्थ इट है, जिस पर लोजन बेचारा काफी ऑकवर्ड था और वो हाँ बोल देता है। शेंगनेन अब उससे बिल साइन करवाती है, जिसमें उसने अपनी ड्रेस और हेयर कट का भी पैसा जोड़ दिया था, और लोजन उसे चुपचाप साइन कर देता है। अब जैसे ही लोजन डिजर्ट को खाने वाला था तभी शेंगनेन उस डिजर्ट को उठाकर ले जाती है और बोलती है कि ये ठंडा है तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, जो देखकर लोजन तो बेचारा समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया है। अब वो ये सारी बातें जाकर मेंशन को बताता है तो वो उसे समझाता है कि ये तो एक ट्रैप है, वो आपको सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने डेट पे कर सके। लोजन बोलता है कि मुझे सिड्यूस करना इम्पॉसिबल है और वो लड़की भी सिडक्टिव नहीं है। तो मेंशन उसके कान में उसे कोई एडवाइस देता है इस ट्रैप से बचने के लिए। अगले दिन लोजन फ्लावर्स लेकर शेंगनेन के घर पर जाता है, जो देखते ही शेंगनेन काफी खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें कैसे पता मुझे फ्लावर्स चाहिए थे। अब वो फ्लावर्स लेकर अपनी डिश में इस्तेमाल करने लग जाती है। ये देखकर लोजन अंदर जाता है और अब क्योंकि उसका प्लान ही फेल हो चुका था, इसलिए वो अपने प्लान बी इस्तेमाल करता है, जो सारी चीजें उसे मेंशन ने बताई थी। वो एक बुक लेकर शेंगनेन के सामने सनलाइट में बैठकर पढ़ने लगता है, और जैसे ही शेंगनेन की नजर उस पर जाती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। लोजन जब उसे देखता है तो वो भी उसकी तरफ हल्की सी स्माइल पास करता है, पर तभी शेंगनेन होश में आती है और लोजन को बोलती है कि गेस्ट को किचन में आना अलाउड नहीं है। तो लोजन बोलता है कि मैं तो ये चेक कर रहा हूँ कि कहीं तुम मेरे खाने में जहर वगैरह तो नहीं मिला रही। अब शेंगनेन उसे भगाने के लिए एक पैन के अंदर मिर्ची फ्राई करने लगती है, जिसके स्मोक की वजह से लोजन खांसने लगता है और वहाँ से बाहर चला जाता है, जिसके बाद शेंगनेन लोजन को डिश सर्व करती है। फिर वो एक स्वीट डिश खाते हुए लोजन के सामने आती है, तो लोजन उसे देखने लगता है क्योंकि उसका भी खाने का मन कर रहा था, पर जब शेंगनेन उसे ऑफर करती है तो वो मना कर देता है। शेंगनेन बोलती है कि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, और जब वो लोजन के सामने इतने मजे से उस डिश को खाती है तो लोजन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे छीन कर उसे खाने लगता है। शेंगनेन बताती है कि तुम्हारे फेस पर शुगर लगी हुई है, इसलिए वो टिश्यू लेकर उसके क्लोज आकर उसे साफ करने लगती है, जो देखकर लोजन फिर से सिड्यूस हो जाता है। लेकिन तभी उसे मेंशन की कही हुई बात याद आती है और अब वो भी शेंगनेन को बोलता है कि रुको जरा, तुम्हारे बालों में भी शुगर लगा हुआ है। ये बोलकर वो भी उसके क्लोज जाकर उसको साफ करने लगता है, और लोजन को अपने इतना क्लोज देखकर शेंगनेन काफी ऑकवर्ड हो जाती है और ये बोलकर चली जाती है कि उसे जाकर बर्तन धोने हैं। यहाँ अब इनकी टेक्निक काम आ चुकी थी,
और लोजिन स्माइल करके बिना बिल पे किए ही चला जाता है। अगले दिन शेंगनेन लोजिन के सामने एक परफॉर्मेंस करती है और उसे बताती है कि उसका टोटल बिल 2600 युआन हुआ है, जिसमें 2000 परफॉर्मेंस का है। तो लोजिन बोलता है कि ठीक है, मैं बिल को साइन कर देता हूँ और पेन ला कर दो। शेंगनेन अब पेन ढूंढने लगती है और जब वो शेल्फ से पेन उतार रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ऊपर रखा हुआ था, तब लोजिन उसकी मदद करने के लिए वहां पर आता है और उसके क्लोज जाकर उसे अपनी कोट से कवर कर देता है, जहाँ शेंगनेन तो बस उसकी परफ्यूम की खुशबू ही स्मेल करती रह जाती है। और लोजिन भी पेन निकालने की एक्टिंग कर रहा था, पर जब शेंगनेन को रियलाइज होता है कि वो ये क्या कर रही है, तभी वो शर्मा कर वहां से भाग जाती है और अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। लोजिन बाहर से कहता है कि मैंने अभी तक बिल साइन नहीं किया है, तो शेंगनेन कहती है कि कोई बात नहीं, वो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। इसीलिए अब लोजिन भी हंसकर यहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और इन दोनों की क्लोजनेस काफी बढ़ जाती है, जिसके साथ साथ शेंगनेन का कर्जा भी बढ़ गया था, क्योंकि कभी वो लोजिन का कोड खराब कर देती है तो कुछ। ऐसे ही एक दिन जब लोजिन शाम के वक्त शेंगनेन के घर आता है, तो वो देखता है कि कॉरिडोर का बल्ब काम नहीं कर रहा है। शेंगनेन लोजिन को बोलती है कि वो बस अभी आई, लेकिन लोजिन बोलता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि बाहर अंधेरा है और अगर तुम गिर गई तो, जिस पर शेंगनेन मना कर देती है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो लोजिन उसके शूज पर पैर रख देता है, जिससे वो लोजिन के ऊपर गिर जाती है और लोजिन कहता है कि देखा, मैंने बोला था ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेंगनेन तो लोजिन के बारे में सोच सोच कर काफी खुश होती है, क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगी थी। और एक दिन जब वो मार्केट में वेजिटेबल्स खरीद रही होती है, तभी उसे एक जॉब इंटरव्यू का कॉल आता है, लेकिन वो उस पे जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे लोजिन के लिए खाना बनाना था। लोजिन भी अब वहाँ पर एक एक करके काफी सारी चीजें मंगाने लगता है और ड्राइंग रूम का पूरा लुक ही बदल देता है। यहाँ तक कि वो कॉरिडोर में एक शैंडेलियर भी लगवा देता है, क्योंकि वहाँ का लाइट बल्ब खराब हो गया था, जो देखकर शेंगनेन उसे बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। इस शैंडिलियर के अंदर 10 बल्ब है और तुम्हें पता भी है कि इलेक्ट्रिसिटी बल्ब कितना आएगा। एक दिन अंकल शेंगनेन के घर आते हैं और बोलते हैं कि उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिला है जिसमें उन्हें उसकी मदद चाहिए और तुम्हें मेरी मॉडल बनना होगा। लेकिन शेंगनेन बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे लोजिन के लिए खाना बनाना है। पर अंकल उसे मनाने की कोशिश करने लगते हैं और लिविंग रूम का बदला हुआ एटमॉस्फेयर देखकर वहां रखी चीजों को टच करने लगते हैं, तो शेंगनेन उन्हें डांटती है क्योंकि वो लोजिन की चीजों को टच कर रहे थे। पर अंकल उसे जानबूझकर परेशान करने लगते हैं और वो उसे बोलते हैं कि क्या तुम दोनों कपल बन गए हो। लेकिन शेंगनेन उनकी बात का जवाब नहीं देती, तो अंकल कहते हैं कि ठीक है, मैं भी यहीं पर रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वो शेंगनेन से पूछते हैं कि लोजिन कहाँ पर गया है, तो वो बताती है कि वो बाहर से विनेगर लेने के लिए गया है। अब जैसे ही लोजिन आता है तो अंकल उसके सामने बैठकर कहते हैं कि तुम्हारी लुक से तो लगता है कि तुम ही लोजिन हो, जिस पर लोजिन कहता है कि हाँ, आपने सही गेस किया, वैसे आप कौन है? तो अंकल बताते हैं कि मैं एक डिजाइनर हूँ और साथ ही साथ मैं शेंगनेन का अंकल भी हूँ। अब जैसे ही अंकल खाने वाले होते हैं तो लोजिन उनसे चॉपस्टिक्स और बाउल छीन लेता है और बोलता है कि ये शेंगनेन का है। अंकल अब खाना शुरू कर देते हैं, पर लोजिन नहीं खाता क्योंकि वो शेंगनेन का वेट कर रहा था, जो देखकर अंकल भी रुक जाते हैं। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और वाटर सप्लायर आता है, तो अंकल उसे कार्ड देने के लिए इधर उधर कार्ड ढूंढने लगते हैं, लेकिन लोजिन आते ही फटाफट से उन्हें कार्ड दे देता है और वाटर कैन अंदर रखकर अंकल को थोड़ा पानी निकालने के लिए बोलता है, पर वो तो बहुत ही मुश्किल से बॉटल उठा पाते हैं। खाना खाने के बाद जब अंकल यहाँ से जा रहे होते हैं, तब वो जाओदी को कॉल करते हैं और ये सारी चीजें बताते हैं कि सारी डिशेस लोजिन की फेवरेट थी और ये दोनों तो सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही बात किए जा रहे थे और मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। पता नहीं आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ शेंगनेन जब काम खत्म करके बाहर आती है तो देखती है कि लोजिन सोफे पर ही सो गया है, इसीलिए वो उसकी फोटोज क्लिक करने लगती है। और जब वो उसके पास आकर अपनी एक फोटोज के साथ क्लिक कर रही थी, तभी लोजिन जाग जाता है और शेंगनेन गलती से उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे इन दोनों की किस हो जाती है। लोजिन उठकर उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं यहीं पर सो गया था, तो शेंगनेन बोलती है कि तुम सो रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक ब्लैंकेट दे दूं, लेकिन तुम उठ गए और ज्यादा परेशान मत हो, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। लोजिन बोलता है कि अब काफी रात हो गई इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो शेंगनेन उसे गुड बाय बोलती है और उसके जाने के बाद उसकी फोटोज देखकर काफी खुश होने लगती है। दूसरी तरफ लोजिन भी बस शेंगनेन के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन हम लोजिन की सेक्रेटरी लिमन को देखते हैं, जो कि होटल रूम में उससे मिलने के लिए स्विट्जरलैंड से आई थी, लेकिन लोजिन वहां पर नहीं होता। उसे देखकर मेंशन भी हैरान हो जाता है, तो लीमन कहती है कि लोजिन मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही जाकर उससे मिल लेती हूँ और तुम मेरे आने के बारे में लोजिन को मत बताना। लीमन को यहाँ पर लोजिन के कोर्ट में शेंगनेन का रिज्यूमे मिलता है, जिसे देखते ही मेंशन छुपा लेता है, लेकिन लीमन उससे वो ले लेती है। अब लीमन अकेले बैठकर लोजिन का वेट कर रही थी और यहाँ वो एक ब्रेसलेट को देखते हुए उसके बारे में ही सोच रही थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ लोजिन और लीमन ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी लोजिन की गर्लफ्रेंड वहाँ पर गुस्से में आती है,
क्योंकि लोचन उसका फोन नहीं उठा रहा था। वो बोलती है कि तुम हमेशा काम में बिजी रहते हो और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, मुझसे ज्यादा वक्त तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ बिताते हो। लोचन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक बहुत ही क्रिटिकल इश्यू से डील कर रहा है और वो उससे बाद में आकर जरूर मिलेगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड काफी गुस्से में थी और वो उसे बोलती है कि आज तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को चुनते हो या फिर अपनी सेक्रेटरी को। तो लोचन बोलता है कि मुझे गर्लफ्रेंड तो बहुत सारे मिल जाएंगी, लेकिन मेरी सेक्रेटरी लीमन को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। इसी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। प्रेजेंट में लीमान बोलती है कि लोचन मुझे यकीन है कि आज भी तुम्हारी चॉइस वैसे ही होगी, यानी कि लीमान जो है वो लोचन को पसंद करती है। अब जैसे ही लोचन शेंगनन की बनाई हुई कैंडीज लेकर रूम में आता है तो वहाँ पर लीमान को देखकर शॉक हो जाता है। लीमान उससे पूछती है कि तुम्हारा कब तक यहाँ पर रुकने का इरादा है। तो लोचन बोलता है कि मैंने ये होटल खरीद तो लिया है लेकिन मुझे यहाँ अभी तक कोई भी कैपेबल मैनेजर नहीं मिल पाया है। लीमान बोलती है कि मैंने मैनेजर ढूंढ लिया है और इंटरव्यू कल है, इसीलिए रात की हमारी फ्लाइट है और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। लोचन बोलता है कि तुमने मुझे ये सारी चीजें पहले क्यों नहीं बताई। लीमान बोलती है कि मैंने तुम्हें न जाने कितनी बार कॉल किया होगा और मैसेजेस किए होंगे लेकिन तुमने एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया। जो सुनकर लोचन अपना फोन चेक करने लगता है। लीमान अब उसे परेशान देखकर पूछती है कि क्या हुआ, कुछ बात है क्या, लेकिन लोचन मना कर देता है। लीमान बोलती है कि बिजनेस ट्रिप पर अक्सर ऐसा होता रहता है कि हम लोग नए नए दोस्तों से मिलते हैं लेकिन तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते और तुम्हें स्विट्जरलैंड जाकर जल्दी अपनी पोजीशन संभाल लेनी चाहिए। ये बोलकर वो डिनर करने के लिए चली जाती है। लोचन अब काफी परेशान होकर चेयर पर बैठ जाता है। तभी उसे शेंगनन का वॉइस नोट मिलता है जो उसे पूछती है कि तुम कब तक आओगे और उसे काफी सारी बातें बोलती है जो सुनकर लोचन हंसने लगता है। पर लोचन फिर उसे परेशान होकर बोलता है कि आज मैं तुम्हें डिनर पर बाहर लेकर चलूंगा, जो सुनकर शेंगनन तो खुशी से पागल हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि लोचन उसे डेट पर लेकर जा रहा है। रात में हम इन दोनों को साथ में डिनर पर देखते हैं जहाँ शेंगनन लोचन के लिए हनी वॉलनट बनाकर लाई होती है और उसे ट्राई करने को बोलती है, पर लोचन थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था तो शेंगनन बोलती है कि चिंता मत करो, मैं इसके लिए चार्ज नहीं करूंगी। इसलिए लोचन उसे उठाकर खा लेता है। लोचन बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दिला सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, लेकिन शेंगनन बोलती है कि मुझे तो बस तुम्हारे लिए कुक करना है और जॉब तो पोस्टपोन की जा सकती है। ये बोलकर वो उसे और वॉलनट्स खाने के लिए बोलती है। लोचन फिर उसे बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई भी फेवर चाहिए तो बिना हेजिटेट किए बता देना। शेंगनन कहती है कि भला तुम्हें क्या हो गया है, आज तुम मुझसे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरे बनाए हुए और भी मील्स खाने हैं तो मुझे बता देना कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। पर लोचन उसे बोलता है कि तुम्हें अब मेरे लिए और कुक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा डेट पे हो चुका है। तो शेंगनन बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पर अब भी खाने के लिए आ सकते हो, वो भी फ्री में। लोचन उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो शेंगनन सोचने लगती है कि आज वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला है। लोचन उसे बोलता है कि अब से मैं तुम्हारे घर खाना खाने के लिए नहीं आऊंगा, पर शेंगनन को अभी कुछ समझ नहीं आता। तो लोचन उसे बताता है कि वो खाना बनाने वाला एग्रीमेंट तो सिर्फ एक मजाक था, इसलिए मुझे माफ कर दो और मैं यहाँ से आज रात जा रहा हूँ। जो सुनकर शेंगनन रोने लगती है और सेफ फ्लाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। इस इंसिडेंट के बाद से ही शेंगनन काफी सैड रहने लगती है और खुद से बोलती है कि मुझे लोचन से प्यार नहीं हुआ है। फिर वो हर बार की तरह सैड होने पर सब्जी खरीदने के लिए जाती है जहाँ उसे सैड देखकर सभी सेलर्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि जब भी शेंगनन सैड होकर सब्जी खरीदने के लिए आती है तो वो बहुत ज्यादा बार्गेन करके ऑलमोस्ट आधे दाम पर सब्जी लेकर जाती है, इसीलिए कोई भी उससे बहस नहीं कर पाता। फिर शेंगनन लोचन का सारा दिया हुआ सामान डस्टबिन में जाकर फेंक देती है और घर पर बैठकर टीवी देखते हुए बस लोचन को याद करने लगती है। अगले दिन रात में जब शेंगनन घर वापस आ रही होती है तब वो अंधेरा होने की वजह से वहाँ पर पड़े केले के छिलके पर पैर रख देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है क्योंकि लोचन के लगाए हुए बल्ब काम नहीं कर रहे थे और गिरने की वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अगली सुबह अंकल और साउदी आते हैं जहाँ साउदी शेंगनन को बोलती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि प्यार बहुत ही दुख देता है, और यहाँ ये दोनों मिलकर उसकी लव स्टोरी का मजाक भी उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद हम लोचन और लीमन को देखते हैं जहाँ लीमन उससे पूछती है कि इंटरव्यू कैसा रहा। तो लोचन उससे पूछता है कि क्या तुम और शेंग क्लासमेट्स थे, जिस पर वो हाँ कहती है और बताती है कि ग्रेजुएशन के बाद वो अब्रॉड चला गया पर उसे होटल मैनेजमेंट में काफी एक्सपीरियंस है तो तुम क्या कहते हो, जिस पर लोचन कहता है कि ये तुम अपने आप हैंडल कर लो। फिर होटल में जाकर लोचन शेंगनन के बनाए हुए खाने की फोटोज देखने लगता है। तभी मेंशन आकर उससे पूछता है कि क्या फोटोज देखकर ही अपना पेट भर लोगे या फिर आप किसी को मिस कर रहे हो। तो लोचन कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस थोड़ी भूख लगी है, इसलिए वो उसके लिए कुछ लेने के लिए जाता है। उसके जाने के बाद लोचन अपने बैग में शेंगनन के बनाए हुए हनी वॉलनट्स को देखता है और उसे काफी मिस करने लगता है। वही हम शेंगनन को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा के रेस्टोरेंट में साउदी के साथ बैठी हुई थी, जो उसे बोलती है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है और तुम्हें इस तरह बाहर नहीं घूमना चाहिए। तो शेंगनन कहती है कि घर पर मैं काफी बोर हो रही थी, अब साउदी को ऑफिस का काम था इसीलिए वहां से चली जाती है। तभी वहां पर उसके बचपन का दोस्त चेंग आ जाता है जिसे देखकर शेंगनन की बचपन की यादें ताजा हो जाती है, जहाँ एक बार ग्रैंडपा शेंगनन को किचन से डांट कर बाहर भगा देते हैं
क्योंकि वो वहाँ पर खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए शेंगनेन रोते रोते गुस्से में वहाँ से बाहर जाती है। तभी उसे चेंग मिलता है जो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। चेंग उसे बोलता है कि तुम कहाँ जाओगी, तो वो कहती है कि इसे तुम्हें के लेने देना। अब चेंग उसे अपने घर पर लेकर जाता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे ग्रैंडपा को इस बारे में नहीं बताएंगे और उन्हें तुम्हारे लिए परेशान होने देंगे। जहाँ जाकर वो उसे काफी सारा खाना खिलाता है। उसे बोलती है कि क्या तुम भी ग्रैंडपा की तरह मुझसे कभी परेशान हो जाओगे, तो चेंग उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब शेंगनेन इन सभी बातों के बारे में सोच ही रही थी, तभी चेंग उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रखते और बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो, तो वो हंसते हुए उसका नाम लेती है। जिसके बाद हम साउदी और मेंगशन को फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जहां वो उसे शेंगनेन के बारे में भी बताती है। और मेंगशन एक रेस्टोरेंट में बैठकर साउदी से फोन पर फ्लर्ट कर रहा होता है, पर जो रेस्टोरेंट की ऑर्डर टेकर होती है वो गलत समझ लेती है और उसका जो बॉयफ्रेंड था उसे पंच मार देता है। मेंगशन अब इसी हालत में लुजिन के पास जाता है, जहाँ लू उससे पूछता है कि क्या आज तुमने शेंगनेन की फ्रेंड को कॉल किया था, जिस पर वो बोलता है कि हाँ, नहीं तो आज मुझे बेकार में ये पंच थोड़ी खाना पड़ता। लुजिन उससे पूछता है कि क्या साउदी ने गु शेंगनेन के बारे में भी कुछ बताया, तो मेंगशन पहले तो उससे काफी सारे बकवास बातें करने के बाद उसे बोल देता है कि पता नहीं अभी तक शेंगनेन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई या फिर नहीं। जो सुनकर लुजिन हैरान हो जाता है और पूछता है कि शेंगनेन हॉस्पिटल में क्या कर रही है, उसे क्या हुआ है। मेंगशन कहता है कि ये काफी लंबी स्टोरी है, तो लुजिन उसे शॉर्ट में बताने के लिए बोलता है। मेंगशन उसे बताता है कि शेंगनेन सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। जो सुनकर लुजिन कहता है कि अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। ये बोलकर वो बाहर जाकर सुहाई जाने के लिए फ्लाइट्स बुक करने लगता है, लेकिन टाइफून आने की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी। इसीलिए वो रेलवे स्टेशन जाता है टिकट बुक करने के लिए, लेकिन कोई ट्रेन भी उस वक्त वहाँ पर नहीं जा रही थी। और अब कोई चारा ना होने की वजह से लुजिन टैक्सी से ही सुहाई जाने का डिसाइड करता है। जो बात जब मेंशन को पता लगती है तो वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि टैक्सी से आपको जाने में 10 घंटे लगेंगे। पर लुजिन इस बात की चिंता किए बिना शेंगनेन से मिलने के लिए चला जाता है और मेंशन को वहाँ पर सारे काम का ध्यान रखने को बोलता है। पर रास्ते में ड्राइवर और भी पैसेंजर्स को बैठा लेता है, जिस वजह से बेचारा लुजिन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि शेंगनेन से मिलने के लिए उसे अब क्या क्या करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ हम चेन और शेंगनेन को आपस में बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ चेन उसे बताता है कि मैं ज़ू सिटी के एक होटल में काम करता था, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ और तुम तो पहले से काफी बदल गई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। बातें करने के बाद चेंग शेंगनेन को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। वहीं लुजिन जब टैक्सी में होता है तब एक लेडी पैसेंजर आकर बैठती है, जो कि बहुत ही बातें बनाने लगती है और ड्राइवर को थैंक यू बोलती है क्योंकि इतनी रात को उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती। तो ड्राइवर कहता है कि आपको पीछे बैठे हुए पर्सन को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि वो जो उसे सुहाई जा रहा है। जो देखकर वो लेडी उसे थैंक्स बोलती है और बोलती है कि लगता है तुम अपने लव अफेयर की वजह से इतना दूर ट्रैवल कर रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है। पर लुजिन उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर वो लेडी उन लोगों को बताने लगती है कि उसका हस्बैंड बहुत ही गरीब हुआ करता था और उसके पास मुझे गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने सिलाई सीख कर मेरे लिए स्वेटर बुना जिसे मैं आज तक पहनती हूँ। और वो उन दोनों से पूछती है कि बहुत सुंदर है ना ये, लेकिन लुजिन कोई भी जवाब नहीं देता। आगे वो लेडी बोलती है कि प्यार में ऐसा होता है कि अगर तुम किसी पर्सन को लाइक करोगे तो वो भी तुम्हें लाइक करता है। जो सुनकर लुजिन को शेंगनेन की याद आने लगती है क्योंकि उसने भी ये बात उसे आखिरी मीट में बोली थी। अब वो लेडी लुजिन को खाने के लिए कौन ऑफर करती है, तो लुजिन खाने लगता है क्योंकि उसे काफी भूख लगी थी। अब जब वो लेडी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर जाने लगती है तो लुजिन उन्हें रोककर कहता है कि आपके हस्बैंड ने जो स्वेटर आपके लिए बुना है वो काफी सुंदर है। जो सुनकर वो लेडी उसे थैंक यू बोलती है और उसे गुड लक विश करते हुए कहती है कि तुम अपने प्यार से जल्दी मिलो। सुबह सुबह लुजिन सुहाई पहुंच जाता है और ड्राइवर उसे एक सुनसान जगह पर उतार कर कहता है कि इससे आगे मेरी कार नहीं जा सकती और यहाँ से आगे तुम्हें मेरा भाई लेकर जाएगा। कार से उतरकर जब लुजिन वेट कर रहा होता है तभी उसके पास एक पर्सन आता है जिससे लुजिन पूछता है कि कार कहाँ पर है, तो वो उसे अपने रिक्शा की तरफ इशारा करता है, जो देखकर लुजिन अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। वहीं हम शेंगनेन को देखते हैं जिसे चेंग उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है और उसकी जाते ही वहाँ पर लुजिन आ जाता है, जो उससे पूछता है कि चेंग यहाँ पर क्या कर रहा था। शेंगनेन उसे देखकर खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है कि अरे तुम तो फेमस मिस्टर लू हो ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और फिर उसकी हालत देखकर बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें हेयर ब्लो करने का भी टाइम नहीं मिला। लुजिन बोलता है कि कल रात की सिचुएशन थोड़ी अलग थी और तुम मेरे सवाल का जवाब दो कि चेंग यहाँ पर क्या कर रहा था। शेंगनेन बोलती है कि इस सबसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तो मैंने कहा था कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो ओवर हो चुका है, इसलिए अब तुम यहाँ पर एकदम से मेरे सामने आकर मेरी केयर करने का प्रिटेंड मत करो। लुजिन चिल्लाकर बोलता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने सुना कि तुम सीढ़ियों से गिर गई हो तो मैं खुद को तुम्हें देखे बिना रोक नहीं पाया।
तब शेंगनेन भी चिल्लाकर बोलती है कि ठीक है, मेरी गलती थी कि मैं सीढ़ियों से गिरी, और आगे से मुझे कुछ भी होगा इसके बारे में मैं तुम्हें पता नहीं चलने दूंगी। जो सुनकर लूजिन उसे किस कर देता है, पर शेंगनेन उसे पुश करते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो। लूजिन अब उसे सॉरी बोलकर यहाँ से चला जाता है, और शेंगनेन रोते हुए समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर ये क्या हो गया। लूजिन उसे किस करके यहाँ से भाग गया। लूजिन अब यहाँ से निकलकर मेंशन को कॉल करता है और उसे पिक करने के लिए बोलता है, तो वो उसे याद दिलाता है कि मैं तो जो में हूँ। जो बात लीमन सुन लेती है और मेंशन से पूछती है कि लूजिन वहाँ पर क्यों गया है, तो वो उसे बताता है कि इसका रीजन तो मुझे भी नहीं पता। लीमन उसे रीजन पता लगाने के लिए बोलती है और इस बात के लिए लूजिन को बताने से मना करती है। वहीं शेंगनेन जब अपने घर पर बैठी बोर हो रही होती है, तभी उसका मैनेजर उससे मिलने के लिए आता है और उसे जॉब ऑफर करता है। शेंगनेन उसे बोलती है कि उसे 20% का पे रेज चाहिए, जिस पर मैनेजर मान जाता है। जो सुनकर शेंगनेन खुश तो काफी होती है, लेकिन शो ऑफ नहीं करती और अपॉइंटमेंट लेटर लेकर दरवाजा बंद कर लेती है। अगले दिन जब शेंगनेन काम पर आती है, तो सारे शेफ्स उसे देखकर बातें बनाने लगते हैं कि कैसे वो फिर से यहाँ पर आ गई, जरूर उसके कोई ना कोई कनेक्शन होंगे। पर एक शेफ उन्हें इस तरह की बातें करने से मना करता है। तभी रूम नंबर 1123 से ऑर्डर आता है, इसीलिए शेंगनेन काफी खुश होकर ऑर्डर बनाकर उसे सर्व करने के लिए जाती है। लेकिन जब वो डोरबेल बजाती है, तो बाहर कोई और ही गेस्ट आता है, जो देखकर वो थोड़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर लूजिन को एक्सपेक्ट कर रही थी, पर वो यहाँ से जा चुका था। जैसे ही शेंगनेन किचन में वापस आती है, तो देखती है कि सभी लोग सफाई में लगे हुए हैं। ट्रम्पेट उसे बताता है कि नया बॉस इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, इसीलिए वो सभी लोग सफाई कर रहे हैं, तो शेंगनेन भी सफाई करने लग जाती है। उसी वक्त मैनेजर वहाँ पर आता है, जिसके साथ चेंग भी आया हुआ था, और वो उन लोगों को बताता है कि ये हमारा नया जनरल मैनेजर है, जिसे वहाँ पर देखकर शेंगनेन हैरान हो जाती है। शेंगनेन अब चेंग से बात करने के लिए बाहर जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने मुझे जॉब पर वापस लगवाया है, जिस पर वो मना कर देता है। शेंगनेन उससे पूछती है कि क्या मिस्टर लूजिन ने ये होटल खरीदा है, वो यहाँ पर वापस आएंगे, तो चेन कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता है और मेरे हिसाब से शायद उन्हें कुछ काम है, इसीलिए वो वापस ना आए। रात में हम शेंगनेन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसके साथ साउदी भी थी, जहाँ वो उसे बताती है कि मैंने सुना है कि वो ड्राइवर और लूजिन वापस से स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। जो सुनकर शेंगनेन सैड हो जाती है और बोलती है कि क्या वो सच में वापस जा रहा है। साउदी उसे ये भी बताती है कि मुझे मेंशन से पता चला कि उस दिन लूजिन 10 घंटा कार में ड्राइव करके तुमसे मिलने के लिए आया था, और रास्ते में उसे काफी सारी डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ी, और अगर वो तुम्हें इतना ही लाइक करता है, तो तुम्हें किस करके उस दिन भाग क्यों गया। शेंगनेन उसे बताती है कि उसने उस दिन उसे डांट लगाई थी। जो सुनकर साउदी कहती है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो। शेंगनेन बोलती है कि वो फंसी है, जब से मेरे लाइफ में आया मेरे साथ बैड लक आ गया है। ये सब बोलकर वो लेकिन कहे जा रही थी, तो साउदी बोलती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो या नहीं, जिस पर शेंगनेन हाँ करती है। तो साउदी उसे बोलती है कि तो किसका वेट कर रही हो, जाकर उसे पटाओ, और वो उसे एडवाइस देती है कि लूजिन तुम्हारे डिश को काफी पसंद करता है, इसलिए तुम कुछ ऐसा बनाकर उसके लिए लेकर जाना जो कि तुम्हारे लव को सिंबलाइज करे। इसीलिए शेंगनेन उसके लिए रात में ही विचेस ब्रू बनाना शुरू कर देती है। शेंगनेन अब जल्दी से सुबह उठकर लूजिन के गेस्ट हाउस जाती है, लेकिन तब तक वो वहाँ से निकल चुका था, इसीलिए अब वो एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ हम लूजिन को देखते हैं, जो कि शेंगनेन से मिलने के लिए उसकी घर की तरफ जाता है, पर उसे भी वो वहाँ पर नहीं मिलती, और अब उसकी फ्लाइट भी मिस हो जाती है, इसलिए वो बुलेट ट्रेन से जाने लगता है। जो बात जैसे ही शेंगनेन को पता चलती है, तब वो भी रेलवे स्टेशन जाती है, पर तब तक ट्रेन भी जा चुकी थी, जो देखकर वो अपसेट होकर वहीं पर खड़ी हो जाती है, और एक पैसेंजर भागता हुआ आता है, जिससे वो टकरा जाती है, तो उसका फ्लास्क नीचे गिर जाता है और सारा सूप वहीं पर बिखर जाता है। जैसे वो फ्लास्क को उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी लूजिन वहाँ पर आकर उस फ्लास्क को उठाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो उसे बोलता है कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई और अब ट्रेन भी चली गई है, लगता है कि तुम्हारा बैड लक मेरे ऊपर आ गया है। जो सुनकर शेंगनेन हंसने लगती है, तो लूजिन भी हंस देता है। लूजिन उस फ्लास्क को स्मेल करके बोलता है कि विचेस ब्रू, क्या मुझे एक और मिलेगा, जिस पर शेंगनेन मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है। अगले सीन में हम लूजिन को उसके घर में देखते हैं, तभी वहाँ पर लीमन उसे आवाज लगाती है, जिसे वो वहाँ पर देखकर फिर से सरप्राइज हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मुझे फॉलो कर रही हो, मुझे इस सब चीजों की आदत नहीं है। तो वो बताती है कि मैं तो यहाँ पर ये चेक करने के लिए आई हूँ कि चेंग अपना काम ठीक से कर रहा है या फिर नहीं, और वो उसे अपना बनाया हुआ विचेस ब्रू टेस्ट करने के लिए कहती है, पर लूजिन मना कर देता है और बोलता है कि ये मेरे लिए थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है। उसी वक्त वहाँ पर शेंगनेन आ जाती है, जो सरप्राइज बोलते हुए लूजिन के लिए केक लेकर आई थी, पर ये देखकर कि लूजिन लीमन का बनाया हुआ विचेस ब्रू खा रहा है, वो काफी अपसेट हो जाती है। लीमन शेंगनेन को देखकर पूछती है कि लूजिन, क्या आपने टेक अवे ऑर्डर किया है। तो लूजिन उसे बताता है कि ये हमारी होटल की बहुत ही अच्छी चेफ है और इनका नाम शेंगनेन है। फिर वो शेंगनेन से लीमन को मिलवाता है।
लीमान अब उसके हाथ से केक लेकर उसे कुछ पैसे देती है, जो देखकर शेंगनेन को और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो लूजिन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर लीमान भी वहीं पर खड़ी रहती है, इसलिए शेंगनेन उसे होटल की तरफ से गुड लक विश कर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम शेंगनेन को देखते हैं जो कि अंकल जाओदी और मेंशन के सामने रो रही होती है क्योंकि उसने लीमान को लूजिन के घर में देखा था और उन्हें सारी सिचुएशन बताने लगती है। तो मेंशन बताता है कि तुम चिंता मत करो, वो दोनों ज्यादा क्लोज नहीं हैं और लीमान 10 साल से लूजिन की फेवरेट सेक्रेटरी है, जो सुनकर शेंगनेन दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और सबको बताती है कि लूजिन ने उसका बनाया हुआ विचेस ब्रू खाया। अब वो लोग उसे किसी तरह से शांत कराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर भी रोए जा रही थी। दूसरी तरफ हम लूजिन को देखते हैं जो कि लीमान की बनाई हुई डिश को ट्राई करता है लेकिन वो उसे पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे बोल देता है कि मुझे भूख नहीं लगी क्योंकि अब उसे शेंगनेन के खाने की आदत हो चुकी थी। तो लीमान उसे वो केक खाने के लिए बोलती है जो कि शेंगनेन लेकर आई थी। जैसे ही लूजिन उसे देखता है तो स्माइल करने लगता है क्योंकि उस पर टॉर्टोइस बना हुआ था और वो लीमान को बताता है कि टॉर्टोइस का मतलब वो मुझे लॉन्ग लाइफ फिश कर रही है। तो लीमान कहती है कि शेंगनेन कुछ ज्यादा ही यूनिक है। लूजिन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम शेंगनेन है, तो वो झूठ बोल देती है कि आज तुमने तो मुझे उसके बारे में बताया जबकि उसने उसके इन्फॉर्मेशन मेंशन से निकलवाई थी। लूजिन अब उसकी तारीफ करने लगता है और बोलता है कि शेंगनेन काफी अच्छी कुक है और यहाँ पर वो मेरी पर्सनल शेफ बन गई थी। जो सारी बातें सुनकर लीमान थोड़ी सी जेलिस फील करती है और वहां से चली जाती है और लूजिन तो बस केक खाने में ही बिजी था। अगले दिन होटल में चेंग सभी लोगों को बताता है कि लीमान और लूजिन आप लोगों को इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। शेंगनेन यहाँ पर काफी गुस्से में थी इसलिए वो सभी लोगों के रुकने के बाद भी उनके लिए क्लैपिंग किए जा रही थी। मैनेजर अब शेफ्स को इंट्रोड्यूस करवाता है और शेंगनेन के बारे में बताते हुए कहता है कि ये हमारे यहाँ की बहुत ही काबिल शेफ है। मिस्टर लूजिन सिर्फ शेंगनेन की वजह से ही हमारे होटल में रुके हुए थे, जो सुनकर लीमान कहती है कि हाँ मुझे लूजिन पहले भी इस बारे में बता चुका है और शेंगनेन तो हमारे घर केक भी भेजने के लिए आई थी। जो सुनकर चेंग झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अब जब लूजिन यहाँ से जा रहा होता है तो लीमान कहती है कि मुझे थोड़ी भूख लगी है और क्योंकि सभी लोगों ने शेंगनेन को इतना प्रेज किया है इसलिए मैं चाहूंगी कि वो हमारे लिए भी मील प्रिपेयर करे। जो सुनकर शेंगनेन गुस्से में लूजिन की तरफ देखती है। अब शेंगनेन की बनाई हुई डिश इन लोगों को सर्व की जाती है जिसे लीमान थोड़ा सा खाकर रुक जाती है, लेकिन लूजिन को तो शेंगनेन का हाथ का खाना खाकर एकदम मजा ही आ जाता है और वो सारा खाना खा जाता है। वहीं जब शेंगनेन किचन में काम कर रही होती है तब मैनेजर शेन उसके पास आता है और उसे बोलता है कि लीमान ने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया है, इसलिए वो उसे अपने साथ लीमान से बात करने के लिए लेकर जाता है, जहां वो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें वैलेंटाइन स्टीक डिश के बारे में बात करने के लिए बुलाया है क्योंकि तुमने इसमें इम्पोर्टेड मशरूम की जगह लोकल मशरूम डाला है। तुमने ऐसा क्या सोचकर किया है? मुझे पता है कि हर कोई शेफ अपनी अलग क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है, लेकिन तुम्हें इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट्स को देखकर उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्हें रिप्लेस करना चाहिए। क्या तुम्हें ये चीज स्कूल में नहीं सिखाई गई? इनडायरेक्टली वो उसे ये कहना चाह रही थी कि तुम लूजिन के स्टैंडर्ड की नहीं हो और उससे पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन से स्कूल से ग्रेजुएट हुई हो। मैनेजर अब यहाँ पर झूठ बोलने लगता है लेकिन शेंगनेन उसे बता देती है कि मैं कुकिंग स्कूल नहीं गई हूँ और मेरे टीचर ने मुझे ये सिखाया है कि एक डिश के लिए फ्रेशनेस बहुत जरूरी होती है और जो मशरूम मैंने अपनी डिश के अंदर यूज किया है वो काफी ज्यादा फ्रेश और यंग है। यानी कि इनडायरेक्टली वो भी यहाँ पर उसे ही समझाकर चली जाती है कि भले ही वो लूजिन के स्टैंडर्ड की हो लेकिन लूजिन तो उसे ही लाइक करता है। शेंगनेन के जाने के बाद मैनेजर लीमान से कहता है कि वो बहुत ही यंग है इसलिए कुछ भी बोल गई, पर आप उसकी बातों का बुरा मत मानना, मैं उसे जाकर समझाता हूँ। ये बोलकर मैनेजर भी वहां से चला जाता है। लूजिन अब वॉशरूम का बहाना करके शेंगनेन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि वो काफी गुस्से में है। वो उसे समझाने लगता है कि लीमान ने तुम्हें स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं कहा, वो तो सिर्फ तुमसे वेलिंगटन स्टीक डिश के बारे में बात करना चाहती थी क्योंकि उसे भी कुकिंग काफी पसंद है और वो कॉर्डन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है, इसलिए तुम्हें ज्यादा गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। शेंगनेन बोलती है कि हाँ हाँ उसे कुकिंग पसंद है और वो कॉर्डन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है और वो इनोसेंट है, मैं ये चीज डिजर्व नहीं करती और तुम सही कह रहे हो, उसकी डिशेस एक्सपेंसिव है। लूजिन अब उसे यहाँ नॉर्मली एक लॉजिकल पर्सन की तरह बातें करने के लिए बोलता है, पर शेंगनेन चिल्लाकर बोलती है कि वो लॉजिकल नहीं है, मैं सिर्फ एक छोटी सी कुक हूँ और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम दो औरतों की डिश नहीं खा सकते। लूजिन बोलता है कि हाँ पहले मैं लीमान की बने हुए डिश खाता था लेकिन अब मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथ के खाने की आदत हो गई है और तुम नॉर्मल नहीं बल्कि स्पेशल हो। शेंगनेन बोलती है कि हाँ मैं स्पेशल जरूर हूँ लेकिन तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक छोटी सी कुक हूँ। लूजिन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम और मैं बहुत ही अलग है और मैं तुम्हें कंफर्म करके बताता हूँ।
असल में वो यहाँ पर उसे बार बार बोलने की कोशिश कर रहा था कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा था। शेंगनेन उसे गुस्से में बोलती है कि अगर तुम्हारा कन्फर्म करना हो गया है तो वहीं लौट जाओ जहाँ से तुम बिलोंग करते हो। तो लुजिन बोलता है कि तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। लुजिन अब जब घर जाता है तो लीमन उसे बताती है कि कल वो स्विट्जरलैंड वापस जा रही है और उसे भी काम खत्म करके जल्दी वहाँ पर आने के लिए बोलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुजिन अब भी सिर्फ शेंगनेन के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन शेंगनेन का नया पड़ोसी मूव हो रहा होता है, जो देखकर अंकल बोलते हैं कि लगता है कि तुम्हारा नेबर काफी रिच है। शाम के वक्त शेंगनेन फोन पर साउथी से बात कर रही होती है और बोलती है कि लगता है कि मेरा पड़ोसी काफी वियर्ड है। तभी लुजिन दरवाजा खोलकर कहता है कि क्या मैं वियर्ड दिखता हूँ, जिसे देखकर शेंगनेन भागती हुई अपने रूम में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि लुजिन यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी लुजिन उसके घर की डोरबेल बजाता है, इसलिए वो उसे दरवाजा खोलकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लुजिन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा पड़ोसी बन गया हूँ। शेंगनेन उससे पूछते है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो उसे पेस्ट्री देता है, जो देखकर शेंगनेन फटाफट से उससे बॉक्स छीन लेती है और स्माइल करने लगती है। अब थोड़ी देर बाद फिर से लुजिन शेंगनेन का डोर नॉक करता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो लुजिन सीधा उसके घर में आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा किचन थोड़ी देर के लिए बोरो करना चाहता हूँ, आज मेरा हाउस वार्मिंग है इसलिए मैं तुम्हारे कुकिंग स्किल्स भी बोरो करना चाहता हूँ। लेकिन शेंगनेन साफ साफ उसे मना कर देती है। तो लुजिन हंसकर वेजिटेबल्स वॉश करने लगता है। तभी चेंग वहाँ पर आकर डोर पर नॉक करता है, जो लुजिन को यहाँ पर देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो लुजिन बोलता है कि मैं अपने स्टाफ को विजिट करने के लिए आया था, पर अब मैं जा रहा हूँ। तो चेन बोलता है कि ठीक है, मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ। लेकिन लुजिन साथ वाले फ्लैट का दरवाजा खोलकर बोलता है कि मैं घर पहुँच गया, और ये सब देखकर चेन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसके बाद चेन शेंगनेन से बात करते हुए पूछता है कि क्या ये बहुत ही अजीब बात नहीं है कि लुजिन यहाँ पर आकर रह रहा है। तो शेंगनेन बोलती है कि नहीं, इसमें कुछ भी तो अजीब नहीं है, वो बस मेरा डिशेस खाना चाहता है इसीलिए यहाँ पर आकर रह रहा है। तो चेंग बोलता है कि वो होटल में भी तो रह सकता है। अब उसके इतने सारे सवाल सुनकर शेंगनेन उसे बोलती है कि क्या तुम मुझसे यही सब बात करने के लिए आए हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि सकुरा होटल में एक शेफ ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, तो क्या तुम इस वीकेंड मेरे साथ वहाँ पर चलोगी। जिस पर शेंगनेन काफी खुश होकर मान जाती है। जिसके बाद शेंगनेन और चेंग जब बाहर जा रहे होते हैं, तभी लुजिन अपने रूम से बाहर निकलकर उन लोगों से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जो सुनकर शेंगनेन उसे सीधा बोल देती है कि भला तुम्हें इससे क्या मतलब। लुजिन अब चेंग से बोलता है कि मुझे शेंगनेन से अकेले में बात करनी है, इसीलिए चेंग नीचे चला जाता है। लुजिन अब शेंगनेन से पूछता है कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो। शेंगनेन मना करते हुए कहती है कि मैं शेफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रही हूँ, वो भी चेंग के साथ, जो सुनकर लुजिन जेलस होकर बोलता है कि नहीं, तुम चेंग के साथ नहीं जा सकती। तो शेंगनेन उसे ये बोलकर चली जाती है कि इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, और फिर वो चेंग के साथ लगेज बैग परचेस करने के लिए जाती है, जहाँ जाकर वो तीन बैग परचेस करते हैं। और जब लुजिन को ये बात पता चलती है तो वो सोचने लगता है कि एक बैग मेरे लिए है, लेकिन मेंशन उसकी गलतफहमी दूर कर देता है और उसे बताता है कि ये बैग ट्रम्पेट के लिए है, क्योंकि वो भी उन दोनों के साथ जा रहा है। वीकेंड पर अब ये तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ जाकर ये तीनों काफी एंजॉय करते हैं और फोटोज भी क्लिक करवाते हैं। वहीं मेंशन इन फोटोज को जेन को दिखाता है, तो वो उससे पूछता है कि ये फोटोज तुम्हें कहाँ मिली। मेंशन बताता है कि ये फोटोज शेंगनेन ने मूवमेंट्स पर पोस्ट की है, पर जब लुजिन देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो मेंशन बताता है कि शायद आपको ब्लॉक किया हुआ है। अब लुजिन बेचारा शेंगनेन को कॉल करता रहता है, लेकिन वो एक भी बार उसका कॉल पिक नहीं करती। इसी तरह शाम हो जाती है, इसलिए लुजिन अब मेंशन को सकुरा होटल में एक रूम बुक करने के लिए बोलता है, और दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि शेंगनेन और चेन एक साथ आर्चरी कर रहे थे। और यहां जब चेंग शेंगनेन के काफी क्लोज आ जाता है तो ये देखकर लुजिन काफी जेलस होता है। जिसके बाद ही दोनों यहां से निकलकर एक टेंपल में जाके प्रेयर करते हैं और वहां पर अपना विशिंग बोर्ड भी लगाते हैं, जिनके जाने के बाद लुजिन भी शेंगनेन की वहां पर विश देखने के लिए आता है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसने कौन सी विश लिखी है। और फिर वो भी वहां पर एक विशिंग बोर्ड टांगता है, जिसके बाद चेंग शेंगनेन की काफी सारी फोटोज क्लिक करने लगता है, जो देखकर जेलिस लुजिन कहता है कि वो कितने बेकार कैमरा में उसकी फोटोज ले रहा है, और भला फोटोज लेने में कौन सी बड़ी बात है। मेंशन उसे बताता है कि औरतों की फोटो लेना एक कला होती है, देखो शेंगनेन कितनी खुश लग रही है, और मेरे कुछ दोस्तों का डिवोर्स तो इसी बात से हुआ है क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ की खराब फोटोज ली थी। रात में अब शेंगनेन काफी ड्रंक हो जाती है, तो चेंगी उसे उसी रूम तक लेकर जाता है, जो देखकर लुजिन भी भागते हुए रूम में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन मेंशन उसे बाहर ही रोक लेता है और बोलता है कि मैं आपके लिए बगल वाला रूम बुक करता हूँ। अब वो अपने रूम में जाकर ये पता लगाने की बहुत ही कोशिश करता है कि शेंगनेन के रूम में क्या हो रहा है, और वो मेंशन को भी स्ट्रैटेजी सोचने के लिए बोलता है, लेकिन मेंशन ने लुजिन की वजह से सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो उसे छुप छुप कर बनाना खाने लगता है। जो चीज जब लुजिन नोटिस करता है तो उसके सर पे एक टपली मारता है और उसे जल्दी कुछ सोचने को बोलता है।
आगे हम देखते हैं कि एक वेटर शेंगनेन के रूम की बेल बजाता है। चेंग अब जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वेटर उसे स्लीपर्स देता है और अंदर की तरफ देखने लगता है। फिर वो वेटर लुजिन के पास जाकर उसे बताता है कि अंदर एक लेडी है जो कि बेड पर लेटी हुई है और जो मेल था उसने डोर ओपन किया। मेंशन उससे पूछता है कि क्या उसने कपड़े पहने हुए थे, तो वेटर बताता है कि नहीं, उसने जैकेट उतारा हुआ है। लुजिन कहता है कि अब मैं खुद जाकर देखूंगा, लेकिन मेंशन उसे रोक देता है और वेटर को और पैसे देकर दोबारा से जाकर चेक करने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद वेटर दोबारा से लुजिन का रूम नॉक करता है और बताता है कि वो पर्सन तो चला गया और इस लेडी ने मुझे आपसे ज्यादा पैसे दिए हैं, और हम उसके पीछे शेंगनेन को देखते हैं। शेंगनेन अब सीधा अंदर जाकर लुजिन से बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसे यहाँ पर देखकर लुजिन भी शॉक हो जाता है। लुजिन बोलता है कि मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए आया हूँ, मेरे यहाँ पर प्राइवेट विजिट है। तो शेंगनेन बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान है, और क्या तुम पूरे दिन भर मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। लुजिन अब उसे बोल देता है कि तुम तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई थी ना, तो तुम यहाँ पर आकर किसी और के साथ डेट पे कैसे जा रही हो। शेंगनेन बोलती है कि मैं चाहे क्लास के लिए जाऊँ या फिर डेट के लिए, इसे तुम्हारा क्या लेना देना। तो लुजिन कहता है कि मुझे मतलब है, क्योंकि मैं अब बेचारा काफी नर्वस हो जाता है और इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। तो शेंगनेन बोलती है कि मैं आज बहुत ही थक गई हूँ, इसलिए मैं तुमसे और आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती। ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। लुजिन भी उसके पीछे भागता हुआ आता है और बोलता है कि अगर तुम्हें आर्चरी पसंद है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अगर तुम्हें फोटोग्राफी पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए सीखूंगा, लेकिन प्लीज तुम किसी और आदमी को डेट मत करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जो सुनकर शेंगनेन स्माइल करने लगती है और पीछे मुड़कर लुजिन से पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, जिस पर लुजिन स्माइल करता है और हाँ बोल देता है। तभी वहाँ पर कुछ एम्प्लॉय लुजिन से मिलने के लिए आ जाते हैं और शेंगनेन उसे लव यू का साइन दिखाकर अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह जब शेंगनेन जब काम पर पहुँचती है तो शेफ लू उसे डांटने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम लेट आई हो। शेंगनेन बोलती है कि अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं। तो शेफ लू बोलता है कि सभी लोग 8 बजे आते हैं और तुम्हारे लेट आने की वजह से किचन को ऑपरेट करना काफी मुश्किल होता है, जिस बात पर ये दोनों काफी बहस करने लगते हैं। तभी मैनेजर वहाँ पर आता है जिसके साथ चैन भी आया हुआ था। वो सभी को बताता है कि जोजो ग्रुप ने हमारे होटल को खरीद लिया है और उनकी जो प्रेसिडेंट है वो हमारे होटल को विजिट करने के लिए आएंगी, पर शेफ स्किल्स जो है उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, इसलिए मैनेजर शन और मैंने डिसाइड किया है उनके विजिट के बाद हम एक न्यू शेफ को इलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सभी लोग बहस करने लगते हैं और सभी शेफ कहते हैं कि उन्हें चीफ शेफ को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, पर चेंगो ने कहता है कि ये सब उनकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। उन सभी के पास 1 हफ्ते का टाइम है, उन्हें एक मेन्यू डिसाइड करना होगा और जिसका मेन्यू सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसे चेयरमैन को सर्व किया जाएगा और उसी शेफ को किचन का हेड शेफ बनाया जाएगा। ये सब बोलकर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम शेंगनेन को काम करता हुआ देखते हैं। तभी उसे लुजिन का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि तुम कब तक फ्री होगी, तो वो बोलती है कि मुझे टाइम लगेगा। लुजिन कहता है कि क्या तुम थोड़ा जल्दी आने का ट्राई कर सकती हो, मैं तुम्हारा घर पर डिनर के लिए वेट करूंगा, जिस पर शेंगनेन कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। ये बोलकर कॉल कट कर देती है और लुजिन काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद शेंगनेन मेन्यू की डिशेज रेडी करने के बारे में सोचने लगती है और नई डिशेज बनाने लगती है। जो करते करते उसे रात हो जाती है और लुजिन बेचारा घर के अंदर उसका वेट कर रहा था। तभी उसे शेंगनेन का मैसेज आता है जो उसे बोलती है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो आकर मेरी नई डिश ट्राई करो। वहीं शेंगनेन जब अपनी बनाई हुई डिश को खाती है तो वो उसे पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे फेंकने ही वाली थी, पर उसी वक्त वहाँ पर लुजिन आ जाता है जो उसे बोलता है कि ये बनाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वेस्ट मत करो। शेंगनेन उसे बताती है कि यहाँ पर एक शेफ कॉम्पिटिशन होने वाला है जिसके लिए मैं नई डिश प्रिपेयर कर रही हूँ और वेलिंगटन स्टिक भी मेरे मेन्यू का पार्ट होगी। मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मेरा डिसीजन सही है और फ्रेशनेस जो होता है वो फूड का फर्स्ट स्टैंडर्ड होता है। लुजिन बोलता है कि वेलिंगटन स्टीक डिश बिल्कुल भी आसान नहीं है और उससे किसी के भी स्किल्स को टेस्ट किया जा सकता है। ये सब बोलकर वो उसे डिश के बारे में बताने लगता है। जो सब सुनकर शेंगनेन उसे एक बार अपनी डिश ट्राई करने को बोलती है और उसे एक बाइट खिलाकर पूछती है कि ये कैसा बना है। तो लुजिन कहता है कि इट्स ग्रेट। शेंगनेन बोलती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, बल्कि मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम्हारी मॉम मिसेज जांग को क्या पसंद है। फिर वो उसे अपनी और भी डिशेज ट्राई करने के लिए देती है। तो लुजिन कहता है कि मेरे हिसाब से तो तुम्हारी डिशेज एकदम परफेक्ट है, लेकिन तुम ऐसे मुझे डिशेज ट्राई करा के तो चीटिंग कर रही हो, क्योंकि मैं अपनी मॉम को सबसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। शेंगनेन अब यहाँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और बोलती है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो शेफ लियू मुझसे आगे निकल जाएंगे और क्या पता मुझे ये जॉब छोड़नी भी पड़े, जो चीज शायद तुम बर्दाश्त न कर पाओ और मेरे जैसे टैलेंटेड शेफ की लाइफ यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो क्या बताओ तुम मेरी हेल्प करोगे। जो सारी चीजें सुनकर लुजिन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर वो उसे बोलता है कि क्योंकि तुम सीख रही हो तो तुम्हें एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करना होगा। और अब जब वो शेंगनेन के बनाए हुए डिसर्ट खा रहा था तभी वो उसके पास एक स्टूडेंट की तरह ड्रेसअप होकर आती है और उसके एकदम क्लोज आकर उससे पूछती है कि क्या आप ठीक है।
लोजन ये देखकर पहले तो उसे खुद से थोड़ा सा दूर होने के लिए बोलता है और फिर कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। लोजन अब उसे एक ग्लास वाइन देने के लिए कहता है तो शेंगनेन उसे वाइन देती है और अब लोजन उससे कुछ और मांगने ही वाला था। तभी शेंगनेन नाइफ उठाकर बोलती है कि क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए, लेकिन लोजन मना कर देते हैं और बोलता है कि चलो पॉइंट पर आते हैं। फिर वो उसे बताने लगता है जब वो छोटा था तभी मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और मेरे डैड हमें छोड़कर चले गए, हमारे पास एक पैसा भी नहीं था, पर मेरी मॉम ने अपनी सेविंग से बिजनेस शुरू किया और आज इतने सालों बाद हमारा बिजनेस काफी सक्सेसफुल है। सबकी नजरों में वो एक परफेक्ट वुमेन है, लेकिन उनकी सफरिंग्स कोई भी नहीं जानता। जो सारी बातें शेफ लियू भी यहीं पर छुपकर सुन रहा था। शेंगनेन बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम की यही स्टोरी है। लोजन उसे बोलता है कि चाहे डिश कितनी भी परफेक्ट क्यों ना बनी हो, लेकिन अगर वो टेस्टी और डिलीशियस नहीं है तो उसके परफेक्शन का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें यही सब बता सकता था, आगे तुम्हें ही सब कुछ करना है। और उसे कॉम्पिटिशन के लिए सक्सेस विश करता है, जो सुनकर शेंगनेन भी खुश होकर उसे हाई फाई करती है। अगले दिन मेंशन लोजन से बात कर रहा होता है और उसे बोलता है कि आप यहाँ पर कब तक रहने वाले हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन लोजन कहता है कि यहाँ पर रहना बहुत ही अच्छा है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी एक फ्लैट रेंट पर ले सकता हूँ, लेकिन वो मना कर देता है और बोलता है कि अगर आपको कोई जरूरत हो तो प्लीज मुझे कॉल कर दीजिएगा, ये बोलकर चला जाता है। लोजन भी अब जो ऊपर जा ही रहा था तभी वो चैन को वहाँ पर देखता है जिसके हाथ में फ्लावर बुके था। लोजन चैन के पास जाकर उसे बोलता है कि क्या तुम शेंगनेन से मिलने के लिए आए हो, लेकिन वो तो घर पर नहीं है और लगता है कि वो देर से लौटेगी, इसीलिए फ्लावर बुके मैं उसे दे दूंगा, जो बोलकर वो उसके हाथ से बुके छीन लेता है। तभी शेंगनेन ऊपर से नीचे आ जाती है और चैंग उससे पूछता है कि क्या तुम बाहर नहीं गई, तो शेंगनेन बोलती है कि नहीं आज मैंने छुट्टी ली है और तुम्हें किसने कहा कि मैं बाहर गई हूँ, जो सुनकर चैंग लोजन की तरफ देखने लगता है। शेंगनेन लोजन से बोलती है कि तुम एक अडल्ट हो तो क्या तुम्हें ये सब करना चाइल्डिश नहीं लगता। लोजन कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अभी अभी तुम्हारी जैसी एक लड़की को यहाँ से बैग लेकर जाते हुए देखा और मुझे लगा कि वो तुम हो। शेंगनेन अब चैंग को ऊपर जाने के लिए बोलती है और खुद विनेगर लेने के लिए बाहर चली जाती है, जिसके बाद हम इन तीनों को साथ में शेंगनेन के घर पर देखते हैं, जहाँ लोजन और चैंग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात करते हैं। चैंग बोलता है कि मिस्टर लू आप मेरे बॉस हैं, लेकिन याद रखिए कि अभी हम होटल के बाहर हैं। लोजन उसे बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तो चैंग बोलता है कि शेंगनेन और मैं साथ में बड़े हुए हैं। लोजन बोलता है कि ये बातें तो पुरानी हो गई, पर शेंगनेन का फ्यूचर मैं हूँ। चैंग पूछता है तो क्या आप हमेशा ही उसके पड़ोस में रहने वाले हो। लोजन कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई भी चांस नहीं मिलने वाला। इन्हें देखकर शेंगनेन पूछती है कि आखिर तुम दोनों को क्या हुआ है, और फिर वो केक खाने लगती है, पर तभी खाते हुए शेंगनेन के मुंह पर केक लग जाता है, जो देखकर दोनों में रेस लग जाती है कि पहले कौन साफ करेगा, लेकिन उनके साफ करने से पहले ही शेंगनेन साफ कर लेती है। फिर दोनों केक खाने के लिए झगड़ने लगते हैं और एक ही बार में पूरे पीस को ठूस ठूस कर खाने लगते हैं, जो सीन काफी फनी होता है। जिसके बाद हम स्विट्जरलैंड में लोजन की मॉम मिसेस जांग को देखते हैं, जो कि लीमन को मिलने के लिए बुलाती है और उसे पूछती है कि आखिर सुहाई में ऐसा क्या है जो कि लोजन अभी तक वापस नहीं आया है और तुम भी वापस आने के बाद काफी अपसेट दिख रहे हो। लीमन उसे बताती है कि लोजन शायद वहाँ पर एक शेफ को पसंद करने लगा है और वो उसी के लिए इतने दिनों से वहाँ पर रुका हुआ है। मिसेज जांग बोलती है कि वैसे तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, लेकिन तुमने कुछ क्यों नहीं किया, तो लीमन कहती है कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। मिसेज जांग बोलती है कि तुमने अभी तक जो कुछ भी किया है बहुत ही अच्छा किया है और मैं सेटिस्फाइड हूँ, पर लोजन को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, हमारी कंपनी को उसकी जरूरत है और तुम्हारी भी, इसीलिए जल्दी से मेरे लिए सुहाई की फ्लाइट बुक करो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर उस शेफ में ऐसी क्या खास बात है। मिसेज जांग भी अब सुहाई पहुँच कर लोजन से मिलती है, जहाँ वो उसे डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या तुम डेटिंग कर रहे हो, जिस पर लोजन हाँ बोल देते हैं और कहता है कि मैं अभी भी उसे चेज कर रहा हूँ। मिसेज जांग बोलती है कि अच्छा तो ऐसी कौन सी लड़की है जिसे चेज करना इतना मुश्किल है। लोजन कहता है कि मॉम मुझे पता है कि आप पहले से ही उसके बारे में बैकग्राउंड चेक करके आई हैं और मुझे ट्रैप में फंसाने की कोशिश मत कीजिए, तो मिसेज जांग भी सीधा सीधा उसे बोल देती है कि मुझे नहीं लगता कि शेंगनेन तुम्हारे लिए परफेक्ट है, और वो उसे बोलने लगती है कि तुम्हारे लिए रीमा ने काफी सूटेबल रहेगी क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हो और साथ में इतने सालों से काम भी कर रहे हो। लोजन कहता है कि इसीलिए हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि हम सिर्फ वर्क पार्टनर्स हैं। उसकी मॉम अब उसे और लड़कियों के बारे में सजेस्ट करने लगती है, लेकिन लोजन अपनी मॉम को सबके लिए मना कर देता है और बोलता है कि शेंगनेन और मैं ही परफेक्ट मैच है। उसकी मॉम बोलती है कि ठीक है अगर वो तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद है तो मैं उसे जरूर मिलना चाहती हूँ, ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। लोजन अब ये बात शेंगनेन को बताता है तो शेंगनेन कहती है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारी मॉम से नहीं मिलने वाली, पर लोजन उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है तो शेंगनेन कहती है कि ठीक है मैं सोच के बताऊंगी। शेंगनेन अब अंकल और जाओदी से मदद मांगने के लिए जाती है क्योंकि शेंगनेन बहुत ही चुलबुली होती है और हर चीज को हंसी मजाक में लेती है, पर वो लोजन की मॉम ने इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती थी, जहाँ वो उसे सिखाने लगते हैं कि कैसे उसे लोजन की मॉम के सामने बिहेव करना है
और उसे एक एलिगेंट लेडी की तरह तैयार कर देते हैं। लोजन जब उसे पिक करने के लिए आता है तो वो उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो तो काफी कैजुअली ड्रेसअप करके आया था। अगली सीन में ये दोनों मिसेज जैंग से मिलते हैं जहाँ वो शेंगनेन से पूछते हैं कि तुम कितने साल की हो, तो वो बताती है कि मैं 21 ईयर्स की हूँ। लोजन की मॉम बोलती है कि वो तो 36 का हो गया है और शेंगनेन तुम तो अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मैच्योर तरीके से ड्रेसअप हो के आई हो, तो शेंगनेन बोलती है कि मैं हमेशा मैच्योर लगती हूँ, जो सुनकर लोजन खांसने लगता है। मिसेज जैंग फिर शेंगनेन से तरह तरह के सवाल करने लगती और पूछती है कि तुम शेफ क्यों बनी हो, तो वो उसे इसका भी जवाब दे देती है। पर तभी लोजन देखता है कि उसका आईलैश नीचे गिर रहा है जिसे शेंगनेन ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन वो ठीक ही नहीं होता, और मिसेज जैंग भी ये देखकर हंस रही थी। फिर वो लोजन से बोलती है कि मुझे शेंगनेन से कुछ अकेले में बात करनी है, इसलिए वो उठकर वहाँ से चला जाता है। मिसेज जैंग शेंगनेन से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, तो शेंगनेन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आपने कितनी लड़कियों से ये सवाल पूछा है और उनका जवाब क्या होगा, लेकिन मेरा जवाब हाँ है, मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ओल्ड है और मुझे एक लिविंग के लिए और रेंट पे करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन ये सब मैं खुद अपनी मेहनत से करती हूँ। मिसेज जैंग उसका जवाब सुनकर उसे बोलती है कि अगर मैं तुम्हें इतना पैसा ऑफर करूँ जो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी होगा, तो क्या तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगी। शेंगनेन पहले तो उसकी तरफ देखती रहती है और जैसा कि उसे अंकल ने बताया था तो मिसेज जैंग से बोलती है कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसलिए हम अगली बार बात करेंगे, ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। जब लोजन वापस आता है तो अपनी मॉम से पूछता है कि शेंगनेन कहाँ गई, तो वो कहती है कि वो थोड़ी थकी हुई थी इसलिए वो चली गई। लोजन पूछता है कि आपको वो कैसी लगी, तो मिसेज जैंग बोलती है नॉट बैड। अगले सीन में हम लोजन को शेंगनेन के घर पर देखते हैं जहाँ वो उसे सारी चीजें बताती है और बोलती है कि तुम्हारी मॉम को ये सवाल पूछना कुछ गलत नहीं था क्योंकि काफी लड़कियां ऐसी होंगी जो तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए होंगी, और मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे तुम्हारी मॉम को ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें छोड़ने के बदले में मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। जो सुनकर लोजन नाराज होकर जाने लगता है तो शेंगनेन उसे रोकती है और बोलती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। लोजन उसे टेबल पर बैठाता है और बोलता है कि आगे से ऐसी बात कभी मत करना, और यहाँ आप दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे। तभी कुकर की सीटी बज जाती है तो लोजन अब उसे गोद में उठाकर किचन तक लेकर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके कंपटीशन का दिन भी आ जाता है जहाँ लीमन मैनेजर और जेन तीनों जज बनकर सभी शेफ्स के डिशेस को टेस्ट करते हैं। रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट करने के लिए सभी शेफ्स को बुलाया जाता है और शेंगनेन जीत जाती है, जो देखकर शेंग काफी खुश होता है। पर किचन में कोई भी शेफ खुश नहीं होता और मिस्टर लू सभी को शेंगनेन के खिलाफ भड़का देता है कि उसके पास मिस्टर लूजन का सपोर्ट है और अब शायद अब हेड शेफ भी वही बनेगी, क्योंकि जो चेयरमैन डिशेस टेस्ट करने के लिए आ रही है वो कोई और नहीं बल्कि लोजन की मॉम ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेंगनेन अपने ग्रैंडपा के डाइनर में एक छोटी सी पार्टी रखती है और अपने बहुत सारे नेबर्स और फ्रेंड्स सभी को बुलाती है, जहां उसने लोजन को भी बुलाया था, लेकिन वो बेचारा तो इतने सारे लोगों को देखकर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो पहली बार एक साथ इतने सारे लोगों के साथ मिल रहा था और उसे तो ये लगा था कि शेंगनेन ने सिर्फ उसी को बुलाया है सेलिब्रेट करने के लिए। इसके बाद ग्रैंडमा सभी लोगों को बताते हैं कि ये सेलिब्रेशन मैंने रखी है क्योंकि हमारी शेंगनेन हेड शेफ बनने वाली है। फिर वो सभी लोगों के सामने लूजन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि वो शेंगनेन का बॉस है और कंपनी का CEO भी। जैसे ही लूजन उठता है तो सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम दोनों का क्या रिश्ता है, तो लूजन बता देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर सभी लोग हूटिंग करने लग जाते हैं और फिर शेंगनेन सभी को टेस्ट रोज करने के लिए बोलती है। जिसके बाद ग्रैंडपा लूजन से बात करने के लिए आते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम कितने साल के हो, तो वो बताता है कि मैं 36 इयर्स का हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारे बच्चे हैं, तो लूजन मना कर देता है कि नहीं, मेरी कभी भी शादी नहीं हुई और ना ही मेरे कोई बच्चे हैं। फिर वो उससे पूछते हैं तुम हेल्दी तो हो ना, जिस पर लूजन कहता है कि हाँ हाँ मैं बहुत हेल्दी हूँ। फिर वो उसे बताते हैं कि मैंने शेंगनेन को बहुत सारे पैसे उधार दिए हुए हैं और चाहे तुम दोनों का रिलेशनशिप जहाँ तक भी जाए, प्लीज शेंगनेन को बोल देना कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दे क्योंकि वो सारे मेरे पेंशन के पैसे हैं। जिनकी ये सारी कन्वर्सेशन काफी फनी होती है। अब इसी तरह एक एक करके लोजन के पास शेंगनेन के काफी सारे गेस्ट आने लगते हैं और बेचारा वो तो परेशान ही हो जाता है। लोजन शेंगनेन के पास जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रही थी, लेकिन बीच में कोई ना कोई हर बार उसे रोक लेता है, तो बेचारा लोजन अब परेशान होकर मेंशन को शेंगनेन की जगह पर जाने के लिए बोलता है। अंकल अब लोजन को अकेला देखकर उसे बात करने के लिए आते हैं और उसे शेंगनेन के बारे में बताने लगते हैं कि वो बचपन से ही पर पली बड़ी है और भले ही ये सब जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो उसके रिश्तेदार ना हो, लेकिन ये सभी उसकी बहुत केयर करते हैं और अगर कोई भी उसे हर्ट करेगा तो उसके पीछे काफी सारे लोग खड़े हैं। ये सब बोलकर वो लूजन को डराने लगता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो कभी भी शेंगनेन को हर्ट ना करे, जो सब सुनकर लूजन स्माइल करने लगता है। जिसके बाद शेंगनेन पूरी ड्रंक हालत में अपने सभी दोस्तों के साथ बहुत डांस करती है और लूजन भी उसे इस तरह खुश देखकर काफी खुश होता है। फिर लूजन शेंगनेन को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है जहाँ शेंगनेन काफी ड्रंक हालत में लूजन को बोलती है कि मुझे भूख लगी है, तो वो उसके लिए नूडल्स बनाने लगता है, लेकिन वो इस काम में काफी देर कर रहा था और बेचारी शेंगनेन को काफी भूख लगी थी, इसलिए वो कच्चे नूडल्स ही सॉस के साथ लगाकर खाने लगती है, जिसे ऐसा करता हुआ देखकर लूजन हैरान रह जाता है और फिर वो भी उसे खाकर ट्राई करता है।
शेंगनेन उसे पूछती है कि आज तुम्हें कैसा लगा। तो लुजिन कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा इतनी सारे रिलेटिव से मिलकर, और मुझे खुशी है कि मैं वहाँ से नहीं गया और मैंने तुम्हें वहाँ पर काफी खुश भी देखा। जो सुनकर शेंगनेन स्माइल करने लगती है। दूसरी तरफ हम अंकल और जाउदी को एक साथ देखते हैं, जो कि मेंशन के कहने पर जाउदी के मन की बात निकलवाने के लिए उसे ड्रिंक करवाते हैं और फिर मेंशन को कॉल लगाकर साइड में रख देते हैं और जाउदी से मेंशन के बारे में पूछने लगते हैं कि वो क्या उसे लाइक करती है। लेकिन जाउदी तो उस बेचारे का दिल ही तोड़ देती है, जो सुनकर मेंशन का तो दिल ही टूट जाता है। अगली सुबह जब शेंगनेन काम पर जा रही होती है, तभी शेंग उसके घर पर आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ दूंगा, जिस पर शेंगनेन भी मान जाती है। अब जब ये दोनों कार में होते हैं तो शेंगनेन चेंग से पूछती है कि क्या इस बार सच में मेरी स्ट्रेंथ की वजह से ही मुझे शेफ बनाया गया है। तो चेंग उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि लीमान ने भी तुम्हें चूज किया था। शेंगनेन उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जिस पर वो बताता है कि हाँ हम दोनों क्लासमेट्स रह चुके हैं और वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। और ये सब बताते बताते वो उसकी काफी तारीफें करने लगता है, जो सुनकर शेंगनेन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गाड़ी रोकने को बोलती है। फिर वो कार से उतरकर साइकिल लेकर होटल की तरफ चली जाती है और चेंग को तो समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या हो गया अचानक से। पर एक शेफ उन्हें देख लेता है और वो किचन में जाकर सभी को बता देता है कि शेंगनेन चेंग की कार से उतरी थी और वो जानबूझकर होटल से पहले ही उतर गई ताकि उन दोनों पर किसी को शक न हो और शायद उन दोनों का अफेयर चल रहा है। जो सारी बातें सुनकर शेफ लियू बोलता है कि शायद अब हम लोगों का इस किचन में रहना काफी मुश्किल होने वाला है। अब शेंगनेन जब ड्रेस चेंज होकर किचन की तरफ आ रही होती है, तभी ट्रम्पेट उसे बीच में ही रोक लेता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर चेंग और तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है। तो शेंगनेन यहाँ उसकी गलतफहमी दूर कर देती है और उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो किचन में जाकर सभी लोगों को डिशेज प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है, जो कि उसने चेयरमैन के मेन्यू के लिए डिसाइड की थी। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और सब लोग उसे इग्नोर किए जा रहे थे, जो देखकर शेंगनेन समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। सभी शेफ्स बोलते हैं कि हम लोगों को तो खाना बनाना आता ही नहीं है, इसलिए अब तुम ही हमें सिखाओ। जो सुनकर शेंगनेन को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। उसी वक्त मैनेजर शेन भी यहाँ पर आता है, जो उन लोगों से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो शेंगनेन मैनेजर को सब कुछ बता देती है। मैनेजर अब शेफ यू से बात करता है और उसे बोलता है कि तुम तो यहाँ पर मेरे आने से भी पहले से काम कर रहे हो, तो इतने क्रिटिकल टाइम में ऐसे एक्ट मत करो। मैं नहीं चाहता कि मिसेज जैंग के सामने कोई भी गड़बड़ हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम सबकी जॉब इफेक्ट हो सकती है। मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो, लेकिन इस सब के बारे में हम बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। इसलिए वो फिलहाल के लिए सभी को अपना अपना काम ठीक से करने के लिए बोलता है, पर शेफ यू ये कहकर चला जाता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो गुस्से में स्टोर रूम में जाता है, जहाँ पर हम उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ पाते हैं कि जरूर वो कोई ना कोई ट्रिक सोच रहा है। अब जब शेंगनेन काम खत्म करने के बाद घर जाती है, तो दरवाजे पर पहले से ही लुजिन उसका वेट कर रहा था, लेकिन वो सीधा घर में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और लुजिन बेचारा समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए वो कुछ देर बाद फिर से शेंगनेन का दरवाजा नॉक करता है, तो शेंगनेन उसे बता देती है कि आज मेरा मूड काफी खराब है, इसलिए क्या तुम कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकते हो। लुजिन पूछता है कि मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो शेंगनेन कहती है कि मुझे कहीं पर लेकर चलो, जिस पर लुजिन भी मान जाता है और शेंगनेन के कहने पर फिर से वो उसे सब्जी मंडी लेकर जाता है, जहाँ वो हर बार की तरह खराब मूड होने पर वो बार्गेनिंग करके सब्जियाँ लेने के लिए आई होती है और ऑलमोस्ट आधे दाम पर सारी सब्जियाँ खरीद रही होती है। पर लुजिन उसके पीछे से सभी शॉपकीपर्स को पी किया जा रहा था, जिसके बाद हम मेंशन को देखते हैं, जो कि अंकल के पास आता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में डील हुई थी कि वो उनकी कंपनी के लिए अब यूनिफॉर्म बनाएगा। पर इसके लिए वो दो कंडीशन रखता है। पहला वो उससे पूछता है कि शेंगनेन अपसेट क्यों है, क्योंकि लुजिन ने उसे ये जानने के लिए कहा था, और दूसरा वो उसे जाउदी के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने उसे किसी पर्सन के साथ देखा था। तो अंकल बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, जाउदी को तुम्हारे लिए मैं हैंडल कर लूंगा। वहीं जब शेंगनेन और लुजिन शॉपिंग करके आते हैं, तो हम देखते हैं कि शेंगनेन का मूड अब ठीक हो चुका है और अपने अपने घर जाने से पहले ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। पर पहले तो शेंगनेन के बैग में पड़ा हुआ मीटर बजने लगता है और दूसरी बार वहाँ पर एक अंकल आ जाते हैं, इसीलिए दोनों किस करे बिना ही अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर जब दोनों अपने अपने घर में होते हैं, तो एक दूसरे के बारे में सोच सोच कर काफी खुश हो रहे थे। अगले दिन मिसेज जांग होटल में आकर विजिट करती है और उसके वेलकम के लिए शेंगनेन का डिसाइड किया हुआ मेन्यू उसे सर्व किया जाता है, जिसमें उसे सारे डिशेस चीप लगती है। जो बात जब शेंगनेन को पता चलती है, तो वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है और फिर वो आखिरी डिश ट्रम्पेट को सर्व करने के लिए बोलती है, जो कि उसने बनाई थी। वो अब मिसेज जांग के सामने जाकर उस डिश के बारे में बताने लगती है कि उसने क्या बनाया है, पर जैसे वो लिड हटाकर देखती है, तो उसमें तो कुछ और ही था। वो डिश देखने में काफी बेकार लग रही थी और उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी। शेंगनेन मैनेजर को बोलती है कि ये तो उसने नहीं बनाया है, और यहाँ वो लोग शेंगनेन को एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं देते। लुजिन बोलता है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, शेंगनेन इस डिश को ले जाओ। लेकिन लीमान मिसेज जांग को उस डिश के बारे में बताने लगती है,
कि ये ब्लैक ट्रफल है जो कि वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स में से आता है और ये कच्चा बना हुआ है, इसीलिए इसमें से काफी बेकार स्मेल आ रही है। लोजिन अब उसे आगे और बताने से मना करता है, लेकिन मिसेज हैंग और सुनना चाहती थी कि आखिर इस डिश के पीछे का हिडन मीनिंग क्या है। अब आगे जो चीज लीवान उन्हें बताती है तो मिसेज जांग उसका मतलब ये कंक्लूड करती है कि वो इस होटल के एक्विजिशन से नाखुश है, इसीलिए उसने नीचा दिखाने के लिए उन्हें ये डिश सर्व की है। शेंग इन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा नहीं किया है, लेकिन मिसेज जांग उसकी एक नहीं सुनती और नाराज होकर वहाँ से उठकर चली जाती है। जिसके बाद हम सब भी शेफ्स को किचन में देखते हैं जहाँ मैनेजर शेंग इन से डिश के बारे में पूछ रहा होता है, पर वो साफ साफ बोल देती है कि उसने ये डिश नहीं बनाई और क्योंकि ट्रम्पेट भी पूरे दिन से उसके साथ में ही काम कर रहा था तो वो भी बता देता है कि शेंग इन ने ऐसी डिश नहीं बनाई थी। अब जब सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तभी शेफ यू बीच में बोल देता है कि हम सभी लोगों को पता है कि जो गेस्ट रूम नंबर 1123 में रुका था उसका तुमसे कोई ना कोई कनेक्शन है और तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस सब का गुस्सा यहाँ पर मत निकालो, इस सब से हमारी जॉब पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। ये सब बोलकर वो सारा इल्जाम शेंगन पर ही डाल देता है और उसे अपनी गलती एक्सेप्ट करने को कहता है। शेंगन उसे बकवास बंद करने के लिए बोलती है और बोलती है कि लोजिन और मेरे बीच में जो कुछ भी है उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। शेफ यू बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग इस होटल में इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारा तो रातों रात प्रमोशन का भी नहीं हुआ और तुम एकदम से यहाँ पर आकर शेफ बन गई। अब इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती लोजिन वहाँ पर आ जाता है और शेंगन को ये बोलकर ले जाता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। शेंगन उससे बाहर जाकर पूछती है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो कि ये सब मैंने नहीं किया है, तो लोजिन बोलता है कि हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और फिर वो उसे ये बोलकर घर भेज देता है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो और तुम जाकर घर पर आराम करो। जिसके बाद हम लोजिन को चेंग के ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो ट्रम्पेट को बात करने के लिए बुलाता है और उससे इस मैटर के बारे में पूछने लगता है, तो ट्रम्पेट बताता है कि शेंगन ने ट्रफल मशरूम बनाया था और उसे बनाने में मैं ही उसकी मदद कर रहा था, पर पता नहीं किसने उन डिशेस को बदल दिया। लोजिन उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी पर शक है, तो ट्रम्पेट बता देता है कि मुझे तो शेफ यू और शेफ वांग पर शक है क्योंकि वो लोग इतने सालों से इसी होटल में काम कर रहे हैं और अब क्योंकि शेंगन को प्रमोशन मिल गया है तो वो लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप लोगों को कैमरा चेक करना चाहिए। पर जेंग उसे बता देता है कि कैमरा के अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद लोजिन शेफ यू को बुलाता है जहाँ शेफ यू तो एकदम नॉर्मल बात कर रहा था जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो, तो लोजिन उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या उसने शेंगन की डिश को बदला था, पर वो उसे साफ साफ मना कर देता है कि उसने ऐसा नहीं किया। लोजिन अब यहाँ उसे की बातों में फंसाने लगता है और उसे बोलता है कि होटल के रूल के मुताबिक अगर कोई भी शेफ किसी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट को यूज करता है तो उसे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, जिसके मुताबिक तुमने कल रात 9:15 के वक्त ब्लैक ट्रफल निकाला था तो तुमने उसका क्या बनाया। शेफ ये बोलता है कि मैंने उसकी एक डिश बनाई थी लेकिन वो ठीक से नहीं बनी तो मैंने उसे ट्रैश कर दिया, पर लोजिन उसका झूठ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारा जो ब्लैक ट्रफल था वो तुमने सर्व कर दिया और जो शेंगन का ट्रफल था वो तुम्हारे टेबल की डस्टबिन के नीचे मिला। पर शेफ यू अभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और बोलता है कि तुम लोगों के पास क्या एविडेंस है कि ये सब मैंने ही किया है। पर लोजिन यहाँ उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और उसे किसी न किसी तरीके से कन्फेस करवा लेता है कि उसे नए डिशेस बदले थे। वो उसे जेलस फील कर रहा था क्योंकि वो इतनी यंग है और इतनी जल्दी शेफ बन गई जबकि उसको डिमोट कर दिया गया इस होटल में इतने साल काम करने के बावजूद भी, और क्योंकि उनके पास शेफ यू के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था इसीलिए चेंग वहाँ पर बैठकर ये सारी चीजें अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। लोजिन अब उसे फायर कर देता है और वहाँ से जाने को बोलता है। रात में अब लोजिन जब शेंगन से मिलने के लिए उसके घर जा ही रहा होता है तब वो भी रेडी होकर बाहर की तरफ जा रही थी और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है क्योंकि उसने आज जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें अंकल और जाऊथी को बता दी थी और लीमान ने आज जो कुछ भी किया इसके लिए वो उसे लड़ने के लिए लोजिन के घर जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो घर के बाहर ड्रंक होकर लीमान को बुला रहे थे। लीमान जब बाहर आती है तो अंकल और जाऊथी उसे मिलकर सुनाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम जेलिस फील कर रही हो कि लोजिन शेंगन के साथ है और वो उसकी केयर करता है इसीलिए तुम ये सारी डर्टी ट्रिक्स प्ले कर रही हो, और अगर लोजिन तुम्हें सच में लाइक करता तो अब तक वो तुम्हारे साथ होता ना कि शेंगन के साथ। तभी वहाँ पर मिसेज जांग आ जाती है जो उनसे बोलती है कि ये अच्छी बात नहीं है कि आधी रात में किसी के घर के आगे आकर शोर मचाना, और रही बात शेंगन की तो उसे जाकर बोल देना कि अगर उसे आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपने बॉस यानी कि चेंग से जाकर बात करे, ना कि इस तरह अपने दोस्तों को किसी के घर भेज दे। जो सारी बातें सुनकर जाऊदी बोलती है कि हमारी फ्रेंड ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो ऐसी ट्रिक्स प्ले करे, और लीमान की तरफ देखते हुए कहती है कि जरूर उससे कोई जेलेस है इसीलिए उसने ऐसा करवाया है। अंकल भी यहाँ पर मिसेज जांग को सुनाने लग जाते हैं कि आपको क्या ही पता कि आपकी बेटी और हमारी शेफ फ्रेंड के बीच में क्या चल रहा है, आपको ट्रू फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं है।
आपको तो सिर्फ अपनी कंपनी के शेयर्स की पड़ी है। उसी वक्त यहाँ पर लूजिन शेंगनेन के साथ आ जाता है और अपनी मदर को बता देता है कि शेंगनेन ने ही नहीं किया था, वो किसी और शेफ ने किया था जिसके बारे में मैंने पता लगा लिया है। शेंगनेन भी अब यहाँ पर मिसेज जैंग को सॉरी बोलती है और उसकी मॉम अंदर चली जाती है। शेंगनेन अब लूजिन को भी सॉरी बोलती है और उसे अपनी मॉम से जाकर बात करने को बोलती है। लूजिन अपनी मॉम से जाकर शेंगनेन के दोस्तों को माफ करने के लिए बोलता है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम अब काफी बदल चुके हो और तुम अब शेंगनेन के बारे में ज्यादा केयर करते हो। तो लूजिन कहता है कि मैं आपकी और उसकी दोनों की केयर करता हूँ। मिसेज जैंग बोलती है कि ठीक है, तो फिर अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो ही चुकी है, तो शेंगनेन को साथ में डिनर पर इन्वाइट कर लो। लूजिन बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर उसकी मॉम उसे इंसिस्ट करती है शेंगनेन को लाने के लिए। लूजिन बोलता है कि हम तीनों ही साथ में डिनर करेंगे, जिस पर उसकी मॉम हाँ बोलती है। अगली सुबह हम शेंगनेन को हेड शेफ की तरह किचन में काम करता हुआ देखते हैं और यहाँ इस बार सब लोग उसकी बात भी मान रहे थे, जो देखकर शेंगनेन को काफी अच्छा लगता है और वो बहुत खुश भी होती है। तभी उसे लूजिन बुलाता है और उसे बताता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है, मेरी मॉम तुम्हारे साथ सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती है, इसलिए वो तुम्हारे और मेरे साथ डिनर पर जाना चाहती है। पर शेंगनेन उसे ये बोलकर चली जाती है कि मैं तुम्हें इस बार में सोचकर बताऊंगी, क्योंकि आखिरी बार जो हुआ था वो उसकी वजह से अभी भी थोड़ी हेजिटेंट थी। दूसरी तरफ हम जाऊदी को उसके एक क्लाइंट के साथ क्लब में देखते हैं, जो कि उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था और जाऊदी को भी वो पसंद था, इसलिए वो उसे जेलस करने के लिए अंकल को उसे पिकअप करने के लिए बुलाती है अच्छे से ड्रेसअप होकर। तो अंकल उसे पिकअप करने के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों शेंगनेन से मिलने के लिए एक बार में जाते हैं, जहाँ शेंगनेन इन दोनों से पूछती है कि लूजिन की मॉम ने मुझे डिनर पर इन्वाइट किया है, तो मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आखिरी बार जो हुआ था वो काफी एम्बैरेसिंग था। अंकल उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए, उसकी मॉम थोड़ी सी डोमिनेटिंग है लेकिन लूजिन तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है और इसको एज अ वार्म अप एक्सरसाइज लो, क्योंकि आगे तो तुम्हें मिसेज जैंग से लगातार मिलते रहना होगा, जो सुनकर शेंगनेन मान जाती है। अगले दिन हम शेंगनेन और लूजिन को देखते हैं, जो कि होटल में डिनर के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन शेंगनेन काफी नर्वस थी तो लूजिन उसे काम डाउन होने के लिए बोलता है और उसे कहता है कि तुम्हें गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं थी। शेंगनेन बताती है कि इसमें माचा केक है और उसने उसे कैसे बनाया है, ये सब वो लूजिन को बताने लगती है, जो सुनकर तो लूजिन इमेजिन करने लगता है कि शेंगनेन ने उसे कैसे बनाया होगा और ये सोच सोच कर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वहीं हम जाऊदी को उसकी क्लाइंट और अपनी टीम के साथ देखते हैं, जो कि एक बार में थी और उसके बाहर मेंशन उसका वेट कर रहा था, क्योंकि वो उसे अभी भी चेस करना चाहता था। पर वो देखता है कि जिस क्लाइंट के साथ जाऊदी हैंगआउट कर रही है उसकी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और वो सिर्फ जाऊदी को यूज कर रहा है। होटल पहुंचकर लूजिन का उस केक को खाने का बड़ा मन कर रहा था, पर शेंगनेन उसे बता देती है कि ये तो चेंग के लिए है, क्योंकि उसने शेफ यू की सच्चाई सामने लाने में उसकी मदद की, जो सुनकर बेचारे लूजिन का तो मुंह ही लटक जाता है। और शेंगनेन चेंग को केक देने के लिए जाती है, जहां वो उसे थैंक्स के तौर पर अपना बनाया हुआ केक देती है और उसे पूछने लगती है कि मैं कैसी लग रही हूं। तो चेंग बोलता है कि तुम बहुत ही प्रिटी लग रही हो, फिर वो उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम डिनर पर चल सकते हैं। पर शेंगनेन उसे बोलती है कि डिनर पर पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे अभी बता दो। तो चेंग बोलता है कि जब तुम फ्री होगी तब हम बात करेंगे, इसीलिए शेंगनेन अब यहाँ से चली जाती है। और चेंग खुद से बोलता है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। शेंगनेन अब लूजिन के पास जाती है तो वो उसे अंदर जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। लूजिन जब डिनर के लिए जाता है तब वो देखता है कि वहाँ पर तो और भी लोग हैं और वो अपनी मॉम से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, तो उसकी मॉम बोलती है कि अरे चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक सिंपल डिनर है। तभी वहाँ पर शेंगनेन आ जाती है तो लूजिन सभी को बताता है कि शेंगनेन आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है। इस डिनर के अंदर चेंग भी मौजूद था, जो शेंगनेन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो उसे बता दिया है कि लूजिन ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था। तभी लीमान चेंग से होटल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने लग जाती है, तो वो उसे वो चीजें बताने लगता है और बोलता है कि क्योंकि अब हमें शेंगनेन एक नई शेफ मिल चुकी है तो हमारे डिशेज को भी अब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, इसलिए लीमान अब यहाँ पर गु शेंगनेन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसे मिसेज जैंग के लिए एक टोस्ट रेस करने के लिए बोलती है। जब शेंगनेन उसके लिए टोस्ट रेस करती है तो मिसेज जैंग उसके साथ ड्रिंक नहीं करती, बल्कि यहाँ वो उसे एक छोटी सी शेफ बोलकर उसकी थोड़ी सी बेइज्जती कर देती है। और यहाँ वो इतने में ही नहीं रुकती, बल्कि वो सभी लोगों को ये बोलती है कि क्योंकि शेंगनेन बहुत ही अच्छी कुक है, इसलिए मैं भी उसकी कुकिंग स्किल्स सीखना चाहती हूँ, और वो उसे सभी के लिए कुक करने के लिए बोलती है, इसलिए शेंगनेन बेचारी कुक करने के लिए चली जाती है। तो लीमन उसे कहती है कि एप्रन पहन लो वरना तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और जब वो उनके लिए कुक करने लगती है तो मिसेज जैंग सभी के लिए टोस्ट रेज करती है। अपनी मॉम का ऐसा बिहेवियर देख कर लूजिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ड्रिंक भी नहीं करता। फिर वो लीमान को भी शेंगनेन के साथ कुकिंग करने के लिए बोलता है, तो मिसेज जैंग कहती है कि हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटी है और मैं शेंगनेन को अपनी ड्यूटी करने दो।
लोजन कहता है कि ठीक है तो फिर मुझे भी कुकिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए वो शेंगनेन के साथ कुकिंग करने के लिए चला जाता है। पर शेंगनेन अब काफी एम्बेरस हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। लोजन अपनी मॉम से बोलता है कि क्या आपको और भी कुछ चाहिए, ये बोलकर वो भी शेंगनेन के पीछे पीछे जाने लगता है और लीमॉन और मिसेस जैंग तो बस उसे देखती ही रह जाती है। वही शेंगनेन रोते रोते होटल से बाहर आती है और एक टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती है। लोजन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। शेंगनेन अब जब दुखी होकर अपने घर की तरफ जा रही होती है तभी रास्ते में उसे शेफ यू मिल जाता है जो उसे बोलता है कि तुमने मुझे लोजिन और जैंग के साथ मिलकर बेवकूफ बनाया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो उसके सर पर बियर की बोतल फोड़ने ही वाला होता है, पर तभी लोजिन वहां पर आ जाता है जो कि शेंगनेन को बचा लेता है, पर वो बोतल उसके सर में लग जाती है। फिर वो पीछे पलटकर शेफ यू को एक जोरदार पंच मारता है जो देखकर वो यहाँ से भाग जाता है। शेंगनेन लोजिन के सर से खून टपकता हुआ देखकर काफी वरिड हो जाती है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, पर लोजिन मना कर देता है और बोलता है कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो सुनकर शेंगनेन उसे किस कर देती है। अगले सीन में हम मिंगशिन को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा था, तभी वो जाउदी को अपने क्लाइंट लुकस के साथ लंच करते हुए देखता है और यहाँ जैसे ही लुकस वॉशरूम जाता है तो भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और बोलता है कि वो सिर्फ 20 मिनट में वहाँ पर पहुँचेगा। लुकस अब जाउदी के पास जाकर उसे बोलता है कि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया इसलिए उसे जाना पड़ेगा। लुकस जब यहाँ से जाता है तो मिंगशिन उसका पीछा करता है और देखता है कि वो तो किसी होटल में गया है, तो मिंगशिन उस होटल का एड्रेस और रूम नंबर लिखकर जाउदी को भेज देता है और उसे बता देता है कि लुकस यहाँ पर है। जब जाउदी चेक करने के लिए आती है तो देखती है कि लुकस वहाँ पर काफी सारी लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा था। लुकस जाउदी को यहाँ पर देखकर बोलता है कि अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो क्यों ना तुम भी हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, ये बोलकर वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन जाउदी उसे थप्पड़ मार देती है, तो लुकस एक थप्पड़ में जाउदी को नीचे गिरा देता है। जो चीज जब मेंशन देखता है तो वो भी लड़ाई में कूद पड़ता है, पर लुकस के बॉडीगार्ड उसे बहुत मारते हैं तो जाउदी उन्हें रोकती है। लुकस जाउदी को कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, फिर वो ये बोलकर चला जाता है कि मेंशन बहुत ही अच्छा है जो कि तुम्हारे लिए मार खा रहा है इसलिए उसे संभाल कर रखो, ये बोलकर वो सब लड़कियों को लेकर यहाँ से चला जाता है। जाउदी अब पहले तो रोने लगती है लेकिन जब मेंशन उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो तो वो अपने आंसू पोंछ कर उसकी तरफ स्माइल करने लगती है, तो मेंशन भी उसे देखकर स्माइल करता है। जिसके बाद हम लोजन के भाई जैंग को देखते हैं क्योंकि उसके फादर ने उसकी मम को डिवोर्स देकर दूसरी शादी कर ली थी। जैंग काफी यंग और चुलबुला होता है और उसे अपने डैड के बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो उसकी मॉम उसे समझाने आती है कि उसका ब्रदर अभी तक सुहाई में ही है और उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए उसे बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि शायद लेन उसके फादर के बिजनेस को टेक ओवर कर ले। लेकिन जैंग को तो इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और वो अपनी एक टॉय कार की शॉप चलाता था। दूसरी तरफ हम मेंशन को जाउदी के घर पर देखते हैं जहाँ वो उसके जख्मों पर दवाई लगा रही थी। जाउदी अब उसे आगे से किसी भी ट्रबल में पड़ने से मना करती है लेकिन मेंशन बोलता है कि ये सब वर्थ इट रहा क्योंकि मैं तुम्हें लुकस का असली रंग दिखाना चाहता था, और वो उसे हक करके बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, प्लीज मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, अगर तुम्हें अपनी वाली जॉब पसंद नहीं है तो इसे छोड़ दो। पर जाउदी हंसते हुए कहती है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर लो इतना ही बहुत है, और फिर दोनों हंसने लगते हैं। आगे हम शेंगनेन और लोजन को देखते हैं जो कि कहीं घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह पर जाते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। पर जब लोजन शेंगनेन की फोटोज क्लिक कर रहा था तभी उसे गलती से कैमरा पानी में गिर जाता है, तो शेंगनेन उसे पानी में कूद कर कैमरा लाने को बोलती है और लोजन ऐसा सच में करने ही वाला था, पर शेंगनेन हंस देती है और बोलती है कि तुम कितने स्टूपिड हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। फिर इन दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं जहाँ शेंगनेन उससे पूछती है कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं और क्या उसमें से लीमन भी एक थी, तो लोजन उसे मना कर देते हैं और बोलता है कि लीमन सिर्फ मेरी वर्क पार्टनर है और हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। शेंगनेन अब उससे पूछती है कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ, तो लोजन उसे बताता है कि मैं एक वर्कहोलिक हूँ और मैं अपने काम की वजह से उन लोगों को टाइम नहीं दे पाता था इसीलिए हमारा ब्रेकअप हुआ। शेंगनेन उससे पूछती है कि तो क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे, लेकिन लोजन मना कर देता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा और मैं तो हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। शेंगनेन अब उससे आगे पूछती है तो फिर बताओ कि तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ, लोजन कहता है कि इस सवाल का जवाब मैं सोच कर बताऊंगा। फिर लोजन भी यहाँ पर शेंगनेन से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ, तो शेंगनेन ये बोलकर चली जाती है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। जिसके बाद हम लोजन के फादर मिंगटिंग को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में एक मीटिंग रखते हैं और उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए वो अपने बेटे जैंग को भी बुलाते हैं, पर वो तो वहाँ पर बैठे बैठे ही सो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उनकी कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं है और उन्हें आगे ऑपरेशंस चलाने के लिए फंड जुटाने में काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि उनका लोन भी अप्रूव नहीं हो पा रहा। अब हम फिर से शेंगनेन को देखते हैं जो कि लोजन के लिए काफी अच्छे से खाना बना रही होती है और लोजन तो बस उसे देखे ही जा रहा था। सीना फिर से लोजन के फादर पर आता है जिनकी कंपनी की हालत काफी खराब थी, इसीलिए एक शेयर होल्डर उन्हें एडवाइस करता है
कि उन्हें जोजैंग कंपनी यानी कि लुजन की कंपनी के साथ मर्ज हो जाना चाहिए, लेकिन मिंगतिन बहुत जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सेना फिर से शेंगनेन पर आता है, जिसने उन दोनों की डेट पर अपने काफी सारे फ्रेंड्स को भी इन्वाइट कर लिया था, जो देखकर लुजन बेचारा कुछ बोल नहीं पाता। अब जब शेंगनेन चेंग से बात करने लगती है तो लुजन काफी जेलस होता है और वो अंकल को इशारा करता है, इसलिए अंकल चेंग को अपने पास बुला लेते हैं। अब लुजन जैसे ही शेंगनेन के पास जाने वाला था, तभी शेंगनेन की एक कलीग आकर उसे रोक देती है और उसकी बनाई हुई डिश ट्राई करने को देती है, जिस चीज से बेचारा लुजन काफी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम लीमान को देखते हैं, जो कि लुजन को कॉल कर रही थी, लेकिन वो अपना फोन नहीं उठाता। पर तभी वहां मिसेस जैंग आ जाती है, जो कि उसे अपने पास बुलाती है और उसके साथ एक्सपेंसिव वाइन पीते हुए उसे अपनी बहू बनाने के सपने देखने लगती है और लीमान को भी झूठी उम्मीद देती है। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं, जो जब लुजन को अकेला देखता है तो उसके पास जाकर उससे पूछता है कि तुम्हारा और शेंगनेन का क्या रिश्ता है। लुजन उसे बता देता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो चैंग कहता है कि क्या तुम सीरियस हो, क्योंकि तुम पूरी दुनिया में अपना बिजनेस हैंडल करते हो, तो तुम कैसे उसके साथ रह पाओगे और उसे अपना टाइम दे पाओगे। लुजन कहता है कि कहीं भी आने जाने में फ्लाइट से सिर्फ कुछ ही घंटों का टाइम लगता है, और जब भी शेंगनेन को मेरी जरूरत होगी तो मैं हमेशा उसके पास होऊंगा। चैंग उसे बोलता है कि क्या तुम्हें उसका ड्रीम पता है। तो लुजन कहता है कि चिंता मत करो, मुझे नहीं पता है तो पता चल जाएगा, और अभी हमारे पास एक दूसरे को जानने का काफी टाइम है। चैंग अब यहाँ पर उससे और भी कई सवाल करता है, तो लुजन उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम शेंगनेन को ज्यादा खुश रख पाओगे। तो चैंग हाँ बोलता है, लेकिन लुजन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शेंगनेन सिर्फ मुझे पसंद करती है और वो मेरी है। जिसके बाद हम फिर से मिंगतिंग को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में होता है और वहाँ उसकी वाइफ उसका ख्याल रख रही थी। वो कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और हमें जैंग को सिखाना ही पड़ेगा, इसलिए वो जैंग की शादी की बात करता है और कहता है कि अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी तो वो अपने आप ही सब कुछ सीख जाएगा, क्योंकि अभी तो उसके पास मैं हूँ, पर मैं भी कितना वक्त जिंदा रह पाऊंगा। तो उसकी वाइफ बोलती है कि तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ही सीख जाएगा, और मैंने सुना है कि हमारा कॉम्पिटिशन जेंगोंग ग्रुप है, यानी कि लुजन की कंपनी। तो मिंगतिन बताता है कि हाँ, और लुजन तो बिजनेस के मामले में अपनी मॉम से भी ज्यादा स्मार्ट है, इसीलिए जैंग को भी जल्दी से कंपनी की पोजीशन संभालनी पड़ेगी। जिसके बाद हम शेंगनेन और बाकी सभी लोगों को देखते हैं, जिन्हें मिंगशिन सभी के पार्टनर्स के हिसाब से रूम दे रहा था, और यहाँ वो अपनी ट्रिक के हिसाब से शेंगनेन और लुजन को एक ही रूम देने वाला था, लेकिन शेंगनेन की कलीग उसे अपने साथ रूम में लेकर चली जाती है और यहाँ उनका साथ में रुकने वाला प्लान फेल हो जाता है। शेंगनेन अब जब अपने रूम में पहुंचती है तो लुजन उसे मैसेज करता है और अपने रूम में आने के लिए बोलता है, लेकिन शेंगनेन की जो कलीग थी वो उससे बहुत ज्यादा बातें करने लगती है और उसे साथ में ड्रिंक करने को बोलती है। तो शेंगनेन खुद तो ड्रिंक नहीं करती, बल्कि उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक करा के किसी न किसी तरीके से रूम से बाहर निकल जाती है। पर तभी वो सोचती है कि उसे लुजन का रूम नंबर तो पता ही नहीं है और अब उसका फोन भी अंदर रह गया था, इसलिए वो हर दरवाजे को नॉक करके लुजन का रूम ढूंढने लगती है, जहाँ रास्ते में उसे मेंशन मिल जाता है, क्योंकि वो भी जाउदी का रूम ढूंढ रहा था। तो वो उसे लुजन का रूम नंबर बता देता है और शेंगनेन उसे सऊदी का रूम नंबर बता देती है। शेंगनेन अब जब लुजन के रूम में पहुंचती है तब वो उसे हग करके किस करने ही वाली होती है, पर तभी उसके फ्रेंड्स उसे आवाज लगा देते हैं, जो कि पहले से ही लुजन के रूम में बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे, जो देखकर शेंगनेन लुजन से बोलती है, तो क्या तुमने इसलिए मुझे यहाँ पर बुलाया था। लुजन उसे देखकर हाँ में सर हिलाता है और फिर ये सभी लोग बैठकर कार्ड्स खेलने लगते हैं। अगली सुबह जब शेंगनेन उठती है तो देखती है कि लुजन वहाँ पर नहीं है और उसे वहाँ पर लुजन का एक नोट मिलता है, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि उसे कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए वो कंपनी वापस जा रहा है, और क्योंकि वो सो रही थी तो इसलिए उसने उसे नहीं उठाया, अगर वो चाहे तो कुछ दिन और यहाँ पर रुक सकती है। फिर हम चैंग को देखते हैं, जो कि शेंगनेन के रूम के बाहर वेट कर रहा था, लेकिन वो लुजन के रूम से निकल कर आती है। तो ये देखकर वो थोड़ा अपसेट हो जाता है और पूछता है कि लुजन कहाँ है। तो वो बताती है कि वो काम से अपनी कंपनी गया है, जो सुनकर वो स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसके पास चांस है। वही हम मेंशन को देखते हैं, जो कि कार में बैठकर जाउदी को वॉइस नोट भेजे जा रहा था, जिसे देखकर लुजन भी शेंगनेन को टेक्स्ट करने लगता है, पर मेंशन उसे देखकर बोलता है कि अभी तो हम एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचे और आप अभी से उसे मिस करने लगे, जो सुनकर लुजन स्माइल करने लगता है। अब जब शेंगनेन किचन में काम कर रही होती है तभी उसे लुजन का कॉल आता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या तुमने लंच किया, और मैं बहुत ही रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने रात को तुम्हारे फ्रेंड्स को खेलने के लिए क्यों बुलाया, अगर मैं उन्हें नहीं बुलाता तो मैं और तुम साथ में टाइम स्पेंड करते। फिर ये दोनों एक दूसरे को एक साथ मिस यू बोलते हैं और एक दूसरे को अपना अपना ख्याल रखकर फोन रख देते हैं। पर लुजन तो अभी भी शेंगनेन की फोटोज ही देखे जा रहा था। तभी लीमान उसके पास आती है, जो उसे ऐसा करते हुए देखकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और उसे डॉक्यूमेंट साइन करने को बोलती है।
अगले दिन हम शेंगनेन को देखते हैं जो कि जब किचन में काम कर रही थी। तभी उसे उसकी आंटी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसके ग्रैंडफादर अचानक से बेहोश हो गए थे, इसलिए वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई है। जो सुनकर शेंगनेन भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर से बात करने पर उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडपाप खतरे से बाहर है, पर उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। हम देखते हैं कि लूजन के फादर मिंग भी इसी हॉस्पिटल में होते हैं और वो जब डॉक्टर से बात करते हुए लिफ्ट से बाहर आते हैं तब वो शेंगनेन को और उसके ग्रैंडपा को किसी रूम के बाहर बैठा हुआ देखते हैं, जिसके बारे में वो जब डॉक्टर से पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि इस ओल्ड पर्सन को भी हार्ट प्रॉब्लम है लेकिन इन्हें हॉस्पिटल में रूम नहीं मिल रहा है। फिर हम लूजिन को देखते हैं जो कि रात में सोने से पहले शेंगनेन को कॉल करता है लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती क्योंकि वो ग्रैंडपा के लिए काफी वरिड हो रही थी। तभी उसे एक नर्स आकर बताती है कि उसके लिए किसी ने VIP वार्ड अरेंज कर दिया है, इसलिए वो ग्रैंडपा को उस वार्ड के अंदर शिफ्ट करने लगती है। फिर हम मिंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है। तभी जांग उससे मिलने के लिए आता है पर यहाँ पर मिंग उस पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि वो कंपनी में किसी भी काम को हैंडल नहीं कर रहा था। उसी वक्त यहाँ पर शेंगनेन आ जाती है जो कि मिंग को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसी ने उसके ग्रैंडपा के लिए वार्ड अरेंज करवाया था और उसे रिपे करने के लिए वो कुछ डिशेस भी बनाकर लेकर आई होती है। शेंगनेन अब यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम लूजन को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश होकर शेंगनेन को वॉइस नोट भेज रहा होता है कि मैं जल्दी ही वापस आने वाला हूँ और तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए मुझे बताओ। पर तभी लीमन उसके पास आती है और उसे बताती है कि लंदन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो लूजन उसे बोलता है कि ठीक है मैं लंदन जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। अब वो काफी अपसेट होकर उस वॉइस नोट को भी डिलीट कर देता है। हॉस्पिटल में अंकल शेंगनेन और ग्रैंडपा से मिलने के लिए आते हैं। अंकल शेंगनेन से पूछते हैं कि इस वार्ड का पर डे का कितना पैसा है, तो शेंगनेन बोलती है कि इस बारे में तो मुझे नहीं पता क्योंकि ये वार्ड हमारे साथ वाले किसी सर ने अरेंज किया है। तो अंकल और शेंगनेन सोचने लगते हैं कि शायद उन्होंने बिल को पे कर दिया होगा, पर तभी नर्स आती है और उन्हें बिल पे करने के लिए बोलती है जो कि 1000 युआन पर डे था। ये जानकर अंकल और शेंगनेन ग्रैंडपा का पेट बाहर की तरफ ले जाने लगते हैं, पर तभी ग्रैंडपा को होश आ जाता है और वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तो शेंगनेन उन्हें बताती है कि आप हॉस्पिटल में हो। शेंगनेन अब डॉक्टर को बुलाने के बहाने अंकल को अपने साथ बाहर लेकर जाती है और उन्हें बोलती है कि एग्जामिनेशन का कॉस्ट ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गया है और अब वार्ड का भी पैसा उन्हें देना पड़ेगा। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे और मैं लूजिन से भी मदद नहीं मांगना चाहती। तो अंकल उसे अपना कार्ड देते हुए बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, इसमें कुछ पैसे हैं फिलहाल के लिए तो इन्हें यूज कर लो। शेंगनेन ये देखकर पहले तो पैसे लेने से मना कर देती है, पर अंकल बोलते हैं कि चिंता मत करो ये पैसे सिर्फ मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ, और उसे ग्रैंडपा का ध्यान रखने के लिए बोलकर वहां से चले जाते हैं। जो सुनकर शेंगनेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जांग अपने डैड के रूम से निकलकर बाहर आता है और उसे अपना नाम बताता है, तो शेंगनेन भी उसे अपना नाम बता देती है। अब यहाँ ये दोनों थोड़ी बातें करते हैं और जांग उसे बोलता है कि तुमने जो खाना बनाया था वो काफी अच्छा था, तो क्या तुम मेरे लिए कल भी वो खाना डिलीवर कर सकती हो। जिस पर शेंगनेन मान जाती है और बोलती है कि हमारा एक छोटा सा डाइनिंग स्टॉल भी है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर मेरे हाथ का खाना खाने के लिए आ सकते हो जिसके लिए तुम्हें 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। शेंगनेन अब सुबह होते ही सबसे पहले अपने ग्रैंडपा के रेस्टोरेंट के लिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जाती है। फिर वो होटल जाकर कुकिंग करती है जहाँ ट्रम्पेट उससे उसकी ग्रैंडपा की तबीयत के बारे में पूछता है और उसे कुछ पैसे भी देता है जिन्हें शेंगनेन लेने से मना कर देती है, पर फिर भी ट्रम्पेट उसे जबरदस्ती वो पैसे दे देता है जो देखकर शेंगनेन को रोना आ जाता है। इसके बाद वो होटल से शिफ्ट खत्म करने के बाद अपने ग्रैंडपा की रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ पर भी कुकिंग करती है। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं और हर दिन वो बहुत मेहनत करती है। बीच में उसे लूजन का मैसेज भी आता है जो उसे बताता है कि उसे कुछ काम आ गया है इसलिए वो अभी वापस नहीं आ पाएगा, और वो उसके बारे में भी पूछता है कि वो कैसी है। तो शेंगनेन उसे कुछ भी नहीं बताती और बोलती है कि वो ठीक है। ऐसे ही एक रात को जब शेंगनेन अपने ग्रैंडपा के रेस्टोरेंट में खाना बना रही होती है तभी एक कस्टमर उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है कि मेरे खाने में बाल है। असल में ये सब उसने जानबूझकर किया था ताकि उसे पे ना करना पड़े, लेकिन सही वक्त पर वहाँ पर जांग आ जाता है जो उस पर्सन के सामने पुलिस को कॉल करने लगता है, जिससे डरकर वो बंदा पैसे देकर वहाँ से भाग जाता है। उसकी मदद करने के लिए शेंगनेन उसे थैंक यू बोलती है और उसके लिए कुछ डिश बनाकर लेकर आती है। फिर आधी रात में शेंगनेन रेस्टोरेंट बंद करने के बाद ग्रैंडपा के पास वापस आती है जहाँ वो काफी थकी हुई और अपसेट दिख रही थी, और वो ग्रैंडपा के पास बैठे बैठे ही सो जाती है। अगली सुबह जब शेंगनेन उठती है तब नर्स उसे बताती है कि उसके ग्रैंडपा की सर्जरी कल 1 बजे होने वाली है, इससे पहले उसे सारे बिल पे करने होंगे। शेंगनेन अब जब बिल का अमाउंट देखती है तो वो काफी परेशान हो जाती है और लूजन को मैसेज करने वाली थी। तभी उसके सामने लूजन की मदर आ जाती है और शेंगनेन उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। सबसे पहले तो लूजन की मॉम ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बोलती है कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताने के लिए आई हूँ कि आगे से अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कीजिएगा। लूजन बहुत ही बिजी है और सारी कंपनी की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही है, तो प्लीज उसे बॉदर मत कीजिए। ये बोलकर वो ग्रैंडपा को अपने असिस्टेंट का कार्ड देती है और वहाँ से चली जाती है।
फिर वो शेंगनेन से मिलती है और उसे बोलती है कि तुम अपनी ग्रैंडपा की देखभाल खुद कर रही हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा ना। और तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारा और लुजिन का रिलेशनशिप क्यों अप्रूव नहीं किया, क्योंकि तुम लुजिन की वीकनेस हो और तुम उसे उसके काम से डिस्ट्रैक्ट करोगी। शेंगनेन बोलती है कि आपकी कंपनी तो इतनी बड़ी है, तो मेरी वजह से भला आपकी कंपनी को क्या ही लॉस हो पाएगा, और मैं लुजिन को सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो क्या आप अपने बेटे को खुश नहीं देखना चाहती। मिस जांग बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी कंपनी और अपने ग्रुप को छोड़कर तुम्हारे साथ खुश रहेगा। फिर वो उसे एक कहानी बताती है जो कि उसने बचपन में सुनी थी, कि एक बार एक राजा ने अपने प्यार के पीछे अपना पूरा किंगडम कुर्बान कर दिया था। फिर वो उसे बता देती है कि लुजिन कुछ बहुत ही जरूरी काम से गया हुआ है, और अगर तुम उसे ये बात बताओगे कि ग्रैंडपा हॉस्पिटलाइज्ड है, तो वो सारा काम छोड़कर सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आ जाएगा। मैं उसे अभी फोन मिला रही हूँ, और अगर तुम्हें उससे कुछ बात करनी है तो अभी कर लो। मिस जांग अब लुजिन को फोन मिलाती है और उसे बताती है कि मैं शेंगनेन के साथ हूँ। लुजिन उसे बोलता है कि मैं काम में बहुत ही बिजी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दे पाया। शेंगनेन अब काफी सैड होती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, पर वो लुजिन को इसके बारे में पता नहीं लगने देती और उसे बोलती है कि सब कुछ ठीक है, तुम मेरी चिंता मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। ये बोलकर वो फोन रख देती और मिस जांग को बाय बोलकर चली जाती है। शेंगनेन अब बहुत ही परेशान होती है, तभी चेंग उसके पास आता है और उसे बोलता है कि ट्रम्पेट ने मुझे सब कुछ बता दिया है। शेंगनेन खुद को अब और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके सामने फूट फूट कर रोने लगती है, तो चेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, पैसे मैं पे कर दूंगा, पहले ग्रैंडपा की सर्जरी हो जाने दो। शेंगनेन उसे बोलती है कि जैसे ही मेरे पास पैसे वापस आएंगे तो मैं तुम्हें सारे पैसे पे कर दूंगी। और अब चेंग उसे चुप कराकर ग्रैंडपा के पास जाता है। ग्रैंडपा के सामने ये दोनों काफी अच्छे से खुश होकर बातें करते हैं, तो ग्रैंडपा इन्हें कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज देते हैं और खुद वो जाओदी और अंकल के पास जाते हैं, जहाँ वो उन दोनों से सजेशन लेते हैं कि लुजिन और चेंग में से कौन सा लड़का शेंगनेन के लिए बेस्ट रहेगा। तो वो दोनों अपने अपने सजेशन देने लगते हैं, जहाँ जाओदी तो अपने सारे पॉइंट्स चेंग को ही देती है और बोलती है कि वो हैंडसम है, शेंगनेन की बहुत ही केयर करता है, और यहाँ तक कि अब जब ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है तो वो कितनी हेल्प कर रहा है, जबकि लुजिन वो तो एक बार ग्रैंडपा को देखने भी नहीं आया। पर अंकल यहाँ पर लुजिन की साइड लेने लगते हैं और बोलते हैं कि इन सबसे क्या फर्क पड़ता है, शेंगनेन सिर्फ लुजिन को ही लाइक करती है, इसलिए लुजिन ही शेंगनेन के लिए परफेक्ट पर्सन है। पर जाउदी बोलती है कि भला ऐसे प्यार का भी क्या फायदा जो वो जरूरत पर काम ही ना आ पाए, और ग्रैंडपा भी उसकी बात मान लेते हैं और वो चेंग को वोट करते हैं। इस बीच जाउदी और अंकल बहुत ही फनी तरीके से लड़ रहे थे। अगले दिन अब ग्रैंडपा की सर्जरी होती है, जिसके लिए शेंगनेन काफी वरीड थी, लेकिन सर्जरी एकदम ठीक से हो जाती है और यहाँ चेंग भी उसके साथ था। जिसके बाद हम लुजिन को देखते हैं जिसने अपना सारा काम डन कर लिया था, और वो सभी को बोलता है कि कल वो वापस जा रहा है, लेकिन लीमन उसे एक और काम बता देती है और बोलती है कि उसे एक और दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए अब लुजिन को एक और दिन वहाँ पर रुकना होगा। और क्योंकि सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया था तो सभी को डिनर पर चलने के लिए बोलता है, पर लीमन लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी इसीलिए वो बोलती है कि वो इस काम को खत्म करके आएगी। अब जब लीमन अकेली होती है तभी लुजिन के फोन पर शेंगनेन का कॉल आने लगता है, जिसे वो उठा लेती है, और शेंगनेन दूसरी तरफ से उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, ग्रैंडपा बीमार हो गए थे तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा और अब उनकी सर्जरी कर दी गई है, पर वो ठीक है। तभी लीमन बोल देती है कि ये मैं हूँ, जो सुनकर शेंगनेन उससे पूछती है कि लुजिन कहाँ पर है, तो बोलती है कि वो अभी बिजी है और अगर तुम्हें कुछ काम है तो मुझे बता दो, मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगी। शेंगनेन बोलती है कि लुजिन को बोल देना कि वो मुझे कॉल बैक करे। ये बोलकर शेंगनेन फोन रख देती है और लीमन लुजिन के फोन से शेंगनेन की रिसेंट कॉल भी डिलीट कर देती है, ताकि उसे पता ही न चल पाए कि शेंगनेन ने उसे कॉल किया था। वहीं जब शेंगनेन रात में अपने घर जा रही होती है तभी वो लीमन के बारे में ही सोच रही थी और वो काफी अपसेट भी होती है। अगली सुबह चेंग शेंगनेन को जब हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है तब वो उसे पूछता है कि क्या लुजिन को ग्रैंडपा के बारे में पता है, तो शेंगनेन उसे कहती है कि नहीं, मैंने उसे इसके बारे में नहीं बताया है। फिर जब ये लोग ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाते हैं तो ग्रैंडपा शेंगनेन को काम पर जाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तुम ज्यादा छुट्टी मत लो, और बोलते हैं कि आज चेंग मेरे साथ रुक जाएगा, इसीलिए शेंगनेन वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम लुजिन को देखते हैं जो कि लीमन के साथ होता है और कल वो वापस जाने वाला था। लीमन उसे उसी जगह पर लेकर आती है जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे और उसे पास्ट की सारी मेमोरीज याद दिलाने की कोशिश करती है। जब वो काफी देर रात तक काम करने के बाद एक रेस्टोरेंट में गए थे तो वहाँ पर उन्हें अच्छा खाना भी नहीं मिला था, इसलिए लीमन ने उसके लिए इंटरनेशनल स्कूल से कुकिंग सीखी ताकि वो इतनी मेहनत करने के बाद एटलीस्ट अच्छा सा खाना खा पाए। जो सारी बातें सुनकर लुजिन उसे थैंक्स बोलता है उसके लिए, इतने एफर्ट्स लगाने के लिए। दूसरी तरफ हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि चेंग से बात कर रहे थे और उसे उनकी इतनी मदद करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। फिर वो आगे उसे ये पूछते हैं कि तुम भी अब अपनी 30s में हो तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, और यहाँ वो इनडायरेक्टली उसे शेंगनेन को परस्यू करने के लिए भी बोल देते हैं। तो चेंग बोलता है कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन प्यार को कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता और शेंगनेन किसी और को पसंद करती है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि शेंगनेन के पेरेंट्स को भी लव एट फर्स्ट साइट हुआ था और उन्हें लगता था कि वो एक परफेक्ट मैच है, लेकिन उनकी शादी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाई और दोनों का डिवोर्स हो गया।
एक रिलेशनशिप में लव एट फर्स्ट साइट होना मैटर नहीं करता, बल्कि एक रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। और तुम मेरी बात को समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम फिर से लोजिन और लीमान को देखते हैं जो कि साथ में डिनर कर रहे थे, जहाँ लीमान कहती है कि शेंगन के साथ रहना तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो बहुत ही यंग है और अगर मेरे पास भी कुछ ऐसा तरीका होता तो मैं भी फिर से यंग होकर तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ। लोजिन उसे बोलता है कि तुम जैसी हो वैसे ही ठीक हो। लीमान बोलती है कि हाँ, लेकिन तुम मुझे लाइक नहीं करते। फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हारे साथ इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ और मुझे सिर्फ एक ही बात का रिग्रेट है कि ये बात मैं तुम्हें पहले नहीं बोल पाई कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पर लोजिन उसे ये बोलकर चला जाता है कि तुम ड्रंक हो और मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि आज तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उसके जाने के बाद लीमान और भी ज्यादा ड्रिंक करती है। अब हम लोजिन को देखते हैं जो कि जब अपने रूम में होता है, तभी उसे लीमान कॉल करती है और बोलती है कि मैं वॉशरूम में हूँ लेकिन यहाँ पर टॉवल नहीं है, तो क्या तुम टॉवल लेकर आ सकते हो। लोजिन उसे बोलता है कि मैं टॉवल लेकर तो आ जाऊंगा लेकिन मैं सिर्फ उसे दरवाजे पर रख दूंगा और जब तक हम दोनों के बीच में ये दरवाजा है तब तक ही हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स और पार्टनर हैं और तुम कभी भी ये मत सोचना कि ये दरवाजा तुम्हारे लिए कभी खुलेगा। ये सब बोलकर लोजिन फोन रखने ही वाला होता है पर तभी लीमान उसे रोक देती है। फिर वो उसे बता देती है कि शेंगनिन ने उसे कुछ दिन पहले कॉल किया था। उस कॉल को मैंने पिक किया था पर मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया और उसकी कॉल भी लॉक से डिलीट कर दी। मैं ऐसा करने से खुद को नहीं रोक पाई क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे पास अभी भी चांस है और अगर मैं तुम्हें शेंगनिन के कॉल के बारे में उसे बता देती तो तुम सब कुछ छोड़कर उससे मिलने के लिए चले जाते। ये सब बोलकर वो उसे सॉरी कहकर कॉल रख देती है। लोजिन भी अब काफी गुस्से में होता है। अगले दिन हम शेंगनिन को चेंग के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो उसे थैंक्स बोलती है उसकी इतनी मदद करने के लिए। तो चेंग उसे बोल देता है कि मैं फ्यूचर में भी हमेशा तुम्हारी इसी तरह मदद करना चाहता हूँ और यहाँ वो उसे इनडायरेक्टली प्रपोज भी कर देता है। पर शेंगनिन उसे सॉरी बोलकर यहाँ से चली जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगी। रात में जब शेंगनिन ग्रैंडपा के रूम के बाहर बैठी हुई होती है तभी वहाँ पर लोजिन आ जाता है जो कि आकर सीधा शेंगनिन को हक कर लेता है और शेंगनिन भी उसे देखकर कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे हक कर रोने लगती है। पर तभी उसे मिस जैंग की बातें याद आती है और वो उसे दूर हट जाती है। अगली सुबह जब शेंगनिन हॉस्पिटल से जा रही होती है तब लोजिन भी उसके पीछे पीछे आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन शेंगनिन उसे मना कर देती है और उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। लोजिन उसे रोकता है और उसे बोलता है कि तुमने ग्रैंडपा की कंडीशन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया और तुम ये सारी चीजें अकेले झेल रही थी। शेंगनिन उसे बोलती है कि चेंग ने उसकी मदद की थी। लोजिन कहता है कि वो उसे पे कर देगा, तो शेंगनिन कहती है कि नहीं, मैं खुद ही उसे पे कर दूंगी। लोजिन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। शेंगनिन बोलती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या इंपॉर्टेंस है। जो सुनकर लोजिन समझ जाता है कि जरूर उसकी मॉम ने उसे कुछ कहा है, इसलिए वो उसे उठाकर अपनी कार में लेकर जाता है और उससे माफी मांगता है कि उसके इतने मुश्किल वक्त में वो उसके साथ नहीं था। लोजिन बोलता है कि लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और हम सारी प्रॉब्लम्स को मिलकर फेस करेंगे, इसीलिए अब प्लीज तुम मुझसे नाराज होना बंद करो। शेंगनिन उसकी इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और उसे घर चलने को बोलती है। आगे हम अंकल को ग्रैंडपा के पास देखते हैं, जहाँ वो उन्हें बोल रहे होते हैं कि लोजिन सच में बहुत ज्यादा बिजी होगा इसीलिए वो नहीं आ पाया होगा। तभी अंकल को लोजिन का कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। लोजिन उससे पूछता है कि शेंगनिन को क्या हुआ है, वो बहुत ही बदल गई है, वो जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही है और ना ही मेरी कोई हेल्प ले रही है और मुझे ग्रैंडपा की कंडीशन के बारे में क्यों नहीं बताया गया। अंकल बोलते हैं कि ये मेरी गलती है पर शेंगनिन तुमसे मदद नहीं मांगना चाहती थी और क्योंकि तुम काफी इंपॉर्टेंट काम से गए हुए थे इसलिए वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। शेंगनिन तुमसे बहुत प्यार करती है लेकिन तुम उसे सिक्योर फील नहीं कराते, इसलिए अंकल उसे एडवाइस देते हैं कि अभी शेंगनिन की प्रायोरिटी ग्रैंडपा है, इसलिए तुम ग्रैंडपा का अच्छे से ख्याल रखो। जो सुनकर लोजिन उसे थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। पर उनके जाते ही अंकल को शेंगनिन का कॉल आ जाता है जो कि उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उनसे पूछती है कि क्या मैं लोजिन के लिए ठीक नहीं हूँ। अंकल बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए और अब तो तुम्हें ब्रेकअप करने का अच्छा मौका भी मिल चुका है। शेंगनिन बोलती है कि अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि इतना बुरा भी नहीं लगा मुझे। अंकल बोलते हैं मतलब कि तुम लोजिन को अब भी प्यार करती हो, तो शेंगनिन हाँ बोलती है। फिर यहाँ वो उसे इनडायरेक्टली समझाने लगते हैं कि क्यों लोजिन ने लीमान को छोड़कर तुम्हें पसंद किया, जिनकी बातें सुनकर शेंगनिन खुश हो जाती है और उसके थॉट्स में भी अब थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है। आगे हम लोजिन को देखते हैं जो कि अपना बैग लेकर कहीं पर जा रहा होता है, तभी पीछे से उसकी मॉम उसे रोक देती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। लोजिन बोलता है कि मैं जरा कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी का ख्याल रखना है। उसकी मॉम बोलती है कि किसका, शेंगनिन का या फिर उसके ग्रैंडपा का। तो लोजिन बोलता है कि आपको भला ग्रैंडपा के बारे में कैसे पता। उसकी मदर कहती है कि तुम शेंगनिन को पसंद करते हो तो भला मुझे उसकी फैमिली के बारे में भी पता होना चाहिए। लोजिन अब समझ जाता है कि उसकी मॉम ने ही जरूर कुछ न कुछ किया है, इसलिए वो अपनी मॉम से सीधा सीधा बोल देता है कि मैंने आपको काम में कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, इसलिए आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करो, यही आपके लिए बेटर होगा और चाहे आप कितने भी कोशिश कर लो मेरी फीलिंग्स शेंगनिन के लिए नहीं बदलेंगी। ये सब बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। पर उसकी मदर बोलती है कि ये फीलिंग्स तुम्हें कमजोर बना देंगी और तुम्हारे करियर को इफेक्ट करेंगी,
लोजन उसकी मॉम को जवाब देता है कि हाँ आप ठीक कह रही हैं, पर मैं एक इमोशनलेस वर्किंग मशीन भी नहीं बनना चाहता। ये बोलकर लोजन चला जाता है और उसकी मॉम उसे देखती ही रह जाती है। जिसके बाद हम ग्रैंडपा को देखते हैं जिसे चैंग का नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था मैं वो नहीं कर पाया और मुझे यकीन है कि शेंगन को कोई मुझसे भी अच्छा इंसान जरूर मिल जाएगा। वहीं हम शेंगन को देखते हैं उसे भी चैंग का नोट मिलता है जिसमें उसने उसे गुड बाय बोलते हुए लिखा था कि मैं स्टडी करने के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ। जिसके बाद हम लोजन को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है। वो उनके लिए काफी सारी चीजें और सूप भी लेकर आया हुआ था। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि क्या ये सूप तुमने बनाया है, तो लोजन मना कर देता है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर रख दो इसी साइड में। अब ग्रैंडपा यहाँ लोजन को सबक सिखाने के लिए उसे बहुत परेशान करते हैं, कभी उसे कुछ करने के लिए बोलते हैं तो कभी कुछ। इसी बीच हम लोजन के फादर मिंगतिंग को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी के लिए काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि लोजन उनकी कंपनी को एक्वायर करने के लिए पूरी पूरी कोशिश कर रहा था और एक था उनका बेटा जैंग जो कि बिजनेस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। लोजन अब शेंगनेन के पास जाता है जो कि अपनी ग्रैंडपा के रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, मैं होटल से यहाँ पर दो शेफ्स भिजवा दूंगा, पर शेंगनेन उसकी मदद लेने से मना कर देती है। तो लोजन बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हें खुद ही हेल्प करूंगा और तुम मुझे मना नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जिसकी ये बात सुनकर शेंगनेन हंसने लगती है और बोलती है कि तुम तो आधे घंटे में गिव अप कर दोगे। लोजन बोलता है कि मुझे इतने हल्के में मत लो, तो शेंगनेन उसे पोटैटोस पील करने के लिए देती है जो करते वक्त लोजन ने पीलर ही उल्टा पकड़ा हुआ था और बेचारा परेशान हो जाता है कि उसका पोटैटो छिल क्यों नहीं रहा। तब शेंगनेन पीलर को सीधा करवाती है और उस पर हंसने लगती है। लोजन अब शेंगनेन के लिए रेस्टोरेंट में वेटर की तरह काम भी करता है पर ज्यादातर कस्टमर उसके काम करने की वजह से भाग जाते हैं। लोजन बेचारा अब सारे लेफ्ट ओवर्स को क्लीन करता है और पूरे टेबल वगैरह चमका के सब कुछ ठीक से रेडी कर देता है जो कि शायद अपनी लाइफ में पहली बार इतनी मेहनत कर रहा था। शेंगनेन जब बाहर आकर देखती है तो उससे पूछती है कि कस्टमर्स कहाँ गए। लोजन कहता है कि अब रात के 1 बज रहे हैं तो मैं कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे। तो शेंगनेन कहती है कि 1 बजे भी हमारे रेस्टोरेंट में बहुत सारे कस्टमर्स हुआ करते थे लेकिन शायद तुम्हारी पुअर सर्विस की वजह से वो सब लोग चले गए। लोजन उसे कहता है कि शेंगनेन तुम्हें पता भी है कि मैंने पहली बार किसी और के लिए बियर ओपन करके दिया और इतना ऑयली टेबल साफ किया, स्टोव साफ किया। जिसकी ये सारी बातें सुनकर शेंगनेन को बहुत ही हंसी आ रही होती है पर वो खुद को किसी तरह कंट्रोल करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है। लोजन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ 2 दिन बाद डेट पर चलोगी। तो शेंगनेन कहती है कि अगर तुम 1 घंटे में मेरे रेस्टोरेंट में कस्टमर्स लेकर आ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाने के बारे में जरूर सोचूंगी। इसीलिए लोजन मेंशन को कॉल करता है और उसे एक काम करने के लिए बोलता है। मेंशन 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी कंपनी के सभी बॉडीगार्ड्स को शेंगनेन के ग्रैंडपा के रेस्टोरेंट में भेज देता है जो देखकर लोजन मेंशन को कॉल लगाता है और बोलता है कि कम से कम उन लोगों को यूनिफॉर्म चेंज करके आने को तो बोलते। तभी शेंगनेन वहां पर आ जाती है तो लोजन उससे कहता है कि शायद ये लोग किसी कंपनी में ओवरटाइम काम करते होंगे। शेंगनेन बोलती है कि हाँ हाँ इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि इनका बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, इसलिए मैं इनके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाकर लाती हूँ। और शेंगनेन अब सभी के लिए कुक करने चली जाती है पर क्योंकि ये सभी लोग तो लोजन की कंपनी के एम्प्लॉयज थे तो ये सभी लोग एकदम रोबोट की तरह बैठे हुए थे तो लोजन को इन्हें हर चीज के लिए बोलना पड़ रहा था कि अब खाओ, अब थोड़ी सी बातचीत करो, थोड़ा सा स्माइल करो ताकि शेंगनेन को शक ना हो कि ये उसके एम्प्लॉयज हैं। लोजन फिर शेंगनेन से पूछता है कि अब तो तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी ना, तो शेंगनेन कहती है कि मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगी और वैसे तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। जो सुनकर लोजन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में आंटी ग्रैंडपा को बोलती है कि लोजन एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो शेंगनेन की रेस्टोरेंट चलाने में काफी मदद करता है और उन्हें सारी बातें बताने लगती है कि ये दोनों साथ में बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो ग्रैंडपा बात करने के लिए लोजन को बुलाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं। तो लोजन कहता है कि 10,000 के करीब। ग्रैंडपा बोलते हैं कि इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी मॉम भी तुम्हें बहुत प्यार करती है और उनकी तुमसे काफी हाई एक्सपेक्टेशंस है, इसलिए तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं भाग सकते। लेकिन एक रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता, जब एक पार्टनर थक जाता है तो दूसरा पार्टनर उसके लिए वेट करता है और इसी तरह से दोनों रुक रुक कर अपनी जिंदगी में साथ में आगे बढ़ते हैं। फिर ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि जब से मैं हॉस्पिटल में हूँ तब से शेंगनेन काफी हार्ड लाइफ जी रही है, वो होटल में जाकर भी कुक करती है और फिर रात में रेस्टोरेंट भी चलाती है और जो उसके पास टाइम बचता है उसमें मेरी देखभाल करने के लिए आ जाती है पर उसके पास रेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। पर जब से तुम वापस आए हो तब से वो फिर से काफी खुश हो गई है, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है इसलिए वो तुम पर कभी भी गिव अप नहीं करेगी और तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो लोजन कहता है कि ग्रैंडपा आप चिंता मत कीजिए, मैं शेंगनेन को हमेशा खुश रखूंगा। ग्रैंडपा फिर लोजन के हाथों का बनाया हुआ सूप पीते हैं जो कि उनको काफी पसंद आता है और अब वो भी उसे शेंगनेन के लिए अप्रूव कर चुके थे। जिसके बाद हम साउदी को देखते हैं जिसके लिए मेंशन हॉटपॉट बनाता है, जहाँ साउदी उसे बताती है कि जब बचपन में वो टीवी में हॉटपॉट देखा करती थी तब उसे वो खाने का बहुत ही मन करता था लेकिन उसकी फैमिली बहुत ही पुअर थी और वो लोग रेस्टोरेंट में जाकर नहीं खा सकते थे, इसलिए मेरी मॉम ने घर पर ही हॉटपॉट बनाया जो कि बहुत ही बेकार बना था।
पर जब मैंने बड़े होकर हॉटपॉट खाया तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। जिसकी ये सारी बातें सुनकर मेंशन उसे देखने लगता है, और अब जब ये दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो जाऊदी उसे किस कर देती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब वो भी मेंशन को पसंद करने लगी है। फिर हम लूजिन को देखते हैं जो कि शेंगनन को एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में लेकर आता है जो कि उसने हाल ही में खरीदी थी। वहाँ पर वो उसे वॉल दिखाता है जिस पर उसने शेंगनन के लिए पेंटिंग की हुई थी, और उसे बताता है कि उसने बचपन में पेंटिंग सीखी थी, इसीलिए उसने उसके लिए सब ड्रॉ किया है, और मैं आज तुम्हें यहाँ पर इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम भी पेंटिंग करके रिलैक्स फील हो सको। पर शेंगनन उसे बताती है कि मुझे पेंटिंग करनी नहीं आती। लूजिन बोलता है कि ये तो बहुत ही सिंपल है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये बोलकर वो बॉल के पास जाता है और एक कलर से भरी हुई बाल्टी उठाकर दीवार पर फेंक देता है, जो देखकर शेंगनन भी ऐसा ही करती है, और यहाँ दोनों खूब मस्ती करते हैं। जहाँ लोग दीवार के साथ साथ एक दूसरे के कपड़े और चेहरे पर भी कलर लगा देते हैं, और बहुत ही अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड करते हैं। इस सब के बाद ये दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ लूजिन फोन पर बात करने के लिए साइड में चला जाता है, और शेंगनन एक वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है जिसे जैसे ही लूजिन देखता है तो एकदम शॉक रह जाता है, और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है कि उसे कुछ जरूरी काम आ गया है और तुम्हें जो भी खरीदना है खरीद सकती हो। शेंगनन अब अंकल के पास जाकर उन्हें ये सारी बातें बताती है और उनसे पूछती है कि आखिर लूजिन ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, तो अंकल उसे मजाक करते हुए बोलते हैं कि शायद लूजिन को ऐसा लग रहा होगा कि तुम उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रही हो, इसलिए वो तुमसे ब्रेकअप कर लेगा। तो शेंगनन बोलती है कि नहीं नहीं, वो मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकता, और फिर ये बोलकर चली जाती है कि मैं घर जाकर खुद ही सोचती हूँ। दूसरी तरफ हम लूजिन को देखते हैं जो कि सिर्फ शेंगनन के बारे में ही सोच रहा था कि वो वेडिंग ड्रेस में कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, और फिर वो अंकल को कॉल करता है, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या बातें होती है ये हमें नहीं दिखाया जाता। अंकल अब शेंगनन को अपने पास बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि मुझे एक इम्पोर्टेंट डिनर में जाना है, इसीलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। जहाँ जाने के लिए उन्होंने शेंगनन के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस भी सिलेक्ट की हुई थी। फिर हम लूजिन को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम भी होती है। अंकल भी शेंगनन को उसी जगह पर लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि लूजिन तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहा है, यानी कि लूजिन ने ही अंकल को शेंगनन को यहाँ पर लेकर आने को बोला था। अंदर अब जैसे ही लूजिन अपनी स्पीच खत्म करता है तो शेंगनन वहाँ पर पहुँच जाती है जो कि बहुत ही प्रिटी लग रही थी, जिसे लेकर लूजिन स्टेज पर आता है और सभी को उसे अपनी फियांसे बताते हुए इंट्रोड्यूस करवाता है, जो सुनकर शेंगनन भी हैरान हो जाती है। पर लूजिन की मॉम का चेहरा तो देखने लायक था और वो लूजिन को अपने साथ बात करने के लिए बुलाती है, जहाँ वो उसे पूछते है कि तुमने शेंगनन को क्यों चुना। लूजिन बोलता है कि क्योंकि मैं उसके साथ हमेशा खुश रहूंगा और शायद आप भी अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हैं, तो क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगी। वहीं जब शेंगनन पार्टी में अकेली होती है तब जैंग उसके पास आ जाता है, जहाँ ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं और शेंगनन को पता चलता है कि जैंग लूजिन का ब्रदर है। शेंगनन बोलती है कि पर तुम दोनों तो बहुत ज्यादा अलग हो, तो जैंग उसे बताता है कि लूजिन को बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मिली है, और एक फ्लैशबैक से हम देख पाते हैं कि बचपन से ही उसकी मॉम उसे कंपनी हैंडल करने की ट्रेनिंग देने लग गई थी, इसी वजह से लूजिन आज ऐसा है। फिर वो उसे अपनी कार निकाल कर दिखाता है और बोलता है कि क्या तुम खेलना चाहोगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जिस पर शेंगनन मान जाती है। वहीं बाहर जब लूजिन और उसकी मॉम की बातें हो रही होती हैं, तभी वहां पर उसके डैड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मिस जैंग तो वहां से चली जाती है। पर उसके डैड लूजिन से कहते हैं कि तुम हमारी कंपनी को मत खरीदो और इसे छोड़ दो, पर लूजिन ऐसा करने से मना कर देता है और उस वक्त को याद करता है जब उसके फादर उन्हें छोड़कर चले गए थे। इसी बीच जैंग और शेंगनन पूरी पार्टी के अंदर अपनी टॉय कार के पीछे भाग रहे थे, तभी वहां पर लूजिन आता है जो शेंगनन को वहां से लेकर चला जाता है। कार में बैठकर शेंगनन बस जैंग की ही बात कर जा रही थी और बोलती है कि उसके पास कितनी अच्छी अच्छी टॉय कार्स हैं, उसने मुझे अपनी शॉप पर भी इनवाइट किया है, और उसे सारा सिनेरियो बताती है कि कैसे उसके फादर ने हॉस्पिटल में ग्रैंडपा के लिए वार्ड अरेंज किया था। फिर वो लूजिन से ये भी बोलती है कि मुझे जैंग का वीचैट आईडी चाहिए, पर लूजिन उसे बोलता है कि मैं थका हुआ हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। घर पहुंचकर लूजिन शेंगनन से नाराज होता है और वो उसकी सारी बातों को इग्नोर किए जा रहा था। अब वो उसे बार बार कुछ न कुछ बोलकर परेशान किए जा रही थी, तो लूजिन उसे उठाकर बेड पर लेकर जाता है और उसके बहुत ही क्लोज आ जाता है, जो देखकर शेंगनन बोलती है कि ओके सॉरी सॉरी, अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और ना ही मैं जैंग को अपने वीचैट पर ऐड करूंगी। तो लूजिन उसे बोलता है कि उसे थोड़ा दूर रहना, जिस पर शेंगनन मान जाती है, लेकिन वो उसे फिर से चिढ़ाकर भाग जाती है। अगले दिन हम मेंशन को देखते हैं जो कि जाऊदी के ऑफिस के नीचे उसके लिए प्रपोजल रेडी कर रहा था, और सभी लोग उसे देखकर वहां पर भीड़ लगा लेते हैं। जैसे ही जाऊदी वहां पर आती है तो वो सबके सामने उसे प्रपोज कर देता है, और उसने बुके के अंदर हॉट पॉट के इंग्रेडिएंट्स लगाए हुए थे क्योंकि बचपन में जाऊदी उसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। पर जाऊदी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे बिना यहाँ से चली जाती है। आगे हम मेंशन को एक रेस्टोरेंट में बैठकर रोता हुआ देखते हैं, जहाँ वो जाऊदी की कही हुई बातें याद कर रहा था। असल में उसने उसका प्रपोजल इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि उन दोनों का फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, क्योंकि मेंशन सिर्फ एक छोटा सा असिस्टेंट था। अगले सीन में हम शेंगनन को उसके घर पर सोता हुआ देखते हैं, तभी उसे एक कॉल आता है, और जैसे ही वो कॉल पिक करती है तो उसे पता चलता है कि वो तो लूजिन की मॉम का कॉल है,
जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर वो उसे अपने एक ग्रीन हाउस में लेकर जाती है और शेंगनेन को बताने लगती है कि लोचिन को खाना खाना बहुत ही पसंद है, इसीलिए उसके जो फेवरेट इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें मैं यहाँ पर उगाती हूँ ताकि उसे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने को मिले। शेंगनेन बोलती है कि लोचिन तो ज़्यादातर वक्त बिजनेस की वजह से बाहर ही रहता है। तो मैं जैंग बोलती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन जितना वक्त वो घर पे गुजारता है उतने में ही मैं उसे ये सब खिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बाहर वो कौन से जंक फूड्स वगैरह खाता है। असल में वो शेंगनेन की कुकिंग को यहाँ पर इनडायरेक्टली जंक फूड से कंपेयर कर रही थी। तो शेंगनेन भी उन्हें जवाब देते हुए बोलती है कि मैं हर एक डिश को बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ जिसे लोचिन काफ़ी इंजॉय करता है, इसीलिए आप ये मत सोचिए कि वो जंक फूड वगैरह खाता है। अगले सीन में हम शेंगनेन को उसके घर पर देखते हैं, तभी लोचिन उससे मिलने के लिए आता है। जो जब आकर चेक करता है तो शेंगनेन को फीवर था, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है, लेकिन उसके बार बार बोलने पर भी शेंगनेन जाने से मना कर देती है। तो लोचिन उससे पूछता है कि सुबह तो तुम ठीक थी, अब तुम्हें क्या हो गया। तो शेंगनेन उसे बता देती है कि आज वो उसकी मॉम से मिली थी, और यहाँ हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि लोचिन की मॉम शेंगनेन को बोलती है कि अगर तुम मेरे बेटे की इतनी ही केयर करती हो तो इस फील्ड में से जाकर वीड्स को निकाल दो, क्योंकि वीड्स वेजिटेबल के सारे न्यूट्रिशन खा जाते हैं। ये सब बोलते वो इनडायरेक्टली शेंगनेन को ही टॉन्ट कर रही थी और बोलती है कि मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए मैं थोड़ी देर में यहाँ पर वापस आती हूँ। आगे हम देखते हैं कि शेंगनेन वीड्स निकालने की जगह वेजिटेबल को ही निकालने लग जाती है, और जब मैं जैंग आकर ही देखती है तो वो उससे बोलती है कि तुम एक शेफ हो और तुम्हें वीड और वेजिटेबल के रेफरेंस नहीं पता क्या। शेंगनेन बोलती है कि मुझे पता है, लेकिन मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती थी कि वीड्स भी लिविंग थिंग्स होती हैं। ये सारी बातें सुनकर लोचिन हंसने लगता है और बोलता है कि मैं वहाँ पर नहीं था अपनी मॉम का चेहरा देखने के लिए। शेंगनेन बोलती है कि उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं बिल्कुल उनकी तरह हूँ जब वो यंग हुआ करती थी, तो क्या ये एक कॉम्प्लीमेंट है। जिस पर लोचिन कहता है कि हाँ बिल्कुल ये एक कॉम्प्लीमेंट है। शेंगनेन उसे बोलती है कि मुझे कैंड फ्रूट्स खाना है। लोचिन कहता है कि नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो शेंगनेन बोलती है कि ग्रैंडपा हमेशा मेरे लिए कैंड फ्रूट्स बनाते थे, इसलिए मुझे वही खाना है। तो लोचिन बोलता है कि ठीक है, जहाँ वो मिंगशिन के साथ कैंड फ्रूट्स बनाने लगता है, जो करते हुए उसे पता लग रहा था कि कुकिंग करने में कितनी मेहनत लगती है। शाम को अब लोचिन घर जाकर उसे कैंड फ्रूट्स खिलाता है, पर क्योंकि शेंगनेन को फीवर था तो उसे कुछ भी टेस्ट समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो फिर भी उन्हें खाई जा रही थी। और यहाँ वो लोचिन से बोलती है कि क्या आज तुम यहीं पर रुक सकते हो, जिसके लिए लोचिन मान जाता है और वो उसे सुलाकर अपना काम करने लगता है। अब जब थोड़ी देर बाद शेंगनेन उठकर उसे काम करता हुआ देखती है तो वो उससे माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसे उसका ख्याल भी रखना पड़ रहा था और अपना काम भी करना पड़ रहा था। लोचिन उसे ये सब बोलने से मना करता है और शेंगनेन अब उसके पास ही सोफे पर लेट जाती है और लोचिन अपना काम करता रहता है। अगले सीन में हम शेंगनेन को अंकल के पास देखते हैं, जहाँ वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ने एक साथ रात बिताए। तो शेंगनेन बोलती है कि हम दोनों सिर्फ एक बेड पर सोए थे, जो सुनकर अंकल बोलते हैं कि कितना जेंटलमैन है लोचिन। शेंगनेन अब अंकल से बोलने लगती है कि लोचिन बहुत ज़्यादा काम करता है तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, और फिर वो खुद ही डिसाइड भी कर लेती है कि मैं उसे लव मील्स भेजा करूँगी, क्योंकि वो बहुत काम करता है तो उसके लिए प्रॉपर डाइट भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो उसके लिए मील बनाकर लोचिन के ऑफिस जाती है। पर लोचिन मीटिंग के लिए किसी और जगह पर जा रहा था। लोचिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो शेंगनेन बताती है कि मैं तुम्हारे लिए मील लेकर आई हूँ जिसमें तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस हैं और आज मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। लोचिन कहता है कि मैं बहुत ही बिजी होऊंगा तो मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो शेंगनेन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ दूर से बैठकर तुम्हें देखती रहूंगी। इसीलिए लोचिन भी उसे अपने साथ कहीं मीटिंग पर लेकर जाता है। लोचिन मीटिंग के अंदर काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसकी टीम ने कुछ गड़बड़ी कर दी थी, जिसे शेंगनेन दूर से बैठकर देख रही होती है। हम शेंगनेन को देखते हैं जो कि अंकल के पास जाती है और उन्हें बताने लगती है कि लोचिन किस तरह से काम करता है, वो तो कितना चार्मिंग है, क्योंकि वो उसके काम करने के तरीके से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। आगे हम लोचिन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में एक मीटिंग कर रहा था, जहाँ सभी लोग मिंगटिंग ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि वो अब किसी वेन नाम की कंपनी से हेल्प लेने वाले थे और अब उनके पास शायद एक और नया बायर भी आ गया था। अगर ऐसा होता तो लोचिन अपने डैड की कंपनी को एक्वायर नहीं कर पाता, इसीलिए लोचिन वेन कंपनी के मालिक की बेटी जेनी से मिलने के लिए थाईलैंड जाता है, ताकि वो मिंगटिंग ग्रुप को फाइनेंशियली और ज्यादा वीक कर सके। और वो लीमान को दूसरे बायर के बारे में पता लगाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर मिंगटिंग ग्रुप को एक्वायर करना चाहता था। अगले सीन में हम मिंगटिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि वेन ग्रुप ने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उस कंपनी में वही होता है जो कि जेनी बोलती है, और लोचिन ने जेनी से मिलकर उनका एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया था। इसीलिए अब मिंगटिंग के पास कोई और रास्ता नहीं बचता अपनी कंपनी को बचाने का। तभी वहाँ पर जैंग आता है। जब उसकी मदर उससे पूछती है कि वो कहाँ पर था, तो वो बताता है कि वो शेंगनेन के फूड स्टॉल पे गया था। मिंगटिंग को याद आता है कि शेंगनेन तो वही लड़की है जिसे कि लोचिन ने पार्टी में अपना फियांसे अनाउंस किया था, इसीलिए अगले दिन वो उससे मिलने के लिए जाता है। इसीलिए शेंगनेन उसके कहने पर लोचिन को बात करने के लिए बुलाती है, क्योंकि लोचिन अपने डैड के कहने पर उनसे बात करने के लिए नहीं आता, इसीलिए उन्होंने शेंगनेन का सहारा लिया। जैसे ही लोचिन वहाँ पर आता है तो वो अपने डैड को देखकर वहाँ से जाने लगता है।
जाता है, पर शेंगनेन उसे रोक लेती है। इसीलिए वो अब अपनी डैड से अकेले में बात करने के लिए जाता है, जहाँ उसके फादर उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज तुम हमारी कंपनी को एक्वायर मत करो। लुजन काफी गुस्से में था और वो उनसे बोलता है कि आप तब कहाँ थे जब हमें आपकी जरूरत थी। 30 सालों तक मैंने इस दिन का इंतजार किया था, क्योंकि मैं बचपन में ही सोच लिया था कि एक दिन मैं आपसे भी आगे निकल जाऊंगा, जो कि आज मैंने कर दिया है। और मैं अपनी मॉम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ। मिंगटिंग बोलता है कि चाहे तुम इस बात को मानो या फिर ना मानो, लेकिन आज भी मैं तुम्हारा डैड हूँ और ये कंपनी मेरा सब कुछ है, इसलिए प्लीज इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें ये कंपनी बिजनेस पर्पसेस के लिए नहीं चाहिए, बल्कि ये तुम्हें इसलिए चाहिए क्योंकि तुम और तुम्हारी माँ मुझसे काफी नफरत करते हो। लुजिन बोलता है कि हाँ, हम आपसे काफी नफरत करते हैं, पर आपने तो सिर्फ हमें एक ही चीज सिखाई है, हार्टलेसनेस। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है, जिसकी ये सारी बातें शेंगनेन भी सुन रही थी। रात में हम शेंगनेन मेंशन को कॉल करती है, क्योंकि उसे पता था लुजिन काफी गुस्से में होगा, इसलिए वो उसे उसके बारे में पूछती है। वही हम लुजिन को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में एक सैंडबैग को बीट कर रहा था। शेंगनेन अब वहाँ पर आती है, जो कि उसे रोकती है क्योंकि उसके हाथों से खून भी निकलने लगा था। शेंगनेन अब उसे अपने घर लेकर जाती है। वही हम हॉस्पिटल में मिंगटिंग को देखते हैं, जिसकी तबीयत काफी बिगड़ जाती है। अगली सुबह जब लुजिन उठता है, तभी उसे किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मिंगटिंग की डेथ हो चुकी है। फिर हम उसका फ्यूनरल होते हुए देखते हैं, जहाँ पर जैंग की मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारे फादर ने जो तुम्हें आखिरी बार कहा था उसे याद रखना। और हमें फ्लैशबैक से पता चलता है मिंगटिंग ने उसे कहा था कि इस कंपनी को मैंने अपना सब कुछ दिया है, इसीलिए तुम इसे बर्बाद मत होने देना। फ्यूनरल पर हम लुजिन और उसकी मॉम को भी देखते हैं, जो कि काफी दूर खड़े हुए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैंग लुजिन से मिलने के लिए आता है, जहाँ वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम हमारी कंपनी को मत खरीदो। लुजिन उसे बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ पर इसीलिए आए हो, तो मैं तुम्हें दो चीजें बताना चाहता हूँ। पहला कि अगर तुम कंपनी के लिए सिंसियर हो, तो मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ, और दूसरा कि बिजनेस में कोई इमोशंस नहीं होते, इसीलिए तुम मुझे मिंगटिंग ग्रुप खरीदने से नहीं रोक सकते, और अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो जाकर खुद कुछ करो। जैंग अब उसे ये बोलकर चला जाता है कि तुमने आज जो कुछ भी कहा है उसे याद रखना, जिस पर लुजिन स्माइल करने लग जाता है। यहाँ से जाने के बाद जैंग सिर्फ लुजिन की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रहा था, और अगले दिन वो काफी अच्छे से तैयार होकर कंपनी पहुँचता है, जहाँ पर वो बहुत ही सिंसेयर होकर काम करता है और कंपनी को बचाने के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद लुजिन शेंगनेन को गुड बाय बोलने के लिए आता है, क्योंकि अब वो फिर से बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए उसे दूर जा रहा था। और जाने से पहले वो उसे एक कार्ड भी देता है, जिससे वो जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सके, और उसे गुड बाय किस करके चला जाता है। जिसके बाद हम जैंग को देखते हैं, जो कि अपने एक स्कूल फ्रेंड को बुलाता है उसे बिजनेस के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए, और वहाँ वो उसे बताता है कि जिस तायू नाम की कंपनी के साथ तुम लोग काम कर रहे थे, वो अब हमारी हो चुकी है। इसीलिए वो उसे एक गारंटी एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए बोलता है कि अगर तायू ग्रुप को कुछ भी हुआ, तो वो सब कुछ मिंगटिंग ग्रुप ही हैंडल करेगा, जिसके लिए उसका फ्रेंड भी मान जाता है। फिर जैंग के पास किसी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि लुजिन वैंकूवर के लिए निकल चुका है, और वो वहाँ जाकर हमारी कंपनी के काफी शेयर होल्डर्स के शेयर खरीद रहा है, ताकि वो हमारी कंपनी को एक्वायर कर सके। तो जैंग बोलता है कि उसे ये करने दो, जिसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में जरूर कुछ न कुछ प्लान चल रहा है। आगे हम लुजिन को देखते हैं, जिसे लीमन बता रही होती है कि हमारे पास मिंगटिंग को एक्वायर करने के लिए 42% शेयर्स है, और अगर हम कुछ और शेयर होल्डर्स के शेयर्स एक्वायर कर लेंगे, तो हम जल्दी ही मिंगटिंग ग्रुप को एक्वायर कर लेंगे। लुजिन अब यहाँ पर उससे पूछता है कि आखिर जैंग क्या कर रहा है। लीमान बताती है कि मैंने टीम से इस बार में पता लगाया था, पर उनका कहना है कि वो कुछ नहीं कर रहा। तो लुजिन कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उसके पास 41% शेयर्स है। फिर वो लीमान को दो कंपनीज के बारे में पता लगाने को कहता है। एक थी तायू कंपनी, जो कि अब मिंगटिंग ग्रुप के अंडर थी, और दूसरी थी जैंग के फ्रेंड की कंपनी। अगले दिन शेंगनेन जब अपने घर पर होती है, तभी उसके पास जैंग आता है, जो उसे बोलता है कि मैं घर पर बहुत ही अकेला फील कर रहा था, और मेरे पास बात करने के लिए भी कोई नहीं है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। तो शेंगनेन उसे घर में इनवाइट करती है और उसके लिए लंच बनाती है। जैंग उसे बोलता है कि मेरी हमेशा से ये विश है कि लुजिन मुझे अपने भाई की तरह ट्रीट करे। तो शेंगनेन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जैंग उसे बोलता है कि ठीक है, पर तुम इसके बारे में लुजिन को मत बताना, क्योंकि शायद जब तक मैं कुछ अचीव ना कर लूं, तब तक उसे भी मुझे अपने भाई एक्सेप्ट करने में अच्छा नहीं लगेगा। जिस पर शेंगनेन मान जाती है और उसे क्रैब खाने के लिए देती है। तो जैंग उसे खा लेता है, पर तभी उसे वॉमिटिंग होने लग जाती है। शेंगनेन अब उसे हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जैंग को क्रैब से एलर्जी है, और वो उसे डांटती है कि तुम्हें क्रैब से एलर्जी है, तब भी तुमने उसे क्यों खाया। जिस पर जैंग बोलता है कि तुमने इतने प्यार से मेरे लिए क्रैब बनाया था, तो मैं कैसे नहीं खाता। शेंगनेन अब जैंग के लिए पानी लेने के लिए जाती है, तभी उसे लुजिन का कॉल आता है, पर उसका फोन जैंग के पास ही था, जो देखकर जैंग इविल स्माइल करने लगता है, और हम समझ जाते हैं कि जरूर ये उसकी कोई ना कोई चाल है। वहीं जब शेंगनेन फोन नहीं उठाती, तो लुजिन काफी परेशान हो जाता है,
और वो लीमान को सभी चीजों को ठीक से एग्जामिन करने के लिए बोलता है। अगले दिन जैंग की शॉप में कार रेसिंग कंपटीशन होता है, जहाँ पर वो शेंगनेन को भी बुलाता है जो कि अंकल और जाऊदी के साथ वहाँ पर आई हुई थी। और यहाँ पर शेंगनेन और जैंग को इतने ज्यादा फ्रेंडली होता हुआ देखकर अंकल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। रात में अब सभी लोग पार्टी करने के लिए जा रहे होते हैं, पर जाऊदी वहाँ से चली जाती है और अंकल भी जाने से मना कर देते हैं। पर शेंगनेन जैंग के साथ जा रही होती है, जो कि उसके कमर पर हाथ रखकर उसे यहाँ पर ले जा रहा था, जो देखकर अंकल बहाना बनाने लगते हैं कि ग्रैंडपा तुम्हें बुला रहे थे, इसीलिए शेंगनेन उसके साथ पार्टी में जाने से मना कर देती है। अगले दिन शेंगनेन जैंग की शॉप पर जाती है, जहाँ वह उसे अपनी कार चलाना सिखा रहा होता है, जहाँ ये दोनों खूब मस्ती करते हैं। पर जब शेंगनेन कुछ खा रही होती है, तब उसके मुंह पर क्रीम लग जाती है, जिसे जैंग उसके क्लोज आकर साफ कर देता है। जो चीज शेंगनेन को काफी ऑकवर्ड लगती है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जैंग की एक कार में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। अगली रात को हम शेंगनेन को घर पे खाना बनाते हुए देखते हैं, जहाँ वो उस इंसिडेंट के बारे में ही सोच रही थी। उसके घर पर अंकल भी आए हुए थे और वो उसका मूड देखकर समझ जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुमने लूजिन से झगड़ा किया है। ये लोग अब बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजा नॉक होता है। शेंगनेन देखने के लिए जाती है कि आखिर इतनी रात को कौन आ गया। तो वहाँ पर जैंग आया होता है, जो उससे माफी मांगता है उस इंसिडेंट के लिए। तो शेंगनेन बोलती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो मुझे कुछ काम था इसीलिए मैं वहाँ से जल्दी में चली गई थी। अब जैसे ही वो अंकल की आवाज सुनता है, तो वो घर में गुस्सा चला आता है, जिसे देखकर अंकल पूछने लगते हैं कि आखिर तुम शेंगनेन से इतना फ्रिक्वेंटली क्यों मिल रहे हो। तो वो बोल देता है कि हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं। तभी वहाँ पर एक पार्सल वाला आता है, जिसे रिसीव करने के लिए जैंग जाता है, और वो पार्सल वो शेंगनेन के सामने रखकर बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। शेंगनेन जब उसे ओपन करती है, तो उसमें जैंग की एक कार थी, जिसे देखकर शेंगनेन तो काफी एक्साइटेड हो जाती है और खाना छोड़कर उस मॉडल को असेंबल करने में लग जाती है, जिसकी मदद जैंग करता है। अंकल को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बोल पाते, तभी उन्हें उनकी वाइफ का कॉल आ जाता है, जिनकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए वो हॉस्पिटल में थी। तो अंकल को वहाँ से जाना पड़ता है और वो जैंग को शेंगनेन के घर ज्यादा देर रुकने से मना करते हैं। फिर रास्ते में अंकल लूजिन को कॉल करते हैं और उसे जैंग के बारे में बताते हैं कि वो आजकल शेंगनेन से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा है और शेंगनेन भी उसके साथ हैंग आउट करती है। जो बात सुनते ही लूजिन शेंगनेन को कॉल कर देता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम घर में अकेली हो। जैंग अब उसे अपने बारे में बताने से मना करते हैं और वहाँ से चला जाता है। तो शेंगनेन यहाँ पर लूजिन को झूठ बोल देती है कि हाँ मैं अकेली हूँ और तुम कब वापस आ रहे हो। तो लूजिन बोलता है कि मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, इसीलिए अपना ध्यान रखना, और उसे गुड बाय बोलकर फोन रख देता है। तभी लूजिन के फोन में शेंगनेन और जैंग की एक फोटो आती है, जिसमें वो दोनों काफी क्लोज थे, जो देखकर लूजिन अपसेट हो जाता है और पहली फ्लाइट लेकर शेंगनेन के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर शेंगनेन काफी खुश होती है क्योंकि वो जल्दी वापस आ चुका था। अब लूजिन यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए शेंगनेन को वाली फोटो दिखाता है, तो शेंगनेन उसे खुद ही सारी चीजें बता देती है कि वो तो सिर्फ जैंग के यहाँ पर खेलने के लिए गई थी और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये फोटो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लूजिन उसे समझाता है कि तुम मेरी फियांसे हो, इसीलिए तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। तो शेंगनेन उसे सॉरी बोलती है और लूजिन उसे ये बोलकर चला जाता है कि मैं काफी थका हुआ हूँ। अगले दिन हम जैंग को देखते हैं, जो कि लूजिन के हर एक मूव पर नजर रख रहा था कि अब वो बिजनेस में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। वहीं शेंगनेन रात में कैंडल लाइट डिनर रेडी कर लूजिन का वेट कर रही होती है और उसे अपनी फोटोज भेजती है, पर लूजिन काम में बहुत बिजी था इसीलिए वो आने से मना कर देता है, जिससे शेंगनेन थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। अगले दिन लूजिन जैंग से मिलने के लिए आता है और उसे वो फोटो दिखाते हुए पूछता है कि ये सब क्या है। जैंग यहाँ पर इनोसेंट बनने की कोशिश करता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता ये फोटो किसने लिया है। लूजिन बोलता है कि ये फोटो किसी ने भी लिया हो, पर मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये ट्रिक बहुत ही सिली है और शेंगनेन से दूर रहो। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है, पर जैंग उसे बोलता है कि मैं शेंगनेन को पसंद करता हूँ और शेंगनेन भी मुझे पसंद करती है, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों की एज और इंटरेस्ट दोनों सेम है और मेरी मॉम भी शेंगनेन को बहुत पसंद करती है, वो तो उसे एकदम अपनी बेटी की तरह मानती है। लूजिन उसे वार्न करता है, लेकिन जैंग फिर भी बकवास किए जा रहा था, जो सब सुनकर लूजिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है। पर उसी वक्त वहाँ पर शेंगनेन आ जाती है, जो कि लूजिन को ऐसा करते हुए देख लेती है। शेंगनेन अब यहाँ पर आकर जैंग को उठाती है और लूजिन से बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, तो फिर यहाँ आकर तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो। लूजिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो, तो शेंगनेन भी उसे सेम सवाल करती है। लूजिन उसे घर चलकर बात करने के लिए बोलता है, पर शेंगनेन बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ, जो सुनकर लूजिन वहाँ से चला जाता है, जो देखकर शेंगनेन काफी अपसेट हो जाती है। और जैंग यहाँ पर बहुत ही इनोसेंट बनते हुए शेंगनेन से माफी मांगता है और बोलता है कि कंपनी के काफी सारे डायरेक्टर मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि शायद उन लोगों ने ही वो फोटो ली हो, पर मेरी वजह से तुम फंस गई हो। जिसके बाद शेंगनेन अंकल के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। तो अंकल उससे पूछते हैं कि क्या उस दिन तुम्हें लूजिन ने कॉल किया था जब जैंग तुम्हारे घर पर था।
जिस पर शेंगनेन हाँ कहती है और बोलती है कि मैंने लुजिन को जैंग के बारे में नहीं बताया था क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सोचता है। तब अंकल उसे बता देते हैं कि तुम्हारे घर से जाने के बाद मैंने लुजिन को कॉल करके बता दिया था कि जैंग तुम्हारे घर पर है, इसलिए शायद उसे लग रहा होगा कि तुम कुछ छुपा रही हो। रात में अब लुजिन शेंगनेन के घर आता है और उसे माफी मांगता है क्योंकि उसने जैंग को पीट दिया था। तो शेंगनेन भी उसे माफी मांगती है क्योंकि उसने लुजिन के कहने के बावजूद भी जैंग से दूरी बनाकर नहीं रखी और उसने खुद ही मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है। लुजिन कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ देखकर जेलस हो गया था। शेंगनेन बोलती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब से मैं जैंग से नहीं मिलूंगी, और वो उसकी दी हुई कार भी फेंक देती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। जिसके बाद हम साउदी को देखते हैं, जहाँ जब वो एक क्लाइंट से मिलती है तब वो उसे बदतमीजी करने लगता है, जो देखकर साउदी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। आगे हम मेंशन को देखते हैं जो लुजिन को एक फाइल देने के लिए आता है। तब उसे थोड़ा परेशान देखकर लुजिन उसे कहता है कि मैं तुमसे काफी जेलस फील करता हूँ क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के आदमी होते हैं, एक जो कि अपने करियर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और दूसरे जो कि अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो तुम दूसरी कैटेगरी में आते हो। अब हम फिर से साउदी को देखते हैं जो कि अपने डायरेक्टर को मना कर देती है कि वो इस क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। तो वो उसे बोल देती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो और अगर वो तुमसे थोड़ी एडवांटेज मांग भी रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करो और जो अमाउंट तुम डिजर्व करती हो वो ले लेना। जो सब सुनकर साउदी काफी अपसेट हो जाती है। जिसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो कि शेंगनेन के घर के नीचे ही उसका वेट कर रहा था क्योंकि वो काफी दिनों से उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी। अब जैसे ही शेंगनेन उसे अपने घर के नीचे वेट करता हुआ देखती है तो वो वहाँ से चली जाती है और जैंग के जाने के बाद ही वो अपने घर पे आती है, पर हम देखते हैं कि जैंग अभी तक वहाँ से गया नहीं था। शेंगनेन उसे अचानक से देखकर चौंक जाती है तो जैंग उसे बोलता है कि तुम इतने दिनों से मेरे कॉल्स वगैरह का जवाब नहीं दे रही थी तो मैं चेक करने के लिए यहाँ पर चला आया कि तुम ठीक हो या फिर नहीं, और क्या तुम मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रही हो। तो शेंगनेन उसे मना कर देती है और उसे वापस अपने घर जाने को बोलती है। जैंग अभी यहाँ पर उसके सामने अपना इमोशनल ड्रामा करने लगता है और बोलता है कि मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मैं अपने भाई के साथ सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, जब से मेरे फादर गए हैं तब से मेरी मॉम हर दिन रोती रहती है और मैं किसी अपने जैसे पर्सन के साथ बात करना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इतना ट्रबल कर दूंगा, इसलिए अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, और वो उसे सॉरी बोलकर जाने लगता है। पर शेंगनेन उसकी बातों में फंस जाती है और उसके साथ बाहर ड्रिंक करने के लिए चली जाती है, जहाँ वो बहुत ज्यादा ड्रंक होकर उसे सब कुछ बता देती है कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा कंट्रोल फ्रीक है, वो चाहता है कि मैं ये ना करूँ वो ना करूँ, और उसे ये भी लगता है कि अगर मैं तुमसे मिली तो हमारे बीच में कुछ हो जाएगा, पर हमारे बीच में क्या ही हो सकता है। शेंगनेन इतनी ज्यादा ड्रंक हो जाती है कि वो टेबल पर ही पास आउट हो जाती है और जैंग उसे देखकर एक इविल स्माइल देता है। जिसके बाद हम साउदी को देखते हैं जो कि ऑफिस वाले इंसिडेंट से काफी अपसेट थी क्योंकि सभी लोग सोचते थे कि साउदी तो ऐसी लड़की है जो कि क्लाइंट को कंपनी में बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए सभी लोग उसका यूज करते थे। वो जैसे ही घर पहुंचती है तो मेंशन उसे मनाने के लिए उसके घर के बाहर बैठा ही हुआ था, जिसे वो अंदर बुला लेती है। मेंशन उसे देखकर समझ जाता है कि वो बहुत अपसेट है, तो वो उसे बोल देता है कि प्लीज तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और अगर तुम्हें ये जॉब पसंद नहीं है तो प्लीज इसे छोड़ दो। फिर वो उसे रिंग दिखाते हुए शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है। लुजिन ने मुझसे कहा था कि मैंने शायद अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा अचीवमेंट नहीं की है, ना ही मेरे पास ज्यादा टैलेंट है, पर मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा और कुछ भी हो जाए मैं अपने लव को प्रोटेक्ट करूंगा। जो सब सुनकर साउदी रोने लग जाती है, तो मेंशन उसके पास जाता है और उसे कंसोल करने लगता है। साउदी उसे रोते हुए बोलती है कि लेकिन मुझे मेरे खुद का एक अपार्टमेंट चाहिए। तो मेंशन बोलता है कि अरे तुम चिंता मत करो, मैं अपनी सारी सेविंग्स विदड्रॉ करके अपने फ्रेंड्स से कुछ पैसे बोरो कर लूंगा और घर की डाउन पेमेंट कर दूंगा, फिर बाकी जो लोन का पैसा होगा उसे चुकाने के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा। ये सब बोलकर वो उसे रिंग पहनने के लिए देता है, तो साउदी कहती है कि इसे बेच दो, ये डाउन पेमेंट के पैसे देने में मदद करेगी और मुझे भूख लगी है, जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाकर लेकर आओ। जो सुनकर मेंशन स्माइल करते हुए मान जाता है और उसे कंसोल करता है। जिसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो कि ड्रंक शेंगनेन को अपनी गोद में उठाकर लुजिन के घर छोड़ने के लिए जाता है और बोलता है कि ये अब तुम्हारी है। लुजिन अब शेंगनेन और जैंग के बारे में ही सोच रहा था और वो इतना ज्यादा अपसेट होता है कि उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लग जाते हैं। अगली सुबह जब शेंगनेन की आंख खुलती है तो वो अपने सामने में जैंग को देखती है और उनसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि ये मेरा घर है। शेंगनेन उनसे पूछती है कि तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं जैंग उसे बताती है कि रात में तुम्हें जैंग यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था जब तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थी। शेंगनेन अब उससे पूछती है कि लुजिन कहाँ है, तो वो बोलती है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, और तुम लुजिन के साथ रिलेशनशिप में होते हुए जैंग के साथ फ्लर्ट कर रही हो।
शेंगन बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मिस जैंग बोलती है कि तुम जाकर खुद ही लूजिन को कन्विंस करो, और अगर तुम ये नहीं कर पाई तो एक ब्लैंक चेक लेकर यहाँ से निकल जाना। शेंगन अब लूजिन को कॉल करती है लेकिन वह उसका फोन नहीं उठाता। शेंगन अब जैंग के पास आती है और उससे पूछती है कि कल रात में ड्रंक थी तो क्या हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ, जिस पर जैंग उसे मना कर देता है। तो शेंगन उसे ये बात बताने के लिए लूजिन की ऑफिस लेकर जाती है, जहाँ वो नीचे गिरने ही वाली थी तो जैंग उसे बचा लेता है, जो चीज लूजिन देख लेता है। अब शेंगन उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसे तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे और जैंग के बीच में कुछ भी नहीं है, पर लूजिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो जैंग स्माइल कर रहा था और लूजिन अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मेंगशेन और जाऊदी को साथ में देखते हैं, जो कि काफी खुश थे और अब घर लेने के बारे में सोच रहे थे, इसलिए जाऊदी अंकल से कुछ पैसे लेने के लिए जाती है, जो कि उसे 5 लाख युआन दे देते हैं, जो देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। वहीं मेंगशेन भी लूजिन के पास आता है और उसे एक एग्रीमेंट दिखाता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी 10 साल की सैलरी उससे एडवांस मांग रहा था, क्योंकि उसे जाऊदी से शादी करने के लिए एक घर खरीदना था। वो उसे बोलता है कि मैं जाऊदी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लूजिन उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कितने का है, तो मेंगशेन बताता है कि 4.8 मिलियन युआन का। तो लूजिन उसे 5 मिलियन युआन का चेक काट कर दे देता है और बोलता है कि ये मैं तुम्हें पर्सनली दे रहा हूँ, इसलिए अभी अभी जो सब कुछ तुमने कहा है वो सब तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। ये देखकर मेंगशेन काफी इमोशनल हो जाता है और लूजिन को थैंक्स बोलकर उसके चीक्स पर किस करके वहां से चला जाता है। लूजिन उसे देखते ही रह जाता है, फिर वो शेंगन के बारे में सोचकर थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। अगले सीन में हम शेंगन को फिर से जैंग के साथ देखते हैं, जहाँ वो उसे बोलता है कि तुम्हें लूजिन से क्लियर करना चाहिए, या तो उसे तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा या फिर पैचअप हो जाएगा, जिस पर शेंगन बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो जैंग बोलता है कि चलो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ, और अब शेंगन लूजिन के घर जाती है। लूजिन उसे पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, तो शेंगन उसे बोलती है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें रिसेंटली बहुत ज्यादा दुख पहुँचाया है, लेकिन मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, इसीलिए प्लीज तुम मुझे ऐसे इग्नोर मत करो और मुझसे बात करो। लूजिन वहाँ पर जैंग की कार को भी देख लेता है, तो वो उसे बोलता है कि तुम अभी चली जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। शेंगन बोलती है कि नहीं, तुम्हें आज ही फैसला करना होगा और मुझे बताना होगा कि आखिर तुम क्या चाहते हो, मैं तभी यहाँ से जाऊंगी। तो लूजिन उसे ये बोलता है कि पहले हम दोनों को ही काम डाउन हो जाना चाहिए। शेंगन पूछती है कि आखिर इसका क्या मतलब हुआ, पर लूजिन उसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। आगे हम शेंगन को जैंग की कार में देखते हैं, जहाँ वो काफी अपसेट थी और उसे सारी बातें बताती है। तो जैंग बोलता है कि उसने तुम्हें काम डाउन होने के लिए कहा है, जिसका मतलब शायद ब्रेकअप है, पर शायद इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें लूजिन से बात करनी चाहिए। शेंगन बोलती है कि अब मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, जो सुनकर जैंग स्माइल करने लग जाता है क्योंकि वो अपने इरादों में कामयाब हो रहा था। जैंग उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए किसी ट्रिप पर चले जाना चाहिए ताकि तुम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सको, जिस पर शेंगन बोलती है कि आइडिया तो अच्छा है, पर मेरे घर पर एक टर्टल है जिसका मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो जैंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, उसका ध्यान मैं रख लूंगा, जिसके लिए शेंगन उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पास एक स्पेयर कीज छोड़ जाऊंगी। अगले दिन लूजिन शेंगन के घर पर आता है, जहाँ वो जैंग को देखकर उसे पूछता है कि शेंगन कहाँ है, तो वो उसे बताता है कि वो बहुत अपसेट थी इसलिए वो एक ट्रिप पर गई है, क्या उसने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। फिर वो लूजिन के सामने ही उसकी और शेंगन की फोटो डस्टबिन में फेंक देता है, जो देखकर लूजिन यहाँ से चला जाता है। अगले दिन लूजिन मिंगटिंग ग्रुप को एक्वायर करने के लिए उनकी कंपनी में मीटिंग करने के लिए आता है, जहाँ जब जैंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे सजेशन मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें वैसे भी पैसों की जरूरत है और जो भी बेस्ट प्राइस देगा हम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। आगे हम देखते हैं कि जैंगोंग ग्रुप ने मिंगटिंग ग्रुप को एक्वायर कर लिया होता है और आज वो लोग नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने वाले थे, पर मीटिंग में जैंग खुलासा करता है कि जिस तायु कंपनी की उन्होंने गारंटी दी थी उसने कुछ गड़बड़ी कर दी है जो कि उनके अंडर ही थी, इसीलिए अब उन्हें अपनी कंपनी को बेचकर उस कंपनी को कंपनसेशन देना होगा जिसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि जैंग के फ्रेंड की कंपनी थी। लूजिन ये देखकर जैंग के अलावा सभी को बाहर भेज देता है और जैंग से पूछता है कि तुमने ये सब कब शुरू किया, तो जैंग बोलता है कि अगर तुम मेरी और शेंगन की बात कर रहे हो तो हमने तो कभी शुरुआत की ही नहीं थी, और अगर तुम बिजनेस की बात कर रहे हो तो जब तुमने मुझसे ये कहा था कि बिजनेस में कोई भी इमोशंस नहीं होते, लूजिन बोलता है कि हाँ मैंने ये कहा था लेकिन मैं खुद को इमोशनल होने से नहीं रोक पाया क्योंकि शायद अब मैं भी थोड़ा बूढ़ा हो रहा हूँ, जो सुनकर जैंग साइको की तरह उसके सामने हंसने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लूजिन से जीत गया। लूजिन बोलता है कि क्योंकि तुमने इस समय शेंगन का यूज किया तो तुम्हें इसका प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा, जो सुनकर जैंग कुछ भी समझ नहीं पाता। तो लूजिन उसे बैठने के लिए बोलता है और पहले तो उसे उसी का किया हुआ सारा गेम बताता है कि कैसे उसने लूजिन के लिए ट्रैप सेट किया। फिर लूजिन उसे बोलता है कि बिजनेस में तुम्हें किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये बोलकर वो किसी को अंदर बुलाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि जैंग का क्लासमेट यिमिंग था, और वो उसे एक नया एग्रीमेंट साइन करता है। लूजिन अब जैंग को बताता है
कि यिमिंग की कंपनी को मैंने खरीद लिया है और यिमिंग जिसको तुमने अपना स्कूल फ्रेंड समझकर उसके साथ एग्रीमेंट किया वो एक पार्ट टाइम ब्रोकर भी है, इसीलिए तुम्हें उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। और क्योंकि मैंने अब उनके साथ नया एग्रीमेंट साइन कर लिया है तो तुम्हारा एग्रीमेंट इनवैलिड हो गया और तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी दिखा दी। ये सब सुनकर जैंग लोजिन से पूछता है कि तुमने ये सब की कब शुरुआत की और यहाँ हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि जिस रात जैंग ड्रंक शेंगनियन को उसके घर पर छोड़कर गया था तब लोजिन ने शेंगनियन के फोन के सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे जिससे उसे पता चल गया था कि जैंग लोजिन को वीक करने के लिए शेंगनियन का इस्तेमाल कर रहा था और हर बार जैंग शेंगनियन को कॉन्टैक्ट करता था, इसीलिए लोजिन ने भी जानकर ऐसा प्रिटेंड किया। इसीलिए लोजिन ने भी जानबूझकर जैंग को ऐसा दिखाया कि वो शेंगनियन की वजह से काफी इफेक्टेड है। जिसके बाद हम शेंगनियन को देखते हैं जो कि अपनी ट्रिप से वापस आ गई थी और वो अपने घर पर काफी गुस्से में होती है। तभी लोजिन वहाँ पर आ जाता है। शेंगनियन उससे बोलती है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई की लड़ाई चल रही थी तो इस सबका गुस्सा तुमने मुझ पर क्यों निकाला और अगर तुम एक्टिंग कर रहे थे तो मुझे भी बता देते, मैं भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती। ये सब बोलकर वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तभी लोजिन उसे हक कर लेता है और उसे बोलता है कि अब मुझ पर गुस्सा होना बंद करो और मुझे बहुत भूख लगी है इसीलिए प्लीज कुछ खाने के लिए बना दो। जिसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो कि काफी अपसेट होता है। उसकी मॉम उसके पास आती है तो वो अपनी मॉम से रोते हुए बोलता है कि मैंने बहुत ही कोशिश की लेकिन फिर भी मैं मिंगटिंग ग्रुप को नहीं बचा पाया। तो उसकी मॉम बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने बहुत कोशिश की पर कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ। अगली सुबह लोजिन और शेंगनियन उठते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं जहाँ लोजिन शेंगनियन के बाल बांधकर उसमें उसका ही स्पून लगा देता है जो देखकर शेंगनियन उससे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो वो उसे बता देता है कि तुम मुझसे हमेशा पूछती थी ना कि मुझे तुमसे प्यार कब हुआ। तो वो उसे उस इंसिडेंट के बारे में बताता है जब वो पहली बार उसके ग्रैंडपा के डाइनर में खाने के लिए आया था जहाँ उसने उसे पीछे से काम करते हुए देखा था जो कि अपने बालों में स्पून लगा रही थी और उसके जाते हुए वो स्पून वहाँ से गिर गया था जिसे लोजिन ने उठाकर अपने पास रख लिया। जो सुनकर शेंगनियन कहती है कि वाह ये तो बहुत ही रोमांटिक हुआ। लोजिन अब जैंग से मिलने के लिए जाता है और उसे बोलता है कि मैंने तुमसे एक बार इंडिपेंडेंट बनने के लिए कहा था जो कि अब तुम बन गए हो और मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं एक अच्छा ब्रदर नहीं बन पाया, पर मुझे एक और चांस दो, मिंगटिंग ग्रुप अब तुम्हारा है इसीलिए इसे ठीक से संभालना। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और जैंग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले सीन में हम शेंगनियन को मिस जैंग के साथ देखते हैं जहाँ मिस जैंग उससे बोलती है कि कल मैं स्विट्जरलैंड वापस जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोजिन भी मेरे साथ जाए, फिर हम लोग कभी सुहाई वापस नहीं आएंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि लोजिन किसे चुनेगा, क्योंकि अगर लोजिन ने तुम्हें चुना तो वो अपनी बायोलॉजिकल मदर को अबेंडन कर देगा जिसके लिए वो सारी जिंदगी गिल्ट में रहेगा, पर अगर उसने मुझे चुना तो वो सारी जिंदगी अपने प्यार को खोने के लिए मुझे ब्लेम करेगा और उसे हमेशा इस बात का रिग्रेट रहेगा। शेंगनियन बोलती है कि अगर आप ये सब चूज करने के लिए लोजिन को फोर्स नहीं करना चाहती तो मैं ही पीछे हट जाती हूँ और आप ये मत समझिएगा कि मैं उसे प्यार नहीं करती इसीलिए मैं पीछे हट रही हूँ, बल्कि मैं इसीलिए पीछे हट रही हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो अपनी मदर को अबैंडन कर दे, क्योंकि कोई भी अपने पेरेंट्स को अबैंडन करके कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लोजिन खुश रहे और फ्यूचर में आप कभी अपने लग्जूरियस विला में बैठकर प्रीमियम फूड खाते हुए अपने बेटे से बिजनेस की बातें कर रही हूँ तब आप मेरा ये सैक्रिफाइस जरूर याद कीजिएगा। ये सब बोलकर शेंगनियन अपनी आंखों में आंसू लिए यहाँ से चली जाती है। शेंगनियन अब जब रास्ते में होती है तभी उसे लोजिन कॉल कर रहा होता है लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। तो लोजिन अपनी मॉम के पास जाकर पूछता है कि आपने ऐसा क्या किया है फिर से कि शेंगनियन मेरा फोन नहीं उठा रही, आप भला उसे इतनी नफरत क्यों करती हो। तो मिस जैंग बोलती है कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं उसे नफरत करती हूँ, बल्कि वो तो बहुत ही लवली है। लोजिन पूछता है कि क्या आपने फिर से उसका टेस्ट लिया और इसका क्या कंक्लूजन निकला। मिस जैंग बोलती है कि कंक्लूजन ये है कि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ और तुम्हारा लड़कियों में बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट है। लोजिन अब शेंगनियन को मनाने के लिए जा ही रहा होता है तभी मिस जैंग उसे रोककर बोलती है कि शेंगनियन को आज रात डिनर पर इनवाइट करो और उसे ये भी बोल देना कि मेरी हैप्पीनेस के लिए उसे अपने लव को सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं शेंगनियन अब अपना सामान वगैरह पैक कर अपने घर से जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर लोजिन आ जाता है। वो उससे बोलता है कि मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या तुम मुझे सच में प्यार करती भी हो या फिर नहीं। तो शेंगनियन बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हें डिलेमा में नहीं डालना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोजिन कहता है कि मेरे लिए तुम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो और अपनी मॉम की कही हुई सारी बातें उसे बता देता है जो सुनकर शेंगनियन इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हारी मॉम ने फाइनली मुझे अप्रूव कर दिया, जिस पर लोजिन हाँ बोलता है और फिर वो उसके सामान के साथ उसे अपने घर लेकर जाता है। जैसे ही शेंगनियन घर पहुंचती है तो मिस जैंग शेंगनियन के पास जाकर उसे बोलती है कि आज उनकी हाउसमेट नहीं आई है और मैंने भी काफी सालों से खाना नहीं बनाया है इसीलिए आज मैं तुम दोनों के लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। जहाँ लोजिन की मॉम को पहली बार इस तरह देखकर शेंगनियन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लोजिन भी।
अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेंगनन आज अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करने वाली थी, जहाँ सबसे पहले जाउदी और मेंगशिन आते हैं जिन दोनों ने शादी कर ली थी। फिर वहाँ पर लीमान और चेंग आते हैं जो कि अब दोनों एक साथ थे, और फिर आते हैं अंकल अपनी वाइफ जीनन के साथ, और यहाँ पर उन लोगों ने जैंग को भी इन्वाइट किया था। जहाँ हम उसे कंपनी की मीटिंग में देखते हैं और वो बिल्कुल लोजिन की तरह अपनी कंपनी को हैंडल कर रहा था। वहीं ये लोग अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग करते हैं, जिसके बाद लोजिन शेंगनन को साइड में लेकर जाता है, जहाँ वो उसे उन दोनों की फर्स्ट मीट याद दिलाते हुए एक बहुत ही यूनिक सा प्रपोजल देता है, जिसमें उसने केक पर फरारी कार बनवाई थी और उसके ऊपर रिंग रखकर वो शेंगनन को उसे शादी करने के लिए पूछता है, जिस पर शेंगनन मान जाती है, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।